है प्यार मुझे। चलिए भाई शुरू करते हैं। ओके आई थिंक वी आर लाइव। यस वी आर। आ जाइए बड़ी सभी लोग। गुड मॉर्निंग पीपल। आ जाइए भाई जल्दी जल्दी सभी लोग। चलिए ओके। हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन हेलो पीपल क्या हाल चाल है। आ जाओ जल्दी जल्दी छेती छेती। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो भाई किधर। चलिए ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए ओके सो लेट्स बिगिन पीपल। लेट्स बिगिन पीपल लेट्स बिगिन। ध्यान देंगे सभी लोग। एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। करेक्ट टाइम पे आ गया क्या। देखो यार मैं एकदम पंक्चुअल हूँ। मानते हो कि नहीं मानते हो। देखो मानते हो ना। देखो एकदम टाइम पे आया हूँ यार। मतलब अच्छा कभी कभी मानते हो। चलिए वंडरफुल पीपल ओके। आ जाओ बड़ी सभी लोग आ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन। सभी का स्वागत है दोस्तों। सभी का स्वागत है। आ जाइए जल्दी जल्दी छेती छेती। आज अष्टमी का दिन है पता है आपको। अष्टमी है आज पता है आपको। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है आज। कल नहीं आज है। आज है। मेरी मॉम से बात हुई सुबह सुबह। मॉम ने कहा आज है। आज अच्छा दिन है। बहुत अच्छा दिन है। और आपके आज रिवीजन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। और भी अच्छा दिन है। यस जय माता दी। शुरू करते हैं बड़ी पीपल भैया। हेलो। यस कॉपी किताब निकाल लो है ना भाई। शुरू करते हैं। आ जाइए सभी लोग। JIGL हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन। इट विल बी अ पावर पैक रिवीजन। नाम ही मैंने इसका दिया पावर पैक रिवीजन। एंड टुडेज लेक्चर नंबर वन बड़ी। आ जाइए सभी लोग। ध्यान देंगे पीपल। मैनी थिंग्स वी हैव टू डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग। लेट अस फर्स्टली डिस्कस देन देन आफ्टर वर्ड विल मूव। आ जाइए। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी एवरीवन। जय माता दी। आ जाइए सभी लोग आ जाइए। केतन कहता है दिशा को धोखा क्यों दिया। अच्छा मन कर रहा था अभी पढ़ाई कर ले। चलो आ जाओ भाई। नाउ ध्यान देंगे पीपल। JIGL लेक्चर नंबर वन राइट पीपल। JIGL लेक्चर नंबर वन लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। जितने लोग को नहीं पता या पता है एक बार फिर से सुना दूं आपको। JIGL में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर है बड़ी 17। सो वी हैव ऑन एंड अराउंड 17 चैप्टर्स एवरीवन। ठीक है हमारे पास टोटल 17 चैप्टर्स हैं। बराबर है हमारे पास टोटल 17 चैप्टर्स हैं। हम क्या करने वाले हैं पूरे के पूरे 17 चैप्टर 10 दिन में खत्म करने वाले हैं। ठीक है हमारा टारगेट है पूरे के पूरे 17 चैप्टर कितने दिन में करने हैं 10 दिन में। इज इट पॉसिबल। वी विल मेक इट पॉसिबल। ठीक है वी विल मेक इट पॉसिबल दैट्स फॉर श्योर। नाउ ध्यान देंगे हम लोग सर स्टार्ट कहां से करेंगे उसके बाद क्या करेंगे। तो पहले हम करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है सबसे पहले हम लोग करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड। मतलब इसका वेटेज जो है वो है अराउंड 8 to 12 मार्क्स। 8 to 12 मार्क्स का वेटेज है इसका सिविल प्रोसीजर कोड का। हम यहां से शुरू करेंगे। सेकंड हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी सेकंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड हमारा लिमिटेशन एक्ट होगा। फोर्थ हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा। फिफ्थ हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होगा है ना जी। सिक्स्थ इंडियन पिनल कोड। सेवेंथ CRPC। एट्थ इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड सो ऑन चलता रहेगा। वो आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है जी सबसे पहले हम सिविल प्रोसीजर कोड से स्टार्ट करें। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी टॉपिक नेक्स्ट होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। नाउ ध्यान से सुनना सब लोग। आज हमारा टारगेट है 130 तक का। तो 130 तक हमें क्या खत्म करना है। तो 130 तक आज हमारा टारगेट है पूरा सिविल प्रोसीजर कोड खत्म करना है पूरा। सर 3 घंटे में जो हमने 12-15 घंटे पढ़े होंगे उसको 3 घंटे में हम कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बस आप लोगों को साथ देना है। देखिए जितने भी लोग यहाँ पे एडेड है आई थिंक 1400 लोग अराउंड देख रहे हैं। क्या बात है भाई। नौ ध्यान देंगे बड़ी सभी लोग। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जितने भी लोग ये लेक्चर्स देख रहे हैं बड़ी। जितने भी लोग ये लेक्चर्स देख रहे हैं आपको ये लेक्चर के एंड के डिस्क्रिप्शन में ठीक है। आपको ये लेक्चर के एंड के डिस्क्रिप्शन में मतलब लेक्चर के अंत समय डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेगी।
वो दोनों लिंक टेलीग्राम की है, उसमें आपको ऐड हो जाना है। सो कोई भी अपडेट है तो आपको उसमें मिलती भी चलेगी, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सबको कंपल्सरीली ऐड हो जाना है, इट विल बी, कोई अगर बाय चांस कोई अपडेट होती है, सो 100% आपको मिलती हुई चलेगी। सो जितने भी लोग आए हैं, है ना जी, अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक ठोक के। सो यस, शुरू करते हैं, हियर वी गो पब्लिक। सो कभी भी मैं अच्छा काम करता हूं तो भगवान के नाम से करते हैं। सो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बाप्पा। चलिए भाई आ जाइए, सिविल प्रोसीजर कोड चैप्टर नंबर 8 80 पेज नंबर पे है। जिनके पास मेरे GIGL के मेन नोट्स नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये मैं आपको मेन नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, आप टेलीग्राम में जितने लोग हैं बस ऐड हो जाना, आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। सो शुरू करते हैं, आ जाइए, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड एवरीवन, पेज नंबर 80 पे है मेरे नोट्स में। तो आ जाएं सभी लोग एंड वी विल स्टार्ट नाउ ऑनवर्ड्स सिविल प्रोसीजर कोड। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं आज से। अभी तक जो हो गया सो हो गया, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ रिवीजन कोई दिक्कत नहीं, यहां से सब बढ़िया होगा। दिस वी हैव टू मेक श्योर, यहां से हम फोड़ देंगे, दिस वी हैव टू मेक श्योर। चलिए भाई शुरू करते हैं, आ जाइए सिविल प्रोसीजर कोड। सबसे पहले दोस्तों, कितने प्रकार के कानून होते हैं? तो दो प्रकार के कानून होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के कानून होते हैं बताइए बड़ी? दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होते हैं प्रोसीजरल लॉ, एक होते हैं सब्सटेंटिव लॉ। एक कौन से लॉ होते हैं? प्रोसीजरल लॉ, एक होते हैं सब्सटेंटिव लॉ। क्या डिफरेंस है प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में? ऐसे कानून जो आपको आपके हक बताते हैं, ऐसे कानून जो आपको आपके हक बताते हैं। लाइक लड़की के लिए कानून है कि किसी लड़के ने लड़की को 15 सेकंड घूरा तो गुनाह है, ये उसका हक है लड़की का कि वो केस कर सकती है। इसलिए मैं क्लास में देखते समय किसी लड़की को 15 सेकंड भी नहीं देखता, 2 सेकंड देखा हटा दिया नजर भाई। कोई केस कर दिया किसी ने तो क्या भरोसा ना भाई। अब मेरे को बताओ ये क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। ये क्या है बड़ी? सब्सटेंटिव लॉ। नोबडी मेरा सब्सटेंटिव लॉ जो आपको क्या बताएंगे? आपके राइट्स, जो आपको आपके क्या बताएंगे? ड्यूटीज। राइट्स, ड्यूटीज जो बताएंगे वो कौन से है? बड़ी सब्सटेंटिव लॉ है, राइट। अच्छा, प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं? जो प्रोसेस बताते हैं कि केस कैसे होगा, जो प्रोसेस बताते हैं कि केस कैसे होगा। ऐसे कानून जो आपको प्रोसेस बताते हैं कि केस कैसे होगा, इसे हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। क्या कहते हैं बड़ी हम इसको? प्रोसीजरल लॉ। द लॉ विच सेज कि केस कैसे होगा, उसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, याद रखेगा सब लोग, है ना जी। मेरे को बताओ ऐसा लॉ जो कोर्ट के पावर बता रहा है वो भी क्या है? प्रोसीजरल लॉ। ऐसा लॉ बता रहा है कि केस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। सो दो प्रकार के लॉ होते हैं एवरीवन, है ना जी, एकदम सिंपल है। एक कौन सा लॉ है बड़ी? सब्सटेंटिव लॉ। और दूसरा कौन सा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ। वंडरफुल स्वीट हार्ट। सिविल प्रोसीजर कोड क्या लगता है कौन सा है? सब्सटेंटिव की प्रोसीजरल, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, सब्सटेंटिव है कि प्रोसीजरल है? सो इट कंटेन्स बोथ। मेरे प्यारे बच्चों, जिनको लगता था यह सिर्फ सब्सटेंटिव है, जिनको लगता था सिर्फ प्रोसीजरल है, नाम के प्रोसीजरल में, मतलब नाम इसका प्रोसीजरल है, इसका ये मतलब नहीं है, दिस अ प्रोसीजरल लॉ। इट कंटेन्स बोथ, इसमें सब्सटेंटिव पार्ट भी है एज वेल एज प्रोसीजरल पार्ट भी है। सिविल प्रोसीजर कोड में 158 सेक्शंस हैं, जो सब्सटेंटिव पार्ट है, जो आपको आपके हक बताएगा, आपको आपके ड्यूटी बताएगा, आपको आपके राइट्स बताएगा। इसे हम बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? बॉडी। मेरी बॉडी अच्छी है ना बेटा? अब्बर सर का ट्रेनर कौन है? मैं हूँ। तो मेरे को बताओ उनकी बॉडी अच्छी है तो मेरी कैसी होगी? मैं बता, ऐसी बॉडी बनाने का क्या मतलब जो बाद में वो कराने जाना पड़ता है क्या? अभी अब्बर सर से पूछना क्या कराने जाते हैं, सब बहाना है। चलिए नाउ ध्यान देंगे, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, कितने सेक्शन है इसमें बॉडी? 158। इसको हम बॉडी बोलते हैं, इट्स अ सब्सटेंटिव लॉ। क्या है बॉडी? ये सब्सटेंटिव लॉ। और इसमें 51 ऑर्डर्स हैं। कितने ऑर्डर्स हैं? 51 ऑर्डर्स हैं, इसको हम रूल्स कहते हैं। इट कंटेन प्रोसीजरल लॉ। इट कंटेन व्हाट? प्रोसीजरल लॉ, ठीक है बड़ी। अच्छा, ये लॉ क्या बताएंगे? राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। और ये लॉ क्या बताएंगे? प्रोसेस की केस कैसे होगा। कंफर्टेबल एवरीवन? चलिए वंडरफुल। नाउ ध्यान देंगे सिविल प्रोसीजर कोड में, आप सीधा शुरू करने जा रहे हैं पहला कंसेप्ट। आ जाइए भाई शुरू करते हैं, है ना जी, हियर वी गो। सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड में चीज आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉज ऑफ एक्शन। क्या आता है? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या, ठीक है? मेरी बाइको ने मेरे को बेलन से मारा। बाइको मतलब मेरी बीवी, मतलब बीवी अभी हुई नहीं है बट होने वाली है,
सो मेरी बीवी ने मेरे को बेलन से मारा और मैं उस पर केस करना चाहता हूँ, मैं कोर्ट जाके क्या बोलूंगा? बेलन से पड़ी है इसलिए आया हूं, यही बोलूंगा ना? अरे यही बोलूंगा ना यार। सो कॉज ऑफ एक्शन मतलब रीजन फॉर एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है बड़ी? रीजन फॉर एक्शन, क्यों केस करना है, इसे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। आशीष सर ने बोला था मैंने के 20,000 देंगे, 2,000 भी नहीं दे रहे, तो मैं केस करूंगा आशीष सर पे। आशीष सर पे जब मैं केस करूंगा इट्स अ रीजन फॉर एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन। लेकिन सर एग्जाम में सिर्फ इतना सा थोड़ी लिख सकते हैं रीजन फॉर एक्शन ना, तो एग्जाम में तो सर टेक्निकल वर्ड्स लिखने होंगे। सो सर वो टेक्निकल वर्ड्स क्या है? चलिए भाई जितने भी लोग लेट आए हैं कल से, अगर लेक्चर शुरू होने के बाद आप लोग आए हो ना, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग बाहर ही लेक्चर देखोगे, ठीक है बड़ी? सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस ऑनवर्ड्स नाउ, ठीक है एवरीवन? चलिए अभी ध्यान से सुनना पीपल। सो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है बड़ी? कॉज ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है, एकदम ही आसान है, ध्यान देना। मैं क्या करने वाला हूं सुनो, रिवीजन लेक्चर्स में हिंदी में एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, बाकी पूरा इंग्लिश में बोलूंगा, ताकि क्या होता है बच्चा, मैंने अभी तक जितने अटेम्प्ट्स देखे हैं बच्चे का क्या होता है, हिंदी में सब पता होता है उसको, एग्जाम में लिखना कैसे इंग्लिश में वो उसके तोते उड़ जाते हैं फिर। तो इसलिए मैं क्या करूंगा ना, लिखना क्या एग्जाम में उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, सिर्फ एग्जाम परस्पेक्टिव से हिंदी में एक ही बार समझाऊंगा बस, बाकी पूरा एग्जाम में लिखना कैसे है वही वर्ड्स वही लाइंस पे फोकस करूंगा, राइट? सो कॉज ऑफ एक्शन क्या, ध्यान देना, कॉज ऑफ एक्शन मींस एवरी फैक्ट, मेरे साथ बोलेंगे व्हाट? एवरी फैक्ट, इट वुड बी नेसेसरी, बोलो क्या? इट वुड बी नेसेसरी फॉर प्लेंटिव टू प्रूव, बोलो, फॉर प्लेंटिव टू प्रूव, इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू जजमेंट ऑफ कोर्ट, बताओ, इन ऑर्डर टू सपोर्ट राइट टू जजमेंट ऑफ कोर्ट। अब सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या है, हर सच जो प्लेंटिव मतलब जो केस करता है, जो प्रूव करता है ताकि कोर्ट का जजमेंट उसके फेवर में आए। लाइक मान लो आपने मुझे डिफेम किया, ठीक है, मेरी मान हानि की, ठीक है, तुमने बोला मोदी सर गांजा फूक के आते हैं लेक्चर में, ठीक है, दारू पी के आते हैं, कल बोल रही थी ना, कौन बोल रही थी, आशीष सर को, हाँ, कि मोदी सर दारू पी के आते हैं लेक्चर में, तुमने मुझे डिफेम किया, मार्केट में नाम बदनाम हो रहा है कि मोदी सर गंजेड़ी हैं, चरसी हैं, ठीक है, दरुए हैं, बेवड़े हैं, तो नाम खराब हो रहा है मेरा, तो मैं तुम पे केस करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सच बताऊंगा सारे और क्या करूंगा, कोर्ट की जजमेंट अपने फेवर में लाने की कोशिश करूंगा, कॉज ऑफ एक्शन, रीजन फॉर एक्शन। लेकिन इसको टेक्निकल वर्ड में याद कैसे रखना है, मैं याद करा दूंगा, सुनो, एवरी फैक्ट, बोलो क्या, एवरी फैक्ट, इट वुड बी नेसेसरी फॉर प्लेंटिव टू प्रूव इन ऑर्डर टू सपोर्ट राइट टू जजमेंट ऑफ कोर्ट। एक बार और बोलना है, Every fact it would be necessary to prove in order to support right to judgment of court. This is simply a cause of action. क्या है? अबे हो गया ना बे, हर चीज रिपीट नहीं करनी होती, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बड़ी? Cause of action, ठीक है, order to rule to, मैं कहां पे लिखा, order to rule to, every fact it would be necessary for plaintiff to prove in order to support right to judgment of court. हर सच जो प्लेंटिव को प्रूव करना जरूरी है ताकि कोर्ट की जजमेंट प्लेंटिव के फेवर में आए, इसे हम क्या कहते हैं बड़ी? कॉज ऑफ एक्शन, रीजन फॉर एक्शन। तुमने मुझे मारा, मैं कोर्ट जाके बताऊंगा ये क्या है, कॉज ऑफ एक्शन। कंफर्टेबल सभी लोग ऑनलाइन में, सभी लोग कंफर्टेबल होंगे आई बिलीव। चलिए अभी ध्यान से सुनना पीपल, इसमें दो चीज होती है, एक तो राइट्स, एक इंफ्रिंजमेंट। फिर से बोलो, दो चीजें होती, क्या? राइट्स और इंफ्रिंजमेंट। कोई आपका हक है वो छीना गया, दैट्स इट। मेरा हक था कि मेरी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, तुमने मुझे चिमटी मारी, मैं केस करूंगा, कॉज ऑफ एक्शन। मेरा हक था कि तुम अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करो, तुमने नहीं किया, केस करूंगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो भैया याद रखना, इतनी सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है बड़ी? ओके, सो नाउ ध्यान देना सभी लोग। सो जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है कि मान लो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपकी शादी में मैं ढोल बजाऊंगा, ठीक है, आपकी बीवी जो थी उसने बोली कि नहीं मोदी सर ढोल बजाएंगे तो ही मैं शादी करूंगी, तो मैं कहा ठीक है मैं बजाऊंगा आपकी शादी में, आपके बारात के पीछे ढोल बजाऊंगा मैं। अब हुआ कि आपकी शादी निकल रही थी, मैं ढोल वोल कुछ नहीं लेके आया, आपकी शादी कैंसिल हो गई, क्या आप मेरे पे केस करोगे? हाँ, तो कोर्ट को जाके क्या बोलोगे कि इसने, हमारा राइट था कि ढोल बजाए, इसने बजाया नहीं है, तो ये क्या है, ये क्या है, कॉज ऑफ एक्शन। आपका राइट था, इन्फ्रिंज हुआ है, आपका राइट था, इन्फ्रिंज हुआ है, बात ही खत्म हो गई भाई, इतना है और कुछ नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन आज तक ICSI के एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो सर क्यों मत्थे पड़ रहे हो इसके, फिर क्यों? कोई दिक्कत नहीं है कि आ गया तो, ठीक है। सो यस, याद रखना, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई आ जाओ ना, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती है चीज डिक्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बड़ी इसमें? डिक्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है डिक्री क्या होती है। डिक्री, डिक्री मतलब क्या है, देखो यार समझो, बहुत लोग को लगता है डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर, बस
देखो ऑर्डर डिक्री जजमेंट तीनों में फर्क है, किस में फर्क है? ऑर्डर डिक्री जजमेंट तीनों में फर्क है, काके तीनों में फर्क है। आज हम तीनों का फर्क देखेंगे। सबसे पहले डिक्री मतलब क्या है, सबसे पहले क्या डिक्री मतलब क्या है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, अपने सोमिल सर है, उनका एक बच्चा हुआ, क्या हुआ? उनका एक बच्चा। अब सोमिल सर कह रहे हैं मेरा बच्चा है, सोमिल सर कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है। अपने पुष्कर सर बताए आपको, वो कहते हैं मेरा है। सोमिल सर क्या कह रहे हैं? बच्चा मेरा है। पुष्कर सर कह रहे हैं बच्चा मेरा है। अब जिससे हुआ है, जो बंदी है, वो कौन है किसी को नहीं बताया, बट ठीक है। तो वो बंदी से पूछ रहे हैं, अब वो बंदी बोल रही है कि कोर्ट तुम डिसाइड करो। क्या बोल रही है? कोर्ट तुम डिसाइड करो, ठीक है? वो कह रही है नाक पुष्कर सर पे गई, आंख सोमिल सर पे। चलिए भाई अभी ध्यान देना पीपल। सो नाक क्या कह रही है? कोर्ट तुम डिसाइड करो, ठीक है? अभी बात समझो, कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराया और ये पता चला कि बच्चा सोमिल सर का है, तो कोर्ट ने डिक्री दी सोमिल सर के फेवर में। जब कोर्ट किसी के राइट्स बताता है तो उसे कहते हैं डिक्री। जब कोर्ट क्या बताता है? किसी के राइट्स, है ना? घर किसका है, ये डिस्प्यूट हुआ, मेरा है कि अब्बड़ सर का है, है ना जी? कोर्ट ने डिक्री दी कि अब्बड़ सर का घर है, तो ये डिक्री होती है। जब कोर्ट राइट्स बताता है, क्या बताता है? बड़ी राइट्स, हक बताएगा कोर्ट आपके, तो उसे हम कहते हैं डिक्री। जब कोर्ट आपके क्या बताएगा? हक, राइट्स बताएगा, उसे हम डिक्री कहते हैं। डिक्री बहुत सिंपल है, ठीक है? सेक्शन टू सबसेक्शन टू, सेक्शन टू सबसेक्शन टू, कितना आसान है, याद रखना भी इजी है। सेक्शन टू सबसेक्शन टू, डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब कार्यवाही हुई है, उसकी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिक्री, ठीक है? कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली मतलब यही अंत है, कंक्लूसिवली मतलब यही अंत है। जब तक अपील ना हो यही अंत है, जब तक अपील ना हो यही अंत है। इसमें पार्टी के राइट्स बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं डिक्री में? पार्टी के राइट्स, डिक्री में पार्टी के राइट्स बताए जाते हैं, ठीक है? एक मैटर को लेके बताए जाते हैं या एक से ज्यादा मैटर को लेके बताए जाते हैं? एक मैटर को लेके बताए जाते हैं, एक से ज्यादा मैटर। एक मिनट रुकना, आशीष सर का कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट बड़ी। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ओके। चलिए अभी ध्यान देना बड़ी, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सो यस, ध्यान देना स्वीटहार्ट। सो क्या बताए जाते हैं? राइट्स बताए जाते हैं, किसी एक मैटर को लेके या एक से ज्यादा मैटर को लेके बताए जाते हैं। सुन गया, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। डिक्री क्या है? डिक्री क्या है, ध्यान देंगे। डिक्री डिफाइंड है सेक्शन टू सबसेक्शन टू, बोलिएगा व्हाट? सेक्शन टू सबसेक्शन टू, फॉर्मल एक्सप्रेशन। क्या है डिग्री बड़ी? फॉर्मल एक्सप्रेशन। एडजुडिकेशन मतलब कार्यवाही की, किसकी बड़ी? कार्यवाही की। क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन। कंक्लूसिवली, व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूसिवली? ये अंत है, जब तक अपील ना हो यही अंत है। मतलब यही भाई बोलते ना, आपने देखा था बाहुबली द कंक्लूजन, अंत, खत्म। सो यही अंत है, जब तक अपील ना हो। और इसमें पार्टी के राइट्स बताए जाते हैं, एक मैटर को लेके या एक से ज्यादा मैटर को लेके, एक मैटर को लेके या एक से ज्यादा। अगर मान लो आपको डिक्री लिख के असेंशियल्स आ गए, क्या लिखोगे? डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, पहली चीज आ गई। कंक्लूसिवली विच डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर और ऑल द मैटर। एग्जाम में लिखते बनेगा क्या है? इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। Conclusively, we determine rights of party in respect of matter or all the matter. In respect of matter or all the matter. समझ में आ रहा है? चार पॉइंट लिखने हैं, that's it डिग्री में, ठीक है? अब उसके आगे क्या लिखना है मैं बताता हूं। पहले के चार पॉइंट समझ आ गए? अच्छा, ये दो प्रकार की होती है, एक तो प्रिलिमिनरी, एक फाइनल। डिग्री कितने प्रकार की होती है बोलिए? प्रिलिमिनरी और फाइनल, दो प्रकार की डिग्री होती है, प्रिलिमिनरी फाइनल। क्या अंतर है सुनना, सुनना ध्यान से। डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट हुआ कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी दुकानें, मेरे ज्वेलरी किसकी है, ये सब डिस्प्यूट हुआ मान लो, ठीक है? तो कोर्ट में मैटर गया, क्या क्या चीज पे डिस्प्यूट हुआ? मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, दुकानें, ज्वेलरी किसकी है? तो कोर्ट ने क्या बोली? ज्वेलरी तो देखो शुभम मोदी की है, बाकी चार जो चीजें बची है वो हम नेक्स्ट हेयरिंग में देखेंगे। कोर्ट ने क्या बोली? ज्वेलरी तो देखो शुभम मोदी की है, बाकी की चार जो चीजें बती है, घर, दुकान और बाकी की चीजें, वो हम नेक्स्ट हेयरिंग में देखेंगे। तो जो डिसाइड हो गया वो है प्रिलिमिनरी, जो होना मतलब सुनो बात, प्रिलिमिनरी मतलब क्या? जो डिसाइड हो गया, जो डिसाइड हो गया है, ठीक है? फाइनली डिक्री, फाइनल डिक्री अभी नहीं आई है, उसके पहले ही कोई राइट्स डिसाइड हो गए तो उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी। क्या कहते हैं बड़ी? उसे प्रिलिमिनरी। और जो एट द एंड ऑफ द केस डिक्री आएगी वो होगी फाइनल। वो क्या होगी? फाइनल। एक सिंपल सा आंसर देता हूं। डिस्प्यूट हुआ भाई कि तीन चार चीजें निकाल लो मेरी,
ये लो मेरी कार की चाबी निकाल लो, ये मेरा फोन निकाल लो, ये मेरी घड़ी निकाल लो और ये एक चैन निकाल लो। ये चार चीजों पे डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। ये किसकी है? कोर्ट ने बोला है चैन तो मोदी सर की है, कार भी मोदी सर की है, फोन और घड़ी पे नेक्स्ट हेयरिंग में देखते हैं, फोन और हेयरिंग पे नेक्स्ट हेयरिंग में देखते हैं। तो चैन और कार ये किसमें डिसाइड हो गई? प्रिलिमिनरी डिक्री। किसमें हो गई बड़ी? प्रिलिमिनरी डिक्री। और एट द एंड ऑफ द केस कोर्ट ने बोली, सुनना, एट द एंड ऑफ द केस कोर्ट ने बोली फोन और घड़ी तो अब्बड़ सर की है, तो ये क्या हो गई? फाइनल। वो क्या हो गई बड़ी? फाइनल। एक आप लोग कॉमन सेंस लगा के बोलना मेरे को कि प्रिलिमिनरी जब कोर्ट दे देता है तो वो तो कंक्लूसिव है, वो चेंज नहीं कर सकता वो जज, फिर फाइनल में वो चेंज नहीं कर सकता है ना। ऐसा नहीं कि भाई प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद वो चेंज हो जाएगी ना, कंक्लूसिव है वो चेंज होगी ना, प्रिलिमिनरी के बेसिस पे फिर फाइनल डिक्री आएगी। प्रिलिमिनरी के बेसिस पे फिर क्या आएगी बड़ी? फाइनल डिक्री आएगी। सो हु इज सुपीरियर? प्रिलिमिनरी। एंड हु इज सबॉर्डिनेट? फाइनल डिक्री। बात समझ रहे हैं सभी लोग? फाइनल डिक्री इज ऑलवेज सबॉर्डिनेट टू प्रिलिमिनरी। फाइनल डिक्री इज ऑलवेज सबॉर्डिनेट टू प्रिलिमिनरी। दो प्रकार की डिक्री होती है, एक होती है प्रिलिमिनरी, एक होती है फाइनल। When certain matters are decided and certain matters are yet to be decided, it's a preliminary decree. It's what? Preliminary decree. And the matters which are decided at the end of the case, rights which are determined at the end of the case, वो क्या है? Final. Who is dependent on whom? Final is dependent on preliminary. क्या बात है? Final is dependent on preliminary. बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। क्या बात है? 1900 लोग देख रहे हैं लेक्चर, गजब। 1980 लोग लेक्चर देख रहे हैं, क्या बात है भाई, गजब भाई। अच्छे से पढ़िए भाई, ठीक है। जितने आप लोगों ने प्यार दिखाया उतना मैं पक्का मेहनत करूंगा आप लोग के लिए। चलिए अभी ध्यान देंगे। सो प्रिलिमिनरी और फाइनल में फर्क समझ आ गई बात? अरे बोलो हाँ या ना। वंडरफुल स्वीटहार्ट, एक नंबर, गजब बड़ी, एक नंबर। चलिए अभी ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बड़ी। दो प्रकार की डिक्री होती है, कौन सी होती है बताइए? प्रिलिमिनरी। एक कौन सी होती है? फाइनल, ठीक है। सो प्रिलिमिनरी जो है वो कैसे होती है कि सर्टेन मैटर आर डिसाइडेड, सर्टेन आर येट टू बी डिसाइडेड। मेरे साथ बोलो क्या? सर्टेन मैटर आर डिसाइडेड, सर्टेन आर येट टू बी डिसाइडेड, मतलब सर्टेन राइट्स आर डिक्लेयर्ड एंड सर्टेन आर येट टू बी डिक्लेयर्ड, ठीक है भाई। और ये हमेशा इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये किसी पे डिपेंड है क्या? ना, ये इंडिपेंडेंट है। और ये भी कंक्लूसिव ही होती है, ऐसा नहीं है चेंज हो जाएगी बाद में, वो जज फिर चेंज नहीं कर सकता इसको, अपील में ही चेंज हो सकती है बस, बाकी चेंज हो सकती है ना। फाइनल डिक्री किस पे डिपेंड होती है? प्रिलिमिनरी में। ये डिपेंडेंट है, ये क्या है बड़ी? डिपेंडेंट है। प्रिलिमिनरी के बेसिस पे फाइनल आएगी, प्रिलिमिनरी के बेसिस पे फाइनल। जज देखेगा हाँ 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 मैंने प्रिलिमिनरी में ये राइट डिसाइड कर दिए थे, इसके हिसाब से फाइनल में ये करने हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर फाइनल डिग्री जज जो है वो देगा। तो ये बात याद रहेगी, सभी के पल्ले पड़ गई भाई। चलो वेरी गुड बड़ी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ऑर्डर से कभी अपील हुई तो क्या वो डिग्री में आएगी? ऑर्डर से अपील हुई है तो वो डिग्री होगी ना। सो डिग्री में दो चीज नहीं आती, ऑर्डर से जब अपील होती है तो वो डिग्री में नहीं आता। बोलो क्या? ऑर्डर से जब अपील होती है तो वो डिग्री में नहीं आता। आगे बताऊंगा इसको और विस्तार से। नेक्स्ट है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि केस डिसमिस करो, क्या ये भी डिग्री है? हट, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि केस डिसमिस करो, ये भी डिक्री नहीं है। तो दो चीज डिक्री में नहीं आती, एक तो ऑर्डर से जो अपील हुई है वो भी डिक्री नहीं है, और जज साहब ने जो केस को डिसमिस कर दिया वो भी डिक्री नहीं है। दो चीज डिक्री में नहीं आती, बोलो क्या क्या? ऑर्डर से जो अपील हुई है वो भी डिक्री नहीं है, जज साहब ने जो केस डिसमिस कर दिए हैं ये भी डिक्री नहीं है। क्या बात है ढोंडू, एक नंबर। आ जाओ, जिसके फेवर में डिक्री आती है उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है उसे कहते हैं जजमेंट डेटर। जिसके फेवर में आती है वो कौन है? डिक्री होल्डर। द वन हु गेट्स डिक्री इन हिज फेवर इज अ डिक्री होल्डर, द वन हुज अगेंस्ट होम डिक्री हैज बीन पास्ड इज जजमेंट डेटर। इजी, कंफर्टेबल। क्या डिक्री अपीलेबल है? तो आंसर इज यस, डिक्रीज सारी अपीलेबल है। बोलो क्या? डिक्रीज सारी अपीलेबल, सारी की सारी डिक्रीज अपीलेबल है जब तक उनको रोका ना जाए। Every decree is appealable unless specifically barred. बोलो क्या? Every decree is appealable unless specifically barred. Once more, every decree is appealable unless specifically barred. Unless specifically barred, every decree is appealable. Even decree में second appeal भी possible है. क्या possible है बड़ी? Second appeal. There is a possibility of second appeal in decree. पूरा decree समाप्त होता है. पूरा डिग्री क्या होता है? समाप्त। आईसीएसआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री एंड इट्स एसेंशियल या टाइप्स।
एकदम आसान है। क्या क्या आपको एग्जाम में आया मेरे को सेक्शन बताओ, सेक्शन टू सबसेक्शन टू, सेक्शन टू सबसेक्शन टू, डिग्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टी, ठीक है, विथ रिगार्ड टू मैटर और ऑल द मैटर, ठीक है, इसमें पार्टी के राइट डिटरमाइन होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर और ऑल द मैटर, ठीक है। डिग्री कितने प्रकार की होती है, दो, कौन सी, प्रिलिमिनरी फाइनल, सर्टेन मैटर आर सर्टेन राइट्स आर डिसाइडेड, सर्टेन आर येट टू बी डिसाइडेड, इट्स अ प्रिलिमिनरी, इट्स अ इंडिपेंडेंट डिग्री, और इसके बेसिस पे क्या आएगी, फाइनल, फाइनल इज अ डिपेंडेंट। मेरे को बताओ ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हुई क्या डिग्री है, जज साहब ने केस डिसमिस किया क्या डिग्री है, दो चीज ये डिग्री में नहीं आती, एकदम आसान है, एकदम इजी है, बोलो हाँ या ना। जिसके फेवर में डिग्री आती है वो कौन है, डिग्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट आती है वो कौन है, जजमेंट डेटर, क्या बात है, गजब बेबी, गजब गजब गजब, वेरी गुड, वंडरफुल पीपल, मूविंग ऑन। अब देखो ऑर्डर क्या है, कौन है ये, सालो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, आशीष सर है बेटा, जिसके बाल नहीं होते वो आशीष सर हो जाएगा क्या, पगले हो गए, चलिए ध्यान देंगे एवरीवन, किसके जैसा दिख रहा है, नहीं मेरी ना, मेरी ना कैसे नहीं है, सोमिल सर जैसा दिख रहा है, सोमिल सर बुढ़ापे में ऐसे दिखेंगे, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग, बताता हूँ मैं सोमिल सर को, सोमिल सर के बारे में ऐसा बोलते हो ना तुम, बताता हूँ मैं, चलिए ओके, एनीवे ऑर्डर क्या है, ध्यान देंगे ऑर्डर, कमिंग बैक टू द ऑर्डर, सब ध्यान दीजिएगा, एक डिस्प्यूट था कि ये घर किसका है, मेरा कि अब्बड़ सर का, मैं कह रहा था मेरा है, अब्बड़ से कह रहे थे मेरा है, मैं कह रहा था मेरा है, अब्बड़ से कह रहे थे मेरा है, जब कोर्ट बता देगा घर किसका है तो वो डिक्री होगी कि ऑर्डर, डिक्री, हाँ क्या होगी, डिक्री, राइट्स बताया ना तो क्या होगी वो, वंडरफुल, लेकिन कोर्ट ने बोला घर पे ताला लगा के रखो, इट्स ऑर्डर, वॉचमैन अपॉइंट करो, ऑर्डर, घर पे मोदी जी जाओ साफ सफाई करो, घर पे ओयो 2.0 बना दो, ऑर्डर, ये सब क्या होंगे, ऑर्डर, जब जज कुछ करने कहेगा इट्स अ ऑर्डर, और जज साहब जब सिर्फ कोई राइट्स बताएंगे, डिक्री, अच्छा जज साहब ने बोला कि घर मत जाना तो भी ऑर्डर, क्योंकि इंजंक्शन इज ऑल्सो एन ऑर्डर, इंजंक्शन इज ऑल्सो एन ऑर्डर, इंजंक्शन इज ऑल्सो एन ऑर्डर, एक्ट करने भी बोल सकते हैं या कुछ एक्ट ना करने भी बोल सकते हैं, इन ऑर्डर, और डिक्री में हमेशा सिर्फ क्या बताएंगे, राइट, जज साहब ने बोले घर किसका है, डिक्री, ये डिक्री है, जज साहब ने बोले घर किसका है, ये डिक्री है, लेकिन फिर घर में मत जाना, ताला लगाओ, ये सब किस में आएंगे, ऑर्डर, सो ऑर्डर अगर आता है तो क्या लिखना है, एग्जाम में ध्यान देना बड़ी, ऑर्डर अगर आता है तो क्या लिखना है, ध्यान देना, ऑर्डर है, ऑर्डर है, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट, बोलो क्या, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री, विच इज नॉट अ डिक्री, लर्न कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है, ओके बड़ी, सो ध्यान देना क्या है, क्या है बड़ी, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ कोर्ट, वंस फॉर व्हाट बड़ी, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है बड़ी, यहां से मैं इंस्टा लाइव भी कर रहा हूं, तो ये क्या है, जो बच्चे यहां से नहीं वो इंस्टा लाइव से भी देखेंगे कहीं, तो इंस्टा लाइव से भी हम पढ़ाई करेंगे, हर जगह से पढ़ाई होगी आज, रुक जाइए बड़ी, यस बड़ी, सो इसको कहीं लगा देता हूं मैं, किधर लगाए इसको, लाइक दिस, अरे नहीं गिरता, तेरी आंखों में दिखता है प्यार मुझे, चलिए ये ले पकड़ बड़ी, यस ओके, अबे हाथ तो हटा दे, ऐसे के यहां से कर, चलिए एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यस स्वीटहार्ट, चलिए भाई ओके, नाउ ध्यान देना बड़ी, नाउ ध्यान देंगे ऑर्डर क्या है, ध्यान देना बड़ी ऑर्डर क्या है, सभी लोग ध्यान देंगे, क्या बात है 2014 लोग देख रहे हैं, वंडरफुल, नाउ ध्यान देंगे बड़ी सभी लोग, ऑर्डर क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनना, व्हाट इज ऑर्डर, जल्दी से ध्यान देंगे बड़ी, ऑर्डर क्या है, सो ऑर्डर क्या बताइए, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री, विच इज नॉट अ डिक्री, एक जब कोर्ट अपना डिसीजन देता है और जो डिक्री नहीं है वो क्या है, ऑर्डर, जब जज साहब क्या करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं, जो डिक्री नहीं है वो क्या है बड़ी, ऑर्डर, वंस मोर, जो डिक्री नहीं है वो क्या है, ऑर्डर, इजी है क्या,
जो डिक्री नहीं है वो क्या है, ऑर्डर। जज साहब अपना डिसीजन दे रहे हैं, इट्स अ ऑर्डर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। किसमें आता है ये, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। वंस मोर, क्या बड़ी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। वंडरफुल पीपल, एक नंबर, गजब, बहुत ही बढ़िया। ऑर्डर जनरली अपीलेबल नहीं है जब तक अलाउ ना किया जाए। बोलना क्या, ऑर्डर जनरली अपीलेबल नहीं है जब तक अलाउ ना किया जाए। सो ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल जब तक इट इज अलाउड, अंटिल इट इज अलाउड, स्पेसिफिकली अलाउड। ठीक है, याद रखना, ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल अनलेस इट इज स्पेसिफिकली अलाउड। डिक्री क्या थी, हमेशा अपीलेबल। डिक्रीज आर ऑलवेज अपीलेबल, डिक्रीज आर ऑलवेज अपीलेबल अनलेस इट इज प्रोहिबिटेड, अनलेस इट इज प्रोहिबिटेड। कंफर्टेबल, सभी लोग कंफर्टेबल, बड़ी वंडरफुल पीपल। नेक्स्ट है जजमेंट, क्या है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जजमेंट क्या है, डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे, जज साहब ने जो स्टेटमेंट दिए, डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे जज साहब ने जो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट इट्स व्हाट, इट्स जजमेंट, इट्स अ जजमेंट, कुछ नहीं है जजमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, इट्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। अच्छा, मेरे को बताना, मैं एक लाइन बोलूंगा, बस बताना क्या है। इट्स अ डिसीजन ऑफ कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री ऑर्डर, इट्स अ डिसीजन ऑफ कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन बोलना चाहिए, इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री इज ऑलवेज ऑर्डर। अच्छा, स्टेटमेंट गिवन ऑन ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर जजमेंट, स्टेटमेंट गिवन ऑन ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर जजमेंट। समझ में आ रहा है सभी को? देखो, मैं आपको क्यों इस तरीके से करा रहा हूं, ताकि एग्जाम में आपको समझ आए लिखना क्या है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा ना हिंदी हिंदी में आपको, मैं बता रहा हूं, कईयों के तोते उड़ जाते हैं एग्जाम में, उनको समझ नहीं आता इंग्लिश में लिखना कैसे है। इसलिए मेरा इस रिवीजन, जो 10 दिन की रिवीजन क्लास होगी, चाहे सेटिंग अप की चाहे कंपनी लॉ की, मैं पूरा आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से लिखना कैसे उसी पॉइंट पे फोकस करूंगा। वही लाइंस मैं बार बार आपको रिवाइज करूंगा, ताकि जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे वही लाइन दिमाग में घूमेगी आपके, आपकी दिमाग में वही लाइन ही आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना, ऑर्डर और डिक्री में क्या फर्क है, आइए देखते हैं ऑर्डर और डिक्री में क्या फर्क है। लेट्स चेक इट आउट बड़ी, आ जाओ लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला, डिक्री हमेशा प्लेंट फाइल करने पे आती है। क्या फाइल करने पे आती है? प्लेंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेंट? जब हम केस करते हैं, सिविल केस, तो क्या फाइल करते हैं? प्लेंट। सो डिक्री हमेशा प्लेंट फाइल करने पे आती है, ऑर्डर कैसे भी आ सकता है। ऑर्डर तो क्या है, यहां मत जाओ, यहां आओ, उसको पैसा दो, वहां ताला लगाओ, बहुत सारी चीजें करने बोल सकता है। तो वो एप्लीकेशन से भी आ सकता है, वो प्लेंट से भी आ सकता है, वो किसी पिटीशन से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। डिक्री में राइट्स बताए जाएंगे, यस और नो, यस, और वो राइट्स क्या कंक्लूसिव होंगे, यस। कंक्लूसिव मतलब जज साहब फिर उसको बदलते नहीं है, अपील में ही बदल सकता है फिर वो, लेकिन ऑर्डर्स कंक्लूसिव हो ये जरूरी नहीं है। जज साहब ने पहले हियरिंग में बोले ताला लगाओ, दूसरी में बोल देंगे ताला खोलो, क्या ऑर्डर हमेशा कंक्लूसिव होगा? नहीं, वो बदला जा सकता है, वो बदला जा सकता है। ठीक है, डिक्री मैक्सिमम दो होती है, एक प्रिलिमिनरी एक फाइनल। ऑर्डर तो कितने भी हो सकते हैं, कोई अंत ही नहीं ऑर्डर का, कितने भी हो सकते हैं। डिक्री हमेशा अपीलेबल है क्या? यस, जब तक रोका ना जाए, और ऑर्डर अपीलेबल नहीं है जब तक अलाउ ना किया जाए। डिक्री में सेकंड अपील पॉसिबल है, ऑर्डर में सेकंड अपील पॉसिबल नहीं है। आईसीएसआई का एक और फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, वन मोर फेवरेट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। एक और फेवरेट आईसीएसआई का, डिक्री और ऑर्डर। डिक्री क्या फाइल करने से आती है? प्लेंट। ऑर्डर क्या फाइल करने से आता है? प्लेंट, एप्लीकेशन, पिटीशन। डिक्री में क्या बताए जाते हैं? राइट्स, वो भी कंक्लूसिवली। ऑर्डर में कंक्लूसिव हो ये जरूरी नहीं है। बड़ी ओके, डिग्री कितनी होती है? मैक्सिमम दो। ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं। डिग्री क्या अपीलेबल है? हाँ, जब तक रोका ना जाए। ऑर्डर अपीलेबल नहीं है जब तक अलाउ ना किया जाए। डिग्री में सेकंड अपील पॉसिबल है, ऑर्डर में सेकंड अपील पॉसिबल। गजब एवरीवन, डिग्री ऑर्डर जजमेंट का फाइनल एक डिफरेंस देख लीजिए, देन वी आर डन। ओके, गुरजन जी कमेंट में लिख रहे हैं, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक इट बट वॉयलेंस लाइक मी। ए भाई, पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई कर लेना वॉयलेंस। चलिए आ जाओ, एक कई होते हैं, एक से हैं, एक से एक, पढ़ना नहीं है वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस। 14 अप्रैल को देख लियो तू KGF। आ जाओ भाई, ना ध्यान देंगे, डिक्री ऑर्डर जजमेंट। सो डिक्री क्या थी? फॉर्मल एक्सप्रेशन of adjudication conclusively which determines rights of party in respect of matter or all the matter, easy।
ऑर्डर क्या है? इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन विच इज नॉट अ डिक्री. जो डिक्री नहीं है वो क्या है? ऑर्डर है. अच्छा, और स्टेटमेंट गिवन ऑन ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर इज जजमेंट. क्या बात है, डिक्री ऑर्डर जजमेंट हो गया क्या? एग्जाम में आया तो बनेगा क्या? अरे डिक्री ऑर्डर का डिफरेंस, डिक्री ऑर्डर जजमेंट का डिफरेंस, डिक्री उसके एसेंशियल बोथ पूछती है आईसीएसआई. बनेगा क्या पब्लिक? शैल वी मूव? ओके, आ जाइए. अब देखते हैं सिविल कोर्ट के कितने जुरिस्डिक्शन होते हैं. सर एक बार एक्सप्लेन कर दो ना डिफरेंस. और सुधांशु जी इतना तो आसान था, बैक करके देख लो. अच्छा, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जो डाउट्स होंगे ना वहाँ आप डाल दिया करो. ठीक है, अभी क्या डाउट्स देखने थोड़े से मेरे लिए पावर पैक रिवीजन में टफ हो जाएगा, इसलिए अगर किसी को कोई डाउट आता है बैक करके थोड़ा सा देख लिया करो भाई. लेकिन मैं इसी तरीके से करूँगा रिवाइज रिवीजन कि आपको डाउट्स आए ना, बट फिर भी किसी को आता है तो थोड़ा सा बैक करके तुरंत कर लिया करो. चलिए ओके, आ जाओ ना, ध्यान देंगे पीपल. ओके एनी वे, मूविंग ऑन. सिविल कोर्ट की कितनी जुरिस्डिक्शन है? जुरिस्डिक्शन मतलब कितना. देखिए यार, देख बात समझो यार, मैं मेरा मेरी जुरिस्डिक्शन है कि मैं आपको जेआईजेल और एसबीसी पढ़ाऊं. क्या पढ़ाऊं? जेआईजेल एसबीसी. मैं कैपिटल गेन पढ़ाने लग गया तो सर हम फेल हो जाएंगे. अबे इतना भी गवार नहीं हूं मैं, आता है मेरे को कैपिटल गेन, आता है पीजीबीपी भी आता है क्या. अबे बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए सब ऐसी. अभी सर एनीवे ध्यान देना. अच्छा एनीवे सुनो, मेरी 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 जुरिस्डिक्शन क्या है? जेआईजेल एसबीसी. वैसे हर कोर्ट की कुछ जुरिस्डिक्शन होगी कि वो उतने ही मैटर ले सकते हैं, इसके अलावा कोई मैटर नहीं ले सकते, उसे हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं. तो कितने प्रकार की होती है आइए देखते हैं. सबसे पहला होता है जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर, कि ये सब्जेक्ट के मामले ये कोर्ट में जाएंगे, ये सब्जेक्ट के मामले ये कोर्ट में जाएंगे, ये सब्जेक्ट के मामले ये कोर्ट में जाएंगे. लाइक मैरिज के मामले मैरिज कोर्ट जाएंगे. ठीक है, यस और नो? है ना जी. अच्छा, स्मॉल कॉस्ट कोर्ट एक होता है वो छोटे मोटे मामले लेगा, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, कोई छोटा मोटा पैसा लेने का मामला है तो वो स्मॉल कॉस्ट कोर्ट में जाएगा. तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर के मामले. कैसे बेटा? सब इसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर. बोलो क्या कहते हैं? जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर. वंस मोर, क्या कहते हैं बेटा? जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर. क्या होता है ये जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर? कुछ नहीं, बड़ा आसान है ये, बड़ा आसान है जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर. कुछ नहीं है कि भाई ये सब्जेक्ट के मामले ये कोर्ट में जाने हैं, ये सब्जेक्ट के मामले ये कोर्ट में जाने हैं. अब मान लो एक स्मॉल कॉस्ट कोर्ट है, ठीक है, वो स्मॉल कॉस्ट कोर्ट है, वो कहता है कि मेरे पास आएंगे मनी ड्यू के मामले, छोटे मोटे प्रॉमिसरी नोट के मामले, तो वो क्या मैरिज कोर्ट जा सकते हैं? अरे मैरिज कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है. वो जुरिस्डिक्शन किसकी है? स्मॉल कॉस्ट कोर्ट. अच्छा, क्या मैरिज के मामले स्मॉल कॉस्ट कोर्ट जा सकते हैं? वो उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है. बोलो हाँ या ना, इजी है क्या? अच्छा, जितने भी लोग पुणे से लेक्चर देख रहे हैं, जितने भी लोग पुणे से लेक्चर देख रहे हैं, जितने भी लोग पुणे से हैं, क्लास में आना चाहते हैं, रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम बड़ी. ठीक है, मोस्ट वेलकम. जगह हो जाएगी, देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा. ठीक है, मेरे को लग रहा है 25-30 बच्चों की जगह हो जाएगी, और 25-30 हो जाएगी. आ जाओ बिंदास आ जाओ, परीक्षा को किसी की गोद में बिठा दें. मस्ती कर रहे हैं. चलिए अभी ध्यान देना, आ जाओ. आ जाओ भाई, नो ध्यान देंगे पीपल, आ जाइए. मूविंग ऑन, लिंक भेजो टेलीग्राम की, लिंक बेटा इसमें आएगी डिस्क्रिप्शन में. आ जाओ बड़ी. ओके, नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन. हाँ, नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. नेक्स्ट क्या बड़ी? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. फिर से बताओ, नेक्स्ट कौन सी है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. नाउ व्हाट डू मीन बाय टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? आइए देखते हैं कि ये एरिया के मामले ये कोर्ट में, ये एरिया के मामले ये कोर्ट में, ये एरिया के मामले ये कोर्ट में. ठीक है, समझ रही है बात? कि ये एरिया के मामले ये कोर्ट, जैसे बालाघाट का एरिया है, ठीक है, बालाघाट का एरिया, तो वो कौन से कोर्ट में जाएगा? बालाघाट कोर्ट में जाएगा. बात समझ रहे हैं? बालाघाट में कोर्ट है भाई. हाँ, तो ऐसा हल्के में मतलब बालाघाट को. अच्छा, नेक्स्ट है, मान लीजिए कोई नागपुर का मामला है तो नागपुर के कोर्ट में, दिल्ली का मामला है दिल्ली के कोर्ट. इसे कहते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. क्या कहते हैं इसे? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. नेक्स्ट है बड़ी, नेक्स्ट है, ठीक है, आ जाओ बड़ी. नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना बड़ी, आ जाओ. नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन. नेक्स्ट क्या बड़ी? जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन. जैसे कि फॉरेनर्स के मामले ये कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, इंडियंस के मामले ये कोर्ट में जाएंगे, ये उसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन. ठीक है, जनरली हमारे यहां पे ऐसे है नहीं, बट बनाए तो इसे क्या कहते हैं? जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन. कि ये वाले पर्सन के मामले ये कोर्ट में, ये वाले पर्सन के मामले ये कोर्ट में. अभी तक ऐसा है नहीं, खैर
ठीक है, लेकिन ऐसे जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं ये बता रहा है। नेक्स्ट है बड़ी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मतलब मॉनेटरी, कि इतने रुपए तक के मामले ये कोर्ट में, इतने रुपए तक के मामले ये कोर्ट में, इतने रुपए तक के मामले ये कोर्ट में, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो कितने प्रकार की जुरिस्डिक्शन होती है? चार। कौन कौन सी? सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पर्सन, पेक्यूनरी। कितने प्रकार की जुरिस्डिक्शन होती है? चार। ठीक है, चार प्रकार की जुरिस्डिक्शन होती है, फिर से कौन कौन से? सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पर्सन, पेक्यूनरी। और कौन सा होता है? पेक्यूनरी। इजी है। मेघना कहती है सर एग्जीक्यूटिव नहीं है लिंक। मेघा क्या कह रही है बेटा? एग्जीक्यूटिव नहीं है लिंक। गांजा गांजा, चलिए आ जाइए, अभी ध्यान देंगे पीपल। सो चार प्रकार की जुरिस्डिक्शन होती है, कौन कौन सी? सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पर्सन और पेक्यूनरी। वंडरफुल सैम बेटा, ये एग्जीक्यूटिव का लेक्चर है, कैसे समझेगा तेरे को? तू आना ही टीम है, बाय। अभी ध्यान देना पीपल। नेक्स्ट है तीन प्रकार, तीन प्रकार जो है, बड़ी ध्यान से सुनना, तीन प्रकार जो है वो और हमने जुरिस्डिक्शन में डिवाइड किया है। एक होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक होती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एक ओरिजिनल एंड एपिलेट। जहां पे डायरेक्टली फर्स्ट टाइम केस जा सकता है उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या कहते हैं उसे? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जहां पे डायरेक्टली केस कर सकते हैं। लाइक मैं डायरेक्टली केस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डायरेक्टली हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट की क्या है? ओरिजिनल। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट की क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार के हाई कोर्ट गया अपील करने, तो हाई कोर्ट की क्या है? एपीलेट जुरिस्डिक्शन। डायरेक्टली हाई कोर्ट गया था, वहां हार गया और सुप्रीम कोर्ट अपील करने जा रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या है? एपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल और एपीलेट जुरिस्डिक्शन में फर्क क्या है? डायरेक्टली केस किया तो ओरिजिनल, अपील किया तो एपीलेट। इजी है। हमारे देश में तीन ऐसे कोर्ट हैं जिनकी ओरिजिनल और एपिलेट दोनों जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कौन से कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, एपिलेट भी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक और है, एडवाइजरी। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है वेन एवर नीड अराइजेस। ठीक है, ओके, चलिए, वंडरफुल, वेरी गुड स्वीट हार्ट, बहुत ही बढ़िया। चलिए, सो आसान है, सभी को याद रहेगा। बताओ कितने प्रकार की जुरिस्डिक्शन होती है? सबसे पहला चार, सबसे पहले चार। कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन? ओवर सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पर्सन, पेक्यूनरी। तीन, दो प्रकार की और जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल, एपिलेट, जहां डायरेक्टली केस कर सकते हैं, ओरिजिनल, अपील कर सकते हैं। इजी है, सभी लोग कंफर्टेबल, एक नंबर, आ जाओ। अब आएंगे सेक्शन 10 रेस्ट सब जुडाइस। अब आएंगे सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस। सर मुझे फेस टू फेस करना है, आ सकता हूं? फ्री है तो। हाँ, रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी ध्यान देना, जितने लोग पुणे में हैं आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम। नीचे बैठे जाना ज्यादा, ये तो जगह नहीं हुई तो यार, दूसरी क्लास लेंगे तुम्हारे लिए, कोई बात है क्या भाई? आ तो जाओ, देख लेंगे। चलिए, अभी ध्यान देंगे पीपल, आ जाओ। नेक्स्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है रेस सब जुडाइस। क्या कहता है बड़ी? रेस सब जुडाइस। क्या ये? इसे कहते हैं स्टे ऑफ सूट। क्या कहते हैं इसे? स्टे ऑफ सूट। इसे कहते हैं स्टे ऑफ सूट, है ना? रेस्ट सब जुड़ाइस। जुरिस्डिक्शन आती है एग्जाम में, ऐसा अभी तक बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, हाँ, सेक्शन याद, जो मैं बोलूंगा वो याद करना है, इसका तो याद करना है। सेक्शन 10 रेस्ट सब जुड़ाइस, बोलो क्या बड़ी? रेस्ट सब जुड़ाइस। अब सुनना, इसका एग्जाम्पल देता हूं। मैंने ना एक पैकेट बनाया, क्या बनाया? पैकेट। उस पैकेट का नाम रखा ऊर्जा। क्या नाम रखा उसका? ऊर्जा। ठीक है, पैकेट का क्या काम था सर? पैकेट ऊर्जा लाता था। क्या लाता था? ऊर्जा। इट वॉज अ एनर्जी पैकेट, जैसे एनर्जी ड्रिंक होती है ना, वैसे वो एनर्जी फूड था, खाओ और एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, वो इस प्रकार का था, ध्यान देना सारे। पहले सुकून के नाम का बनाया था मैंने एक क्लास में, चलो इस प्रकार का मैंने एक पैकेट बनाया। ठीक है, और वो उसमें ऐसी पैकिंग थी, ठीक है, ऐसी पैकिंग थी और उसमें लिखा हुआ था ऊर्जा। क्या लिखा था बड़ी? ऊर्जा। अब आप बहुत मार्केट में बिकने लगा है, इतना बिका, इतना बिका, इतना बिका बाजार में, ओए होए होए, क्या सेल है भाई, मतलब क्या खरीद रहे हैं इसको लोग, बुढ़े जवान सब खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? सब ऊर्जा। क्या खरीद रहे हैं बेटा? ऊर्जा। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या था पूछ रही है तू? उसमें बेटा बाबा जी की जड़ी बूटी थी। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ध्यान देना, आ जाओ। अब क्या हुआ, इतना बिकने लगा कि तुमने क्या किया बताया? तुमने क्या किया बताया? तुमने सेम पैकेट बना दिया, सेम, तुमने सेम पैकेट बना दिया और तुम भी बेचने लग गए।
ठीक है। और तुमने भी नाम क्या रखा? तुमने भी नाम रखा ऊर्जा। और तुम भी बेच रहे हो, मैं भी वही बेच रहा हूं, तुम भी वही बेच रहे हो, मैं भी वही बेच रहा हूं, तुम भी वही बेच रहे हो, ठीक है, दोनों वही वही बेच रहे हैं। अब हुआ क्या, ध्यान देना, अनीश कहता है इंस्टा का बंद क्यों किया लाइव, तू यहां देखना पे है, इंस्टा पे देखना तेरे को। चलिए अभी ध्यान देना, आ जाओ अभी ध्यान देना। अब मैंने तुम पे केस किया बैंगलोर के कोर्ट में, कहां केस किया, क्योंकि तुमने, तुम बैंगलोर में रहते थे, तो मैं बैंगलोर में केस किया कि तुमने मेरा क्या किया भाई, राइट इन्फ्रेंज किया है, मेरा कॉपीराइट किया है, छीना है मेरा, तो मैंने बैंगलोर में केस कर दिया बस भाई साहब। और बैंगलोर में केस पेंडिंग है, बैंगलोर में केस क्या है, पेंडिंग है। अच्छा तुम जो है ना भाई, तुम चले गए, ध्यान से सुनना सारे, तुम कहाँ चले गए, ध्यान देना सब लोग, तुम चले गए मेरे पे केस करने, आ गए पुणे, ठीक है, मैं पुणे में रहता था, और तुमने क्या बोला पुणे में आके कि इसने हमारा छीना है। अब मैं कह रहा हूं तुमने कॉपी किया है, तुम कहते हो मैंने कॉपी किया है, मैं कहता हूं तुमने कॉपी किया है, तुम कहते हो मैंने कॉपी किया हूं, कॉपी कॉपी चल रहा है अपना। अब ध्यान से सुनना, लॉ क्या कहता है, सेक्शन 10, बोलो क्या, सेक्शन 10, रेस सब जुडाइस कहता है भाई साहब कि सुनिए, अगर पहला मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, पहला मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, मैटर सेम है, पार्टी सेम है, मैटर सेम है, पार्टी सेम है, तो जो सेकंड मैटर है उस पे स्टे लगा देंगे। सेकंड मैटर पे क्या लगा देंगे, स्टे। स्टे मतलब टेम्पररी रोक की परमानेंट रोक, टेम्पररी रोक, एक टेम्पररी रोक लगा देंगे सेकंड मैटर पे। सेकंड मैटर पे क्या लगा देंगे, टेम्पररी रोक। प्लीज ध्यान से सुनना पीपल, अगर दोनों का मैटर सेम है, मैं जो तुम पे केस कर रहा हूं, तुम जो मेरे पे केस कर रहे हो, पार्टी सेम है, मैटर सेम है, पहला मैटर पेंडिंग है, पहला मैटर पेंडिंग है, तो सेकंड मैटर पे क्या लगा देंगे, टेम्पररी रोक, उसे कहते हैं स्टे। अगर पहला मैटर किसी कारणवश डिसाइड नहीं हो पाया, लाइक मेरे प्लेंट में कुछ गड़बड़ थी, लाइक मेरी अथॉरिटी नहीं थी, मैं गलत कोर्ट में चला गया था, अगर पहला मैटर डिसाइड नहीं हो पाया तो सेकंड मैटर से कार्यवाही होगी। लेकिन अगर पहला मैटर डिसाइड हो गया तो सेकंड मैटर का खल्लास हो जाएगा, वहीं सेकंड मैटर क्या हो जाएगा, वहीं पे खल्लास, वो स्टे से सीधा बार हो जाएगा, स्टे से सीधा क्या हो जाएगा, बार। अगर पहला मैटर डिसाइड नहीं हुआ तो जो मैटर स्टे हुआ है उसकी कार्यवाही आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर पहला मैटर डिसाइड हो गया तो, पहला मैटर डिसाइड हो गया तो वो स्टे से बाहर हो जाएगा। रेस सब जुड़ाइस क्या कहता है, आइए देखते हैं। रेस सब जुड़ाइस में आपको जितना याद रखना है मैं उतना ही बोलूंगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। आपको चार पॉइंट याद रखने, कितने पॉइंट याद रखने हैं, चार, बोलो कितने पॉइंट याद रखने बेटे, चार। चार पॉइंट कौन से हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, चार पॉइंट याद रखने रेस सब जुड़ाइस में। पहला, दो केस हो रहे हैं, बोलो कितने केस हो रहे हैं, दो, बोलो कितने केस हो रहे हैं, दो, दो केस हो रहे हैं, दो केस हो रहे हैं। मैटर इन इशू इन लेटर सूट शुड बी डायरेक्टली सब्सटेंशियल इन द इशू इन द अर्लियर सूट। ध्यान से सुनना पीपल, कि जो अर्लियर सूट है और जो लेटर सूट है, दोनों का मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम है। बोलो क्या, जो अर्लियर सूट है, जो लेटर सूट है, दोनों का मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम है। फिर से बोलो, जो अर्लियर सूट है और जो लेटर सूट है, दोनों का मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम है। फिर से बोलो, कैसा सेम है बेटा, डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम है। पार्टीज भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, वंस मोर, पार्टीज भी और पहला मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, पहला मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, तो सबसीक्वेंट सूट के साथ क्या किया जाएगा, सबसीक्वेंट सूट को स्टे लगा दिया जाएगा, सबसीक्वेंट सूट को क्या लगा दिया जाएगा, स्टे। चार पॉइंट याद करें, देर आर टू सूट एट डिफरेंट टाइम, मेरे साथ बोलो क्या, देर आर टू सूट एट डिफरेंट टाइम। मैटर इन इश्यू इन द लेटर सूट इज डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम विद द अर्लियर सूट। मैटर इन द इश्यू इन द लेटर मतलब जो बाद आया, इज डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम विद द अर्लियर सूट, ठीक है। और पार्टीज भी क्या है, सेम। पहला मैटर क्या है, पेंडिंग, और पेंडिंग कौन से कोर्ट में, जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है, कहां पे पेंडिंग है, कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो सब्सिक्वेंट सूट पे क्या करेंगे, स्टे ऑर्डर लगा देंगे। ये आया था विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल में, कहां से आया था बड़ी, विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल। क्या हुआ था इसमें, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में केस किया, तुमने मेरा प्रोडक्ट चुराया, और वो मैटर पेंडिंग था। दूसरी ने पहली पे केस कर दिया, ए बेवड़ी तूने मेरा प्रोडक्ट चुराया, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं अलग अलग कोर्ट में, तूने मेरा चुराया। तो ये डिसीजन आया कि जब पहला मैटर पेंडिंग है, पार्टी सेम है, मैटर सेम है, तो सबसीक्वेंट सूट पे क्या लगा दो, स्टे।
इसे कहते हैं रेस्ट सबजुडाई स्टे ऑफ सूट. क्या कहते हैं इसे? रेस्ट सबजुडाई स्टे ऑफ सूट, सेक्शन नंबर 10. क्या बात है, ये हो गया, आसान है, इजी है. ये क्यों आया होगा? ताकि कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस ना आए, ताकि कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस ना आए, ताकि क्या ना है बेटा, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन ना आए. लेकिन ये सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है. अगर एक मैटर फॉरेन में पेंडिंग है तो ये रूल अप्लाई नहीं होता. दोनों में से एक भी केस अगर फॉरेन का है तो ये रूल अप्लाई नहीं होता. ये रूल कब अप्लाई होगा? जब दोनों के दोनों केस इंडिया के हो. ये कब अप्लाई होगा? जब दोनों के दोनों केस इंडिया के हो. दिस इज व्हाट रेस सबजुडाइज, दिस इज व्हाट बड़ी रेस सबजुडाइज. क्वाइट इजी एवरीवन, सभी के दिमाग में बात जा रही है क्या? देखो एक घंटा होने आ रहा है, ठीक है बड़ी, हमारा टारगेट है डेढ़ बजे तक पूरा सिविल प्रोसीजर कोड करना है. ठीक है, डेढ़ बजे तक क्या करना है? पूरा सिविल प्रोसीजर, पेज मत पलटाओ, सिर्फ ध्यान दो लेक्चर में. अगर बाई चांस मैं रश नहीं करूंगा, एक हाथ टॉपिक बच भी गया तो कल करा दूंगा, मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं मैं, डोंट वरी फॉर दैट. सो आप, मैं रश नहीं करूंगा, समझना अच्छे से चाहिए, एग्जाम में लिखते बनना चाहिए. मेरा टारगेट है आप सबको जेआई जेल में 80 प्लस नंबर लाएं आप लोग, और उसी प्रकार से मैं चल रहा हूं, और उसी प्रकार से मैं आपको क्लास में लर्न करवाते हुए चल रहा हूं. आपको बस एक चीज करनी है मेरे लिए, सिर्फ एक चीज. कर सकते हो क्या भाई? जितना रोज पढ़ाऊंगा उतना घर पे कर लेना, पूरा ऐसा करना कि मतलब जहन में उतर जाए, जहन में उतर जाए, मतलब इस तरीके से करना कि क्या हो जाए, जहन में उतर जाए पूरा. बस घर पे एक बार की स्टडी और यू आर रेडी टू रॉक, बिलीव मी 100%. चलिए भाई आ जाओ, नेक्स्ट है रेस जुडिकेटर. नेक्स्ट क्या बड़ी? सर केस का नाम लिखेंगे या पूरा केस लिखेंगे? पूरा केस लिखो तो अच्छा है, शॉर्ट में लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है बड़ी आ जाओ, चलिए मूविंग ऑन. सर इसको डिफाइन करना होगा पेपर में कि बस कंडीशन लिखना होगा? कंडीशंस लिख दी वही डिफाइन हो जाएगा, और केस लॉ लिख दो बस, हो गया, और कुछ नहीं है इसमें. नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन ना लो. चलिए भाई ओके. कोई कहता है प्लीज रिपीट सर, अरे कुछ नहीं है, अरे रेस्ट सब्जुडाइज है क्या? दो केस हो रहे हैं अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, दो पहला मैटर पेंडिंग है, पार्टी सेम है, मैटर सेम है, सो सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे ऑर्डर लग जाएगा. ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन ना हो इसलिए आता. केस लॉ कौन सा है? विंग्स फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल. क्या बात है, वंडरफुल पीपल. आ जाओ नेक्स्ट है, आ जाइए नेक्स्ट है सेक्शन 11. सेक्शन 11 इज बार ऑन सूट. सेक्शन 11 इज व्हाट? बार ऑन सूट. व्हाट डू यू मीन बार? व्हाट डू यू मीन बाय बार? बार मतलब परमानेंट रोक लगा देना. बार मतलब क्या कर देना? परमानेंट रोक लगा देना. मेरे को बताओ, मेरी शादी होने के बाद क्या मैं बाहर की लड़कियां ताड़ सकता हूं? बार हो गया. क्या हो गया? बार. बार मतलब परमानेंट रोक लग गई भाई, शादी हो गई ना, अभी रोका हुआ है तो अभी ताड़ सकता हूँ. अभी ताड़ सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, लिटिल 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 लिटिल, लेकिन शादी के बाद नको, शादी के बाद नको, अभी रोका हुआ है तो थोड़ा थोड़ा, एक लिटिल बिट. रिकॉर्डिंग मत भेज देना सालों, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा अभी ताड़ सकता हूँ, लेकिन शादी के बाद ताड़ सकता हूँ ना? वैसे ही है, पहला मैटर अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे लगेगा, परमानेंट रोक नहीं लगा रहे हैं, स्टे लगाए हैं बस. लेकिन अगर पहला मैटर डिसाइड हो गया, पहला मैटर डिसाइड हो गया, मान लो से फॉर एग्जांपल दो केस हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तुमने मेरा प्रोडक्ट चुराया है, और वो मैटर डिसाइड हो गया और मैं जीत गया केस, अब तुम सेकेंड केस कर रहे हो कि मैंने तुम्हारा प्रोडक्ट चुराया, जबकि पहला मैटर डिसाइड हो चुका है, मैटर सेम है, पार्टी सेम है, पहला मैटर डिसाइडेड है, वो भी जिसने डिसाइड किया वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है. सब्सिक्वेंट सूट पे क्या होना चाहिए? सब्सिक्वेंट सूट पे क्या होना चाहिए? सब्सिक्वेंट सूट पे बार लग जाना चाहिए. क्या लग जाना चाहिए? बार. सब्सिक्वेंट सूट पे बार लग जाना चाहिए. दिस इज रेस जुडिकेटा. दिस इज व्हाट? रेस जुडिकेटा. सर डिफरेंस क्या है रेस सबजुडाइज और रेस जुडिकेटा में? पहला मैटर जिसमें पेंडिंग है तो स्टे ऑर्डर लगता है, वो क्या है? रेस सबजुडाइज. पहला मैटर डिसाइड हो गया तो सब्सिक्वेंट सूट पे क्या लग जाते हैं? बार, रोक लगाते हैं, इसे कहते हैं रेस जुडिकेटा. रेस जुड, कई लोग रेस जुडिकाटा बोलते हैं, जो करना है बोलना है बोलो, एग्जाम में लिखते बनना चाहिए, ठीक है भाई? सो क्या होता है इसमें, ध्यान देना, इसमें भी कंडीशन देखना कि भैया मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली जो लेटर में है वो अर्लियर में सेम है. मैटर जो है डायरेक्टली सब्सटेंशियली जो लेटर में है, मतलब बाद वाले केस में, अर्लियर में भी सेम है, ठीक है? पार्टीज सेम है, पार्टीज सेम है, बराबर है, पार्टीज सेम है, ठीक है? पहला मैटर डिसाइड हो गया है और जिस कोर्ट ने किया है वो कॉम्पिटेंट है. पहला मैटर डिसाइड हो गया है, जिस कोर्ट ने किया है वो कॉम्पिटेंट है, तो सबसिक्वेंट सूट पे क्या लग जाएगा? बार. क्या लग जाएगा बड़ी?
बार लग जाएगा बट ठीक है ना जी। इस एक मैक्सिम है इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिम याद रखनी है सबने, ठीक है, ये मैक्सिम सबने याद रखनी है, आ जाओ ठीक है, आ जाओ, ये मैक्सिम सबने याद रखनी है कि नो वन शेल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज। बोलो सब लोग क्या बेटा, नो वन शेल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज। वंस मोर व्हाट, नो वन शेल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज। फिर से वंस मोर व्हाट, नो वन शेल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज। एक बार फिर से, नो वन शेल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज। एक बार फिर से, नो वन शेल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम, मतलब एक कॉज के लिए बार बार पार्टी को परेशान नहीं किया जा सकता। हैरास मतलब परेशान, नो वन कैन बी ट्वाइस वैक्स, वैक्स मतलब परेशान, किसी को भी बार बार परेशान नहीं कर सकते एक ही कॉज के कारण, मतलब एक ही रीजन है बार बार कार्यवाही चलेगी। सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। नो वन शेल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज, ठीक है, नो वन शेल बी व्हाट, ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज। याद रहेगा सभी को? अरे यस और नो बॉडी, वंडरफुल बॉडी। इसमें याद रखना, इसमें क्या है, ध्यान से सुनना कि इसमें क्यों ही आया था, तो देर शुड बी एंड टू लिटिगेशन, केस क्या चलते रहने चाहिए कि खत्म होने चाहिए, तो देर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। वंस मोर, देर शुड बी एंड टू लिटिगेशन, ठीक है। पार्टीज को बार बार हरास करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, कन्वीनियंस लाना है, नहीं लाना है, लाना है। तो इस कारण ये आया था कि भाई भाई लिटिगेशन एंड हो, पार्टीज हरास ना हो, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, कन्वीनियंस हो, इसलिए रेस जुडिकेट आया था। नो वन शैल बी ट्वाइस वैक्स फॉर द सेम कॉज। क्या 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 हो, नहीं नहीं क्या हो, क्यों आया था ये, लिटिगेशन एंड हो, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, पार्टीज हरास ना हो और कन्वीनियंस हो, इसलिए ये रूल जो है आया था, ठीक है। बड़ी बोलिए, बड़ी यस और नो बड़ी, वंडरफुल बड़ी, क्या बात है, आ जाओ नेक्स्ट है। रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकेट में क्या फर्क है, पहला मैटर पेंडिंग है तो रेस सब जुडाइस, और पहला मैटर डिसाइड हो गया तो रेस जुडिकेट। मैटर दोनों में सेम है, पार्टी दोनों में सेम है, पहला मैटर पेंडिंग है तो रेस सब जुडाइस है, डिसाइड हो गया तो रेस जुडिकेटा, क्या बात है, वंडरफुल। ओके सर, तो अपील कैसे वैलिड होगी? देखो केस, केस जो है उस पर हम रोक लगाते हैं, रेस सब जुडाइस रेस जुडिकेटा में, अपील पे रोक नहीं है, अपील कर सकते हो आप, ठीक है। किसने पूछा था, अपील जैनी ने पूछा था कि अपील कैसे वैलिड होगी, अपील कर सकते हैं, केस पे हम रोक लगाते हैं, किस पे रोक लगाते हैं बड़ी, केस पे। ओके बड़ी ठीक है हर्ष, वो मैं ना पास्ट ईयर क्वेश्चन सेशन जब कराऊंगा ना उसमें कराऊंगा, मैं एक सेशन लेता हूं आपका, आपको नहीं पता है तो, मैं जिसमें सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें सारे जितने आज तक के अटेम्प्ट के आए हुए हैं सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराता हूं, ये मैं सेशन हर बार लेता हूं, इस बार भी लूंगा, इस बार वो वाले जो मैंने पास्ट ईयर नहीं लिया था, तो मैं एक लिंक दूंगा आपको जिसमें कुछ सेशंस मैंने कराए हुए हैं, और कुछ एक मैं सेशन लेता हूं, हर बार लेता हूं, ये आएगा इस बार मई फर्स्ट वीक में, जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराता हूं मैं, तो उसमें जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है जिसमें किसी को तकलीफ होती है वो मैं क्लास में सॉल्व करवाता हूं, वो वन डे होता है और उसमें हो जाता है पूरा। चलिए अभी ध्यान देंगे पीपल, नेक्स्ट है प्लेस ऑफ स्विंग, जो कई बच जाते हैं ना, एक आधी क्वेश्चन कुछ हो जाते हैं ऐसे, तो वो वाले उसमें कवर हो जाते हैं। आ जाओ नाउ नेक्स्ट है प्लेस ऑफ स्विंग, केस कहां करेंगे, आ जाओ भाई। चलिए भाई केस कर, लिटिगेशन मतलब केस और क्या, जेआई जेल में अमेंडमेंट है ही नहीं, जेआई जेल में हार्डली 20 मिनट के कुछ एडिशन हुए हैं, 20 मिनट के, वो मैं जब रिविजन सीरीज खत्म होगी उसके बाद ऐसी करा दूंगा आधे घंटे में, ऐसी बता के कर दूंगा, डोंट वरी, अनाउंस करके कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, आ जाओ यूट्यूब पे लूंगा, टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो, आ जाओ ना, ध्यान देना पीपल, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सारे सब लोग ध्यान से सुनना बड़ी, केस कहां करें, सबसे ऊपर वाले कोर्ट में कि सबसे नीचे वाले कोर्ट में, सबसे ऊपर कि सबसे नीचे, सब देखो हमेशा स्टार्ट नीचे से करो, स्टार्ट कहां से करो, नीचे से, ठीक है, कहां से करना है स्टार्ट, और धीरे धीरे हौले हौले ऊपर जाना है, ठीक है, स्टेप वाइज, यस दो, ठीक है, ओके, तो कैसे करना है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे हड़ू हड़ू ऊपर, सबसे पहले स्मॉल कॉज कोर्ट में गया, वहां हार गया तो डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में हार गया तो हाई, हाई में हार गया तो सुप, लेकिन कुछ केसेस में क्या डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यस अंडर एक्सेप्शनल्स, वो एक्सेप्शन है, वैसे हमेशा लोअर ग्रेड से स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, लोअर ग्रेड। अच्छा सिविल कोर्ट में कौन से मामले आते हैं, तो इमोवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी है, किसमें आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी है, किसमें आएगी, अरे बोलो ना, सिविल कोर्ट में आएगी, इमोवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी है तो किसमें आएगी बड़ी, सिविल कोर्ट, पार्टीशन है तो भी किसमें आएगा, सिविल कोर्ट। अच्छा फोर क्लोजर है, व्हाट डू यू मीन फोर क्लोजर, मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया
और एक घर गिरवी रखा, अब लोन चुका नहीं पाया, तो बैंक वो घर को अपने कब्जे पे कर रही है, वो किसमें आएगा? वो किसमें आएगा? फोरक्लोजर। फोरक्लोजर मतलब है कि जब मेरे को लोन का पैसा मिला नहीं तो मेरे पास जो गिरवी का सामान है वो मैं अपने नाम करा लूं, इसे क्या कहते हैं? फोरक्लोजर। क्या कहते हैं बड़ी? फोरक्लोजर। और रिडेम्पशन मतलब वो गिरवी का सामान वापस दे दूं, गिरवी का सामान वापस दे दूं। ये सब किसमें आते हैं? सिविल, सिविल कोर्ट। अच्छा मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट राइट का मामला किसमें आता है? सिविल कोर्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कॉम्पनसेशन का मामला किसमें आता है? सिविल कोर्ट। है ना जी, मूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ रिकवरी के मामले किसमें आते हैं? सिविल कोर्ट। ये सारे मामले किसमें आते हैं? सिविल कोर्ट। अरे कुछ नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पेटीशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का फोरक्लोजर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉम्पनसेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी, सब किसमें आता है? सिविल कोर्ट। सब किसमें आता है बड़ी? सिविल कोर्ट। ठीक है, कितना लिखना है ये भी बताते चलो। मैं बता, देखो बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो आपको समझ आ रहा होगा ना अभी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ सारा। ठीक है बेटी, आ जाओ। सो प्लेस ऑफ स्विंग आसान है कि कहाँ से स्टार्ट करना है? हमेशा नीचे वाले कोर्ट से स्टार्ट करने की बात तो याद रहेगी आपको। दूसरा, सिविल केस में कौन कौन से मैटर आते हैं? इमोबल प्रॉपर्टी का रिकवरी, उसका पार्टीशन, उसका फोरक्लोजर, कुछ राइट इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी का, कोई रॉन्ग डन का मामला है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, सब किस में आते हैं बेटा? सिविल कोर्ट। सब सिविल कोर्ट आता है, राइट? इजी है, कंफर्टेबल क्या बॉडी? वंडरफुल स्वीट आर्ट। आ जाओ स्वीट आर्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केस कहां करेंगे, आ जाओ देखते हैं। अब इसमें क्या याद रखना, सुनना, केस कहां करेंगे? सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, टिक 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 टिक, ध्यान देना। केस कहां करेंगे? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है केस कहां करेंगे? तो पहला पॉइंट कहता है, जितना मैंने येलो में मार्क किया उतना इंपॉर्टेंट है, कि प्रॉपर्टी का मामला है तो वो प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है वहां जाएंगे। पहला मैटर क्या कहता है कि कोई प्रॉपर्टी का मामला है, मान लो कोई घर, जमीन, बिल्डिंग का मामला है, तो केस कहां करें? तो वो घर, वो जमीन, वो बिल्डिंग जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है वहां केस करेंगे बाबू। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस और नो? मान लो मेरा घर है वो बालाघाट के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता, तो केस कहां होगा? बालाघाट के कोर्ट में। मेरा घर जो है वो पुणे के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, केस कहां होगा? पुणे के कोर्ट में। अरे हाँ या ना? सो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट यू हैव टू फाइल अ सूट। समझ आई बात? जिस भी कोर्ट, एकदम आसान है लिखने में भी, एकदम आसान है, ये कुछ भी नहीं है, एकदम चिंदी सा टॉपिक है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, इन सच कोर्ट ओनली यू हैव टू फाइल अ सूट। इजी है, आसान है। अच्छा मान लो, मान लो कि एक प्रॉपर्टी दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है तो क्या करें? मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है जो पुणे और मुंबई दोनों के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही है, तो दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। फिर चलो दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, फिर चलो दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। इजी है। अच्छा मान लो मेरी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो समझ ही नहीं आ रहा है कहां जाऊं केस करने, पुणे जाऊं कि मुंबई, समझ ही नहीं आ रहा, अनसर्टेन है। क्या है बड़ी? फिर से बोलो बड़ी, बड़ी क्या है बड़ी? एक मिनट बड़ी, क्या है बड़ी? अनसर्टेन है अगर, तो क्या करूं बताओ? अनसर्टेन है तो क्या करूं? तुम लोग बोलो अनसर्टेन है तो क्या करूं? तो अगर अनसर्टेन है तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो। बोलो क्या? किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, बट एक स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा। क्या लेके जाना पड़ेगा? स्टेटमेंट कि भैया जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन थी। अगर अनसर्टेन है तो किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, मतलब आपको लग रहा है पुणे मुंबई समझ नहीं आ रहा, तो दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, बट क्या लेके जाना पड़ेगा? स्टेटमेंट कि भैया प्रॉपर्टी क्या थी? अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन में थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ठीक है भाई, देखो एकदम सिंपल है। अगर जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो वहीं जाना है, दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो दोनों में से कहीं भी जाना है, अनसर्टेन है तो भी कहीं भी जाना है, लेकिन एक स्टेटमेंट लेके जाना है कि भैया अनसर्टेन थी, इसलिए मैं देखो आपके द्वार चला आया हूं। ठीक है बड़ी? अरे यस सर नो? सर इसकी हेडिंग नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनता है इससे? इससे क्वेश्चन आया नहीं आज तक, टेंशन ना लो, आ जाओ। सर लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा 1:30 को, 2:00 को प्राइवेट हो जाएगा। चलिए अभी ध्यान देना बड़ी। So, जो लोग लेट आए हैं बैक करके आधे घंटे में देख लेना, थोड़ा सा फास्टी फास्टी हो, आ जाइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देखो यार क्या है कि इसको प्राइवेट करने के 2-3 उद्देश्य हैं। ठीक है, पहली चीज आप टाइम पे पंक्चुअल हो जाओ, ठीक है, सारे लाइव ही देखो, और दूसरी चीज अगर ये पब्लिक रहेंगे ना तो मैं इतना इनडेप्थ रिविजन कराता हूँ ना कि कल से कोई हमारी क्लास ही नहीं खरीदेगा।
समझ लो मैं इतना इनडेप्थ पढ़ाता हूँ रिवीजन में, इतना इनडेप्थ मतलब आई बेट कोई ऐसा पढ़ा के दिखा दे इनडेप्थ रिवीजन में। सो मैं इतना इनडेप्थ पढ़ाता हूँ रिवीजन में तो कल से क्या होगा ना, कोई मेरी क्लास ही नहीं लेगा। इसलिए भाई वो प्राइवेट करने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो थोड़ा समझो आप। चलिए भाई ना ध्यान देना बड़ी, आ जाइए नेक्स्ट है तो ईजी आसान है, बोलो हाँ या ना। चलो पहली चीज क्या है बताओ, कि अगर से किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो फिर वहीं जाना है, दो कोर्ट में है तो दोनों में से कहीं भी जाना है, अनसर्टेन है तो भी कहीं भी जाना है, स्टेटमेंट लेके जाना है। ठीक है, आसान है, क्या बात है बड़ी, ओके। अच्छा रॉन्ग डन का मामला है तो कहां करेंगे केस, मतलब किसी के साथ गलत हुआ तो कहां करें केस। रॉन्ग डन का मामला है, मान लो तुमने मेरे बाल खींचे, मैं कहां करूं केस। तुमने मेरे बाल खींचे, मैं कहां करूं केस। तुमने बोले मोदी सर आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, खींच दिए तुमने, मैं कहां करूं केस। जहां पे बाल खींचे, हाँ मैं सो रहा था, तुम आए और ट्रिमर लेके मेरी दाढ़ी काट दी सारी। हाँ क्या बोले है, जहां काटे, जहां काटे वहां केस होगा। चलिए ओके, अगर रॉन्ग डन का मामला है, ध्यान देना बड़ी, अगर से किसका मामला है बड़ी, रॉन्ग डन। ठीक है, अगर से किसका मामला है जल्दी बताइए, रॉन्ग डन। रॉन्ग डन का मामला है, ठीक है, रॉन्ग डन का मामला है, कोई कहता है सर आज का लेक्चर डाउनलोड करने का टाइम दे देना। अबे बेचना है क्या तेरे को मेरे लेक्चर डाउनलोड करके, हैं अभी ध्यान देना आ जाओ। अगर से रॉन्ग डन का मामला, काय का मामला बड़ी, रॉन्ग डन, तो केस कहाँ होगा, जहां जहां पे वो रॉन्ग डन हुआ, जहां पे रॉन्ग डन हुआ, जहां पे जैसे रॉन्ग डन, मान लो तुम आए स्टेज में, कोई चढ़ गया एकदम से, कोई लड़की आई स्टेज में और ट्रिमर लेके आई और यहां से चला के चली गई ऐसे, किधर से, इधर से, और मेरी दाढ़ी कैसी हो गई, इधर से है इधर से गायब। ठीक है, कोई लड़की ने ऐसा फावड़ा चला, फावड़ा नहीं मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं, ट्रिमर चला के चली गई, क्या चला के चली गई बेटा, ट्रिमर, ट्रिमर चला के चली गई, मेरे को ऐसे यहां से दाढ़ी ऐसी हो गई मेरी, तो ये यहां हुआ ना, तो ये एरिया किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, पुणे, पुणे में आता है, तो मैं या तो पुणे कोर्ट में केस करूंगा, या तो कहां केस करूंगा, पुणे, या वो लड़की, या वो लड़की जहां काम करती है, जहां काम करती है, जहां रहती है, लाइक वो लड़की मान लो मुंबई में काम करती है, मुंबई में रहती है, तो केस कहां करूंगा, मुंबई में। तो दो दो चॉइस है, या तो जहां रॉन्ग डन हुआ वो जिस वो एरिया जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता हो, या फिर वो लड़की जहां काम करती हो वहां का जो कोर्ट हो वहां पे आप केस कर सकते हो। इन शॉर्ट मैं केस कर सकता हूँ पुणे एज वेल एज मुंबई, वो रहती मुंबई में, कांड पुणे में करके गई है, मैं दोनों जगह केस कर सकता हूँ, पुणे एज वेल एज मुंबई, दोनों में से किसी भी जगह कर सकता हूँ। यस इजी छे एवरीवन, चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट है, इजी है क्या सभी लोग कंफर्टेबल। चलो अच्छा, अगर मान लो एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो का केस करें, तुमको केस करना है सौमिल सर पे, अब्बर सर पे, मेरे पे, आशीष सर पे, चारों पे केस कर रहे हैं, कहां करोगे। तो लॉ कहता है कहीं पे भी जहां पे एक ना एक डिफेंडेंट रहता हो, जहां पे एक ना एक डिफेंडेंट रहता हो, या फिर जहां रॉन्ग डन हुआ वहां तो कर ही सकते हो, लेकिन मान लो पुणे में रॉन्ग डन हुआ तो पुणे में तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं रहता हूं बालाघाट में, सौमिल सर भी बालाघाट रहते हैं, तो बालाघाट केस कर सकते हो हाँ, लेकिन उसके लिए बाकी के डिफेंडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, बाकी के डिफेंडेंट से, यानी कि अब्बर सर और आशीष सर से परमिशन लेना पड़ेगा, या तो कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगा, या तो कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगा। कहता है कि अगर देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट, देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट, अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो केस कहां करें, केस कहां करें बड़ी, तो जहां पे एक भी डिफेंडेंट रहता हो, जहां पे एक भी डिफेंडेंट रहता हो वहां केस कर सकते हो, कहां केस कर सकते हो, जहां पे एक भी डिफेंडेंट रहता हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी के डिफेंडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी के डिफेंडेंट से, या तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब, इफ देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट देन यू कैन केस, देन यू कैन स्यू एट कोर्ट वेयर एनी ऑन इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ व्हिच एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिसाइड्स, बट फॉर दिस यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ ऑल अदर डिफेंडेंट और ऑफ द कोर्ट। समझ में आ रही है बात, पल्ले पड़ी, कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है केस कहां करेंगे, जहां गलत हुआ है वहां तो कर ही सकते हैं, और कहां कर सकते हैं, जहां एक भी डिफेंडेंट रहता हो, जहां पे एक भी डिफेंडेंट रहता हो, लेकिन इसके लिए बाकी के डिफेंडेंट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन, बाकी के डिफेंडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर बेटा कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगा। इजी है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, पक्का सभी को इजी है, सारों को। चलो सर ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंडीशंस है ना, ना ये तो सब सबके लिए है ना बेटा, ये सबके लिए है। सर वीडियो प्राइवेट मत करना, सर लाइट चली गई है, आई कांट वॉच लेक्चर नाउ।
यार देखो यार, तुम लोग ना भी मेरे को ना ऐसे वो मत करो, सेंटी मत करना भाई। मैंने पहले कह दिया 2 बजे रिवीजन हो, लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा। अब तुम मेरे को ऐसे वो ना करना, ठीक है? आ जाओ बड़ी, ठीक है? तो डिफेंडेंट, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, केस कहाँ होगा बताओ? केस कहाँ होगा? तो जहां पे एक भी डिफेंडेंट रहता हो लेकिन बाकी के डिफेंडेंट की क्या लेना पड़ेगा? परमिशन, या फिर कोर्ट की लेना पड़ेगा क्या? परमिशन। वेरी गुड, ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है, कंपनी के केस में केस कहां करें? कंपनी के केस में केस कहां करें? बॉडी कॉर्पोरेट का केस है, एलएलपी का, कंपनी का, तो केस कहां करें? तो जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। लेकिन आप ब्रांच ऑफिस जहां कंपनी का, वहां भी केस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वहां पे रॉन्ग डन हुआ हो, प्रोवाइडेड वहां पे रॉन्ग डन हुआ हो। समझिएगा, कंपनी में केस का होगा, कंपनी में केस का होगा जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। समझिएगा, मेरे को रिलायंस पे केस करना है, मैं कहां केस कर सकता हूँ? रिलायंस का ऑफिस मुंबई में है, रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कहां कर सकता हूँ? मुंबई। अच्छा, पुणे में उसका ब्रांच ऑफिस है, कर सकता हूं अगर कांड पुणे में हुआ है। रिलायंस कंपनी ने अगर मेरे साथ पुणे में गलत किया तो ही पुणे में केस कर पाऊंगा। सुनना, रिलायंस कंपनी ने मेरे साथ गलत किया नागपुर में, लेकिन नागपुर में ब्रांच ऑफिस नहीं है, तो नागपुर में केस नहीं हो सकता। अगर आपके साथ गलत जिस सिटी में हुआ है उस सिटी में ब्रांच ऑफिस है कंपनी का, तो वहां केस करो। अगर ब्रांच ऑफिस नहीं है तो एक ही चॉइस है, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे कंपनी पे केस करोगे। सो कंपनी में केस कहां होता है? जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। कंपनी में जहां, कंपनी का जहां ब्रांच ऑफिस है वहां केस हो सकता है, प्रोवाइडेड वहां पे रॉन्ग डन हुआ हो। क्या हुआ हो बेटा वहां पे? रॉन्ग डन। फिर से बताओ क्या हुआ हो? रॉन्ग डन। मेरे को तो समझ आया, सभी को समझ आया पॉइंट? यस और नो? एक क्वेश्चन पूछूं? चलो, एक कंपनी है, उसने बेंगलोर में मेरे साथ गलत की, बेंगलोर में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है और मुंबई में, बेंगलोर में कंपनी का ब्रांच ऑफिस है। क्या है कंपनी का? ब्रांच ऑफिस। और मेरे साथ बेंगलोर में गलत की कंपनी ने और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में, केस कहां होगा? मुंबई एज वेल एज बेंगलोर। जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां तो हो ही सकता है, जहां ब्रांच ऑफिस है वहां भी हो सकता है, प्रोवाइडेड वहां रॉन्ग डन हुआ। दोनों सिचुएशन हमारे यहां सेटिस्फाई हो रही है। आंसर इज यस। अरे बोलो यस और नो? चलिए ओके। अनामिका कहती है सर एक बार बता दो कि आज आपने कौन से चैप्टर कवर किए हैं। अभी कुछ कवर नहीं हुआ, अभी चल रहा है। चलिए आ जाओ, इजी है, आसान है बड़ी। चलो अभी मेरे साथ बताना सर, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है? सब लोग बताओगे, ठीक है बड़ी? ओके, मैं बताओ, कंपनी का एक एक ये है, क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग मुंबई में है और उस पर डिस्प्यूट है, केस कहां होगा? केस कहां होगा? सब लोग बताते जाओ जल्दी से, केस कहां होगा? मुंबई में। वो बिल्डिंग दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है, मुंबई और गोवा के पंजिम में भी आती है, तो दोनों में से, दोनों में से कहीं भी कर सकते हो। पक्का क्या? अरे हाँ या ना? अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से सारे, पुणे और मुंबई को लेके अनसर्टेन है कि किससे कौन से कोर्ट में आएगा, तो कहीं भी कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट लेके जाना पड़ेगा कि भैया अनसर्टेन थी जुरिसडिक्शन। अच्छा, रॉन्ग डन का मामला है, केस कहां होगा? रॉन्ग डन का मामला है, केस कहां होगा? जहां पे रॉन्ग डन का मामला है, केस कहां होगा बड़ी? जहां पे कांड हुआ हो या फिर जहां पे डिफेंडेंट रहता हो। जहां पे कांड मत बोलो, रॉन्ग डन हुआ हो, वेयर एग्जैक्टली कॉज ऑफ एक्शन हैपेंड, ठीक है? नहीं तो तुम एग्जाम में कांड याद आता है फिर, ठीक है? ठीक है, और लग जाती है, छोड़ो ओके, अभी ध्यान देना पेपर, ठीक है? तो एग्जाम में भैया ध्यान से सुनना, आपको क्या लिखना है कि वेयर इफ रॉन्ग डन हैज हैपेंड सो देन प्लेंटिव कैन स्यू, वेयर कॉज ऑफ एक्शन, वेयर कॉज ऑफ एक्शन, where cause of action had taken place or where defendant resides, or where defendant resides, ठीक है बेटा? ओके बड़ी, चलिए ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अगर से कंपनी पे केस करना है तो कहां करें? कंपनी पे केस करना है तो कहां करें? तो जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां कंपनी का क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है? ठीक है, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां बेटा अभी तो पढ़ ले सानी का, बेटा तू अभी पढ़ ले, ठीक है? जहां कंपनी का क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर जहां पे कंपनी का ब्रांच ऑफिस है वहां केस हो सकता है, प्रोवाइडेड वहां क्या हुआ? कॉज ऑफ एक्शन। क्या हुआ वहां पे? कॉज ऑफ एक्शन। इजी है, ठीक है? अच्छा, क्या पार्टीज आपस में अग्रीमेंट कर सकती है?
क्या पार्टीज आपस में अग्रीमेंट कर सकती है कि हम इसी कोर्ट में जाएंगे इस कोर्ट में नहीं जाएंगे? तो आंसर इज ऐसे अग्रीमेंट हो सकते हैं अब, लेकिन अग्रीमेंट में जो आप कोर्ट डिसाइड कर रहे हो वो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए। लाइक पार्टीज आपस में अग्रीमेंट कर रहे कि हम अमृतसर के कोर्ट में जाएंगे, तो अमृतसर के कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर अमृतसर के कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो अग्रीमेंट वॉइड है। तो वो अग्रीमेंट क्या है बड़ी? वॉइड। कंफर्टेबल? पार्टीज क्या अग्रीमेंट कर सकती है कि इसी कोर्ट में जाएंगे इस कोर्ट में नहीं जाएंगे? आंसर इज यस, पार्टीज ऐसा अग्रीमेंट कर सकती है, लेकिन फिर उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए। इजी है क्या? अरे हाँ या ना? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ये टॉपिक भी आपका क्या हो गया? ओवर। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। चलिए नेक्स्ट है, अभी पढ़ते हैं एक अच्छा सा टॉपिक। चले आ जाओ, यही कर लेते हैं। सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। क्या करना है अभी? सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। वंस मोर, व्हाट? सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। गोल्डी सिंह कहते हैं सर जहां कंपनी ने रॉन्ग डन किया प्रॉपर्टी में और वहां ब्रांच ऑफिस है और ना रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कहां करेंगे? तो जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां करोगे। गोल्डी, रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं ना कहीं तो होता है ना कंपनी का, तो वहां करोगे। ठीक है, ओके। चलिए नाउ ध्यान देना पीपल, देखो दो किस जगह कर सकते हो, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, और रजिस्टर्ड ऑफिस जहां वहां कॉज ऑफ एक्शन की जरूरत नहीं है। कहां हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉज ऑफ एक्शन जहां हुआ है वहां केस कर सकते हो, प्रोवाइडेड वहां क्या होना चाहिए? ब्रांच ऑफिस। इजी है। चलिए अब नेक्स्ट है सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ठीक है, सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर। एक बार एक लड़की के साथ में डेट पे गया था, मैंने तुम्हें बताया था, और बताया था नहीं बताया था, और खर्चा आ गया था वहां पे 2400 रुपए का। कितने का आया था? 2400 रुपए का। और वो लड़की जैसे ही वेटर बिल लेके आया, वो लड़की भागी, कमिंग बैक इन जस्ट अ मिनट। क्या बोले? जस्ट अ मिनट। और वेटर मतलब ये चलाकी होती है, देखो बंदियों में भी कई बार क्या बोलते हैं उसको, तिरछी नजरों से देखती है वेटर आ रहा है, बस चलो अभी। उसके बाद में बंदा बेचारा बिल का भुगतान करता है, ठीक है, उसके बाद आते बराबर, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं ट्रीट दूंगी तुम्हें, प्लीज। हाँ प्लीज, मैं तो सोच के गया था टीटीएम में भाई, तेरा तू मेरा मैं है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम नहीं नहीं प्लीज यार, तुम हर बार बिल दे देते हो, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं दूंगी। ठीक, तो बंदा बोल भी नहीं पाता कुछ किस बार के तू दे, है ना। तो अब मान लो मैंने उस बंदी को 2400 का बिल आया, 1200 मेरे लगे, 1200 किसके लगे? बंदी के लगे। ठीक है, अब एक बार हमें मूवी जाना था, क्या जाना था? मूवी कहता हूँ, क्रिकेट मैच देखने जाना था। तो उसकी टिकट थी मान लो कुछ, ध्यान नहीं, 1500 कुछ की टिकट थी, जैसे कितने की थी? 1500। तो मैंने उस बंदी को बोला यार तू मेरे टिकट के पैसे दे दे, मैंने ही बोल दिया खुद से सामने से बेशरम होके कि जो मेरे जो टिकट के पैसे हैं कौन दे दे? तू दे दे भाई। ठीक है भाई, अरे हाँ या ना? अरे यस और नो बड़ी? ठीक है बड़ी। तो बंदी ने क्या करी, टिकट के पैसे दे दी 1500। अब हुआ क्या, मैच वैच हो गया, सब हो गया। अब बाद में मैच देखने के बाद कहती है मेरे 1500 दे। क्या कहती है? मेरे 1500। मतलब ब्योरी हाँ, बिवड़ी भुखड़, खाते समय तो तेरे को 2400 का बिल है वो कुछ नहीं, 300 रुपए बनते तो उतने दूंगा बस मैं, है कि नहीं भाई? मैंने तेरे लिए 1200 निकाले थे, तूने मेरे लिए 1500 निकाले, 300 रुपए बनते हैं वो दूंगा, उससे ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तेरे को। वो उसने 1500 के लिए केस कर दी मेरे पे। कितने रुपए के लिए? 1500। और कोर्ट में जाके बोल रही है मैंने इसको मूवी दिखाई हूँ 1500 की, मेरे को 1500 नहीं दे रहा है। मैं भी चला गया कोर्ट बिल लेके, मैं कहा 2400 का जो इसने टकीला के 3 शॉट मारी थी, क्या मारी थी जो इसने? टकीला के 3 शॉट, 500 का एक, साथ में रेड सॉस पास्ता खाई थी भुक्कड़ ने गार्लिक ब्रेड के साथ, ये लीजिए उसका बिल, बनते हैं इसके 1200, उसको करो सेट ऑफ। क्या करो उसको? सेट। इसे कहते हैं सेट ऑफ। इसे क्या कहते हैं बड़ी? सेट ऑफ। सेट ऑफ इज रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट। क्या होता है सेट ऑफ मतलब बेटा? रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट। फिर से बोलो, क्या होता है सेट ऑफ मतलब बड़ी? रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट। वंस मोर, व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ? रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट। वंस मोर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट। इट मींस रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट, ये लाइन आनी चाहिए। क्या सेट ऑफ? रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट, ये लाइन आनी चाहिए। फिर से बोलो क्या? रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट। इसमें क्या होता है, प्लेंटिव प्लेंटिव जो है ना, जो प्लेंटिव ने क्लेम किया है, डिफेंडेंट उसका क्लेम थोड़ा सा एक्सटिंग्विश मतलब कम कर देता है। क्या कर देता है? थोड़ा सा क्लेम उसका कम कर देता है और बोलता है मुझे इतना पैसा इससे लेने का है। सो डिफेंडेंट का जितना क्लेम है उतना अमाउंट कम हो जाता है, डिफेंडेंट का जितना क्लेम है उतना अमाउंट कम हो जाता है। यही हुआ ना, उसने केस की मेरे पे 1500 का, मैं आया मैंने कहा 1200 मेरे को इससे लेने गए, तो 1200 कम हो गए, तो देने कितने पड़ेंगे मेरे को? 300। तो मैंने 1200 का क्या करा लिया? सेट ऑफ।
क्या करा लिया, सेट ऑफ। सेट ऑफ की खास बात है कि ये किसी भी ट्रांजेक्शन का करा सकते हो, लाइक उसने मेरे पे केस की थी मैच के लिए, मैंने सेट ऑफ कहां कराया, रेस्टोरेंट का, हो सकता है पॉसिबल, यस। इट्स अ रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट वेयर प्लेंटिव क्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड टू द अमाउंट ऑफ डिफेंडेंट इज क्लेमिंग। प्लेंटिव जो क्लेम कर रहा है वो अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा जितना डिफेंडेंट क्लेम करता है, हाँ या ना। मतलब 1200 का उसने मेरे पे केस की थी कितना कम होगा, और 1500 का उसने मेरे पे केस की थी कितना कम होगा, 1200 जो मैं क्लेम कर रहा हूं। इसे क्या कहते हैं, बड़ी। इसे क्या कहते हैं, बड़ी सेट ऑफ। ठीक है, शिवांग कहते हैं वेनिशिंग कंपनी के केस में कहां करेंगे। शिवांग, वेनिशिंग कंपनी के केस में कंपनी ने आरओसी को रजिस्टर्ड ऑफिस तो बताई होगी ना, वहीं करेंगे ना केस जहां रजिस्टर्ड ऑफिस बताई हुई है। वर्किंग है नॉन वर्किंग है उससे अभी हमें फर्क नहीं पड़ रहा है ये प्रोविजंस के लिए। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान देना ब्रेक कब मिलेगा। ओए कोई ब्रेक ब्रेक नहीं है, इंटरवल का एक 5 मिनट का टाइम मिलेगा बस। ठीक है, 5 मिनट का एक इंटरवल सेशन मिलेगा तुम्हारे को 3 घंटे की मूवी में रोज। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है, पॉपकॉर्न लेने के लिए जाना बढ़िया। ठीक है, कल से दुकान लगाता हूँ यहाँ पे मैं, 10 रुपए में पॉपकॉर्न। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है इक्विटेबल सेट ऑफ। नाउ व्हाट इज इक्विटेबल सेट ऑफ, ध्यान देना। देखो यार मेरे को बताओ, सेट ऑफ में असर्टेंट सम होगा कि अनअसर्टेंट सम। खुशी कर सकते हो, मेरे को बताओ सेट ऑफ में असर्टेंट सम होगा कि अनअसर्टेंट। असर्टेंट पता होगा कितना है। अरे मैं जब कोर्ट जा रहा हूं तो मैं बताऊंगा ना इतना कम करो, तो सेट ऑफ में हमेशा असर्टेंट सम होगा। फिर सुनो, कैसा सम होगा, असर्टेंट। वंस मोर, कैसा सम होगा, असर्टेंट। वंस मोर, कैसा सम होगा, असर्टेंट। असर्टेंट, असर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि पता होगा कितना है, पता होगा कितना है, असर्टेंट होगा, वेरी गुड। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होगा, ध्यान देना। इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होगा, ध्यान देना। मैंने पलंग खरीदा, क्या खरीदा, पलंग। ठीक है, ठीक है, क्या खरीदा बेटा, पलंग। इतना एक्साइट क्यों हो रहा है, तो खरीद में रहा हूं हा? अभी ध्यान देना, जाओ। पलंग खरीदा मैंने, क्या खरीदा बड़ी, पलंग। अब वो पलंग जो है दुकानदार ने मेरे को बोला 10,000 का, कितने का है, 10,000। 10,000 में वैसे आते नहीं है आजकल, तो दुकानदार ने कहा 25,000 का, कितने का है, 25,000। आ जाते हैं 25 में अच्छे। ठीक है, तो मैंने कहा 25,000 का है, और दुकानदार ने कहा 25,000 का। मैंने कहा ठीक है भैया देता हूँ पैसे, कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ, देता हूँ पैसे। ठीक है, ले जाओ भैया आपकी दुकान है। मैं लेके चला गया पलंग। हुआ क्या, वी वर प्लेइंग इन बेड। ठीक है, वी मीन्स मी एंड माइन वर प्लेइंग पिलो फाइटर। क्या खेल रहे थे हम लोग, पिलो। पिलो से फाइट करते ना बेटा, जिसको फाइट करते करते कब लोग मतलब कि सो जाते हैं, सो जाते हैं, तो क्या है कि वो पिलो फाइटर। हम लोग क्या खेल रहे थे, पिलो फाइटर। पिलो फाइटर से हम लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और हुआ क्या, पलंग टूट गया। क्या हो गया, पलंग टूट गया, पलंग टूट गया भाई। ठीक है, तो दुकानदार ने मेरे पे केस किया 25,000 दे। मैं बोला ठुल्लू, मैं क्या बोला, ठुल्लू, साले तेरे सड़े से पलंग के 25,000 दूं। मेरी बीवी की कमर टूट गई, मेरी बीवी की क्या टूट गई, कमर टूट गई तेरी पलंग के कारण। मेरा कुछ नहीं टूटा, मैं क्या उसके ऊपर गिरा ना, मैं उसके ऊपर गिरा ना, तो क्या नीचे वो थी, तो क्या उसकी कमर टूटी, समझ रहे हो। तो ध्यान देना पीपल, अभी सारे हाँ, अभी सुनो प्लीज। मैं कहा मेरी बीवी की क्या टूट गई, कमर टूट गई। मैंने कहा साले तेरे पलंग के कारण, मैं कहा मैं 25,000 तो देना ही नहीं है। तो उसने कोर्ट में केस किया 25,000 के लिए। मैं कोर्ट को बोला, कोर्ट कहां से 25,000 बनते हैं, कोर्ट कहां से, कोर्ट बताओ, आप बताओ कहां से बनते हैं 25,000। पलंग टूट गया कोर्ट इनका, कहां से 25,000 बनते हैं। तो कोर्ट ने बोला चल ठीक है, 10,000 माइनस करो 15,000 दे दो, 10,000 माइनस करो 15,000 दे दो। कोर्ट ने बोला कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, उछल कूद आप गलत कर रहे हो। कोर्ट ने बोला क्या है, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, उछल कूद आप गलत कर रहे होंगे। ठीक है, 25,000 में से कितने काट लो, 10,000 काट लो, 15,000 दे दो। अब ये 10,000 जो कटे, ये सेट ऑफ है कि इक्विटेबल सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ ऑलवेज सेम ट्रांजेक्शन का होता है। कैसा होता है, सारे ट्रांजेक्शन पलंग के, सारे ट्रांजेक्शन पलंग के। इसमें हमेशा अमाउंट डिसाइडेड नहीं होता, कोर्ट बताती है। इसलिए अनअसर्टेंट सम ऑफ मनी का होता है। कैसा होता है ये, अनअसर्टेंट सम ऑफ मनी। इक्विटेबल सेट ऑफ ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, एंड हियर द अमाउंट इज अनअसर्टेंट। इट इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब बाय द कोर्ट, इट इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब बाय द कोर्ट, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिस्क्राइब बाय द कोर्ट। याद रखना, इसमें इक्विटेबल सेट ऑफ में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। हियर ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन होगा, पलंग का ट्रांजेक्शन है सारा। ठीक है भाई, जैसे मान लो मेरे घर में काम वाली भाई आती है, उसने मेरे घर में एक कुछ तो तोड़ दी। ठीक है, तो मम्मा ने उसको पैसे नहीं दी, 800 रुपए
महीने में काम करती थी, तो उसने केस करी 800 के लिए। मम्मा ने कही 200 का इसने सामान तोड़ी है वो, तो जज साहब ने बोला 200 नहीं, चलो 100 काटो। तो वो क्या है, इक्विटेबल सेट ऑफ। क्या बेटी, इक्विटेबल सेट ऑफ। हम हमेशा अमाउंट इसमें सर्टेन होगा कि अनसर्टेन, अनसर्टेन कौन बताएगा, कोड बताएगा। सेम ट्रांजेक्शन होगा, यस। इसमें ट्रांजेक्शन कैसा होगा, सेम याद रहेगा बड़ी, येस और नो, ठीक है, यस। दो तीन पॉइंट इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि अनसर्टेन सम ऑफ मनी होगा, सेम ट्रांजेक्शन होगा, कौन प्रिस्क्राइब करेगा अमाउंट, कोड। दिस इज व्हाट बड़ी, इक्विटेबल सेट ऑफ। दिस इज व्हाट बड़ी, इक्विटेबल सेट ऑफ, राइट। इसमें सेपरेट सूट करने की जरूरत है नहीं, उसी ट्रांजेक्शन में आप अपनी बात सामने रख के पैसे माइनस करवा सकते हैं। लाइक मान लो आपने फीस नहीं भरी, हमने केस किया, तो आपने बोला सिलेबस ही नहीं हुआ था, हम क्यों भरे फीस। आपने क्या बोला, सिलेबस ही नहीं हुआ था। वैसे हो गया है जेआईजेएल एसबीसी का, ठीक है, लेकिन तुमने कहा सिलेबस ही नहीं होता, हम क्यों भरे फीस। तो कोर्ट ने बोला चलो आधी तो दो। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, इक्विटेबल। कैसा होगा ये बड़ी, इक्विटेबल। इजी है। शुभांगी कहती है आप मेरा डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो। बेटा ये मेन क्लास नहीं है, थोड़ा समझो, ठीक है, आ जाओ। तो यस प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। तो इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होगा एवरीवन, सो हेयर हेयर इन इक्विटेबल सेट ऑफ हेयर ऑल्सो द सेम थिंग विल बी डन, सेम थिंग विल बी डन। प्लेंटिफ्स क्लेम विल बी एक्सटिंग्विश, बट द अमाउंट विच इज गोइंग टू बी एक्सटिंग्विश विल बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एंड इट ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। Here the sum is ascertained or unascertained? Sum will be unascertained. Wonderful, everyone. Last a counter claim. Last ke badi. Shubhangi kehti hai sir, actually I have not completed my syllabus, but I have attended all revision lectures. So can I clear my paper with decent marks? Shubhangi, self study se matter hota hai. ठीक है, सिलेबस से मैटर नहीं होता, सेल्फ स्टडी करोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 80+। ठीक है, नाउ ध्यान देना, आ जाओ। नेक्स्ट है काउंटर क्लेम क्या होता है, व्हाट इज काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम क्या है, ध्यान देना, ठीक है, सुनो बात कि काउंटर क्लेम क्या है। मैं कोर्ट गया, मैं कहा आशीष सर पे केस किया, मैं कहा आशीष सर से मेरे को 15 करोड़ लेने हैं। कितने लेने हैं, 15 करोड़। आशीष सर आ गए कोर्ट, कहते हैं ये झूठा आदमी, 15 करोड़ तो मुझे लेने हैं इससे, ये झूठ बोल रहा है। मतलब जो मैं क्लेम कर रहा हूं वही सामने वाली पार्टी क्लेम कर रही है, जो मैं क्लेम कर रहा हूं वही सामने वाली पार्टी के लिए। मैंने कहा तुम मेरे क्लास के बच्चों ने मुझे डिफेम किया है, माय लॉर्ड मैं केस कर रहा हूं तुम पे, तुम कोर्ट आ गए, हमें सर ने डिफेम किया है, इट्स काउंटर क्लेम। इट्स व्हाट, काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम मतलब सेम सेम एलिगेशन मेड बाय डिफेंडेंट विच हैज बीन मेड बाय प्लेंटिफ, और इवन इट्स कैन बी मोर देन दैट। ठीक है, या तो सेम होता है या तो उससे ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब प्लेंटिव जो क्लेम कर रहा है, प्लेंटिव जो एलिगेशंस लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है डिफेंडेंट पे, डिफेंडेंट सेम, डिफेंडेंट क्या करता है, सेम इल्जाम किस पे लगाता है, प्लेंटिव पे, और इट कैन बी इवन मोर देन दैट, इट कैन बी इवन मोर देन दैट, इट कैन बी इवन व्हाट बड़ी, मोर देन दैट, ज्यादा का भी इल्जाम वो लगा सकता है। सो ये जो है काउंटर क्लेम में होता है, किसमें होता है बेटा, काउंटर क्लेम। सो डिफेंडेंट हियर इन एडिशन टू द थिंग क्लेम्ड बाय प्लेंटिव, डिफेंडेंट हियर प्लीड सर्टेन फैक्ट्स ऑन विच He state court that plaintiff should be punished. Plaintiff should be punished और plaintiff को compensation लगना चाहिए, plaintiff ने मेरे साथ गलत किया। Defendant court में आके क्या बोलेगा, plaintiff की गलती है, बोलो हाँ या ना, यार yes or nobody। So मैं कहता तीनों में फर्क क्या है, I'm sorry. Set of is reciprocal acquittal of debt. It not necessary it should form part of same transaction. Here amount claimed by plaintiff is extinguished to the amount claimed by, मतलब plaintiff जो claim कर रहा है set of में, amount जो claim कर रहा है ना जी plaintiff, here it is extinguished to the amount claimed by defendant. Sum कैसा होता है, certain की uncertain, uncertain amount इसमें decided होता है, yes or no, चलिए wonderful people. Next है equitable set of क्या होता है, it is always part of a same transaction, it's a forming part of a same transaction, and here what happens exactly, amount जो है वो कौन decide करता है, court, ascertained की uncertain, uncertain रहता है। counter claim में defendant एक्स्ट्रा प्लीड करता है या फिर ऐसी प्लीडिंग्स करता है कि भैया एडिशनल प्लीड करता है कि प्लेंटिव शुड बी पनिश्ड, और प्लेंटिव जो है जो मिल पे इल्जाम लगाया वो सरासर गलत है डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट ऐसा कहता है, डिफेंडेंट अपने डिफेंस में कहता है,
कि ऑल क्लेम्स मेड बाय डिफेंडेंट ऑल क्लेम्स मेड बाय प्लेंटिफ आर रॉन्ग एंड इंस्टीड प्लेंटिफ शुड बी पनिश. जो भी प्लेंटिफ ने इल्जाम लगाया वो डिफेंडेंट सेम इल्जाम क्या करता है प्लेंटिफ पे लगा देता है. सो प्लेंटिफ प्लीड द सेम और इवन मोर देन दैट ऑफ अ प्लेंटिफ. ठीक है. सो जो प्लेंटिफ प्लीड कर रहा है डिफेंडेंट सेम प्लीड करता है या फिर उससे ज्यादा प्लीड करता है और किस पे इल्जाम लगाता है सारे प्लेंटिफ पे. यस और नो. चलिए वंडरफुल वंडरफुल पीपल आ जाइए नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं. 12 बज गए. ठीक है ठीक है 12 बज गए. एक काम करते हैं विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट. 12:05 पे मैं स्टार्ट करूँ. कितने बजे 12:05 कोई ब्रेक नहीं मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा. आई एम नॉट गिविंग मच मोर देन दैट ऑफ ब्रेक. विल स्टार्ट एट 12:05. छोटा सा किसी को ब्रेक चाहिए ले लीजिए. विल स्टार्ट एट 12:05 PM. ठीक है आ जाओ. यही लिंक पे आना. सिद्धार्थ उसी केस उसी कोर्ट में होता है. सिद्धार्थ काउंटर क्लेम ना उसी कोर्ट में होता है. ठीक है वही वही हेयरिंग में होता है. रेस्ट सब जुड़ा इसमें क्या होता है ना कि अलग कोर्ट में जाते हैं ना. ये डिफरेंस है. ठीक है भाई आसान है. आपको कांटेक्ट कैसे करें इंस्टाग्राम पे आप रिप्लाई नहीं देते हो. कांटेक्ट कर लीजिएगा. टेक्स्ट मैसेज कर देना मेरे को मेरे नंबर पे. ठीक है मैं देख लेता हूँ. ठीक है क्या बड़ी ओके क्या बड़ी बताओ बड़ी. मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. खाओ बड़ी खाओ तेल के खाओ. कैसा चौथाई वाले हो यू फाइन. चलिए बड़ी समय है 2 मिनट और सिद्धार्थ मैंने बताया तो कहाँ चले गए आप कि काउंटर क्लेम उसी कोर्ट में होता है उसी हेयरिंग में होता है वहां पे सेपरेट कोर्ट जाते हैं रेस्ट सब जुड़ाइस में. सर आवाज बहुत अच्छी है. आवाज अच्छी है ना फिर क्या. मैं शायर तो नहीं मगर ऐसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. चलिए पीपल 1 मिनट और एंड देन विल स्टार्ट. ठीक है आई मीन 5 मिनट देन आई जेन्यूनली मीन 5 मिनट. ठीक है सर रिवीजन करने में बहुत टाइम लग रहा है. अरे लगता है रे आसान नहीं है रे पढ़ाई जो है ना बहुत टाइम जाता है रिवीजन में. ऐसा लगता है जल्दी जल्दी होगा इट टेक्स टाइम बहुत समय लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है कैसे हो भाई सब लोग. चलो मजा आ रहा है. मेरे को बताओ ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है अभी तक. सारा समझ आया अभी तक जल्दी बताओ. एक बार सारा समझ आया जल्दी से बता दो.
सारा समझ आया अभी तक? सीरियसली ऑन अ जेन्युइन नोट्स बताओ बड़ी, आप लोग को समझ आया सभी को एकदम परफेक्टली? चलो तो शेल वी मूव, शेल वी मूव चलो गुड 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 गुड। चलिए भाई ओके, तो 12:05 हो गए हैं, हियर वी गो एवरीवन, आ जाइए शुरू करते हैं। आ जाओ दोस्तों, सेट ऑफ इक्विटेबल, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के हैंड रिटन नोट्स मेरे हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। सो मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। सो उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको इजीली मिलेगा आपको, ठीक है। किसने 40 रुपए भेजे और लिखा है सर आप कितने ऑसम पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, 40 रुपए की मैं आपकी भेलपूरी खाऊंगा, ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए ओके आ जाओ, चलो भाई गुड, आ जाओ भाई शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन एवरीवन, लेट्स बिगिन पीपल, लेट्स बिगिन, आ जाइए शुरू कर रहे हैं विथ हम लोग, आ जाइए टेम्पररी इंजंक्शन, आ जाओ बड़ी, ये भी आया हुआ एग्जाम में, सर आपने भेजे हुए नोट से लर्न कर ले, हाँ हाँ चलेगा चलेगा 100%। चलिए आ जाइए, अभी ध्यान देना पीपल, आ जाइए शुरू करते हैं, हाँ चलेगा ओके, ना ध्यान देना बड़ी, टेम्पररी इंजंक्शन शुरू करते हैं, कैसे शुरू करना है अभी, टेम्पररी इंजंक्शन ध्यान से सुनना बेबी, कितने प्रकार के इंजंक्शन होते हैं और कैसे कैसे इंजंक्शन होते हैं सुनना, इंजंक्शन मतलब किसी पे रोक लगाना, फिर से बोलिए, इंजंक्शन मतलब क्या होता है, किसी पे रोक लगाना, वंस मोर, इंजंक्शन मतलब क्या होता है बड़ी, जब आप किसी पे रोक लगाते हैं तो उससे हम कहते हैं इंजंक्शन, व्हाट वी कॉल इट एज, जब आप किसी पे भी रोक लगाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इंजंक्शन, एक बार फिर से बोलिए, क्या कहते हैं बड़ी, इंजंक्शन, जब आप किसी भी व्यक्ति पे रोक लगाते हैं वी सिंपली कॉल इट एज व्हाट, वी सिंपली कॉल इट एज इंजंक्शन। अच्छा सुनना, दो प्रकार के इंजंक्शन होते हैं, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परपेचुअल, एक क्या होता है टेम्पररी, एक क्या होता है परपेचुअल, एक होता है टेम्पररी, एक क्या होता है परपेचुअल, क्या फर्क है इसमें, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ऐसा इंजंक्शन जो कोर्ट की अगली हेयरिंग तक लगा है, इंजंक्शन विच हैज बीन प्लेस्ड बाय कोर्ट अप टू नेक्स्ट हेयरिंग इज नोन एज टेम्पररी इंजंक्शन, उसे क्या कहते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन, ऐसा इंजंक्शन जो कोर्ट की नेक्स्ट हेयरिंग तक लगा है उसे हम कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन, क्या कहते हैं बड़ी, टेम्पररी इंजंक्शन, ऐसा इंजंक्शन जो कोर्ट की नेक्स्ट हेयरिंग तक लगा है, कब तक लगा बेटा, नेक्स्ट हेयरिंग, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन, वंस मोर, व्हाट वी कॉल इट एज, टेम्पररी इंजंक्शन, इसे हम टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा इंजंक्शन जो एट द एंड ऑफ द केस लगता है उसे हम कहते हैं परपेचुअल इंजंक्शन, क्या कहते हैं, परपेचुअल इंजंक्शन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कोर्ट ने आज मेरे को बोली मेरी अगली हेयरिंग तक, तो मेरी अगली हेयरिंग तक तुम उसके घर नहीं जाओगे, मेरे को कोर्ट ने बोली तुम मेरी अगली हेयरिंग तक उसके घर नहीं जाओगे, ये टेम्पररी है कि परपेचुअल, टेम्पररी। और कोर्ट का आज आखिरी डिसीजन आ रहा है, आखिरी हेयरिंग है, कोर्ट कह रही है आने वाले 5 साल तक तुम उसके घर नहीं जाओगे, परपेचुअल, परपेचुअल डजंट मींस लाइफ टाइम, परपेचुअल मींस एट द एंड ऑफ द केस, इट कैन बी एट लाइफ टाइम, इट कैन बी फॉर फ्यू इयर्स ऑल्सो, एट द एंड ऑफ द केस कोर्ट ने बोली तुम जिंदगी भर नहीं जाओगे तो वो भी क्या है, परपेचुअल। एट द एंड ऑफ द केस कोर्ट ने बोली तुम 10 दिन नहीं जाओगे वो भी क्या है, परपेचुअल। परपेचुअल मींस एट द एंड ऑफ द केस, एंड टेम्पररी मींस कोर्ट ने जजमेंट दिया टिल नेक्स्ट हेयरिंग, कोर्ट ने इंजंक्शन लगाई है टिल नेक्स्ट हेयरिंग, इसे क्या कहते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन। हम क्या पढ़ने वाले हैं बड़ी, टेम्पररी, हम क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी बताइए, जल्दी बताओ हम क्या पढ़ने वाले हैं बड़ी, जल्दी से बताइए, टेम्पररी इंजंक्शन। आ जाइए चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन पीपल, आ जाइए ध्यान देना, टेम्पररी इंजंक्शन क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज टेम्पररी इंजंक्शन, हेलो एवरीवन, आ जाइए टेम्पररी इंजंक्शन क्या कहता है सुनना। देखो यार कोर्ट तुम्हें कुछ करने से कब रोकेगी, खुद सोचो कोर्ट क्यों रखेगी तुमको, क्योंकि डर है कि भाई सामने वाले को तुम इंजरी पहुंचा सकते हो, उसके साथ मारधाड़ कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी के साथ तुम छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो कोर्ट क्या करेगी बेटा, तो कोर्ट क्या करेगी बेटा, इंजंक्शन लगवाएगी, क्या लगवाएगी कोर्ट, इंजंक्शन, ठीक है। ध्यान देना, कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन कब लगाती है, कोर्ट रिस्ट्रेन मतलब रोकना चाहती है, कोर्ट क्या करना चाहती है, रिस्ट्रेन मतलब रोकना चाहती है, क्यों रोकना चाहती है तुम्हें,
क्योंकि अगर रोका नहीं कोर्ट ने तो कोई चीज वेस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, एलिनेट मतलब सेल हो सकती है, डिस्पोज हो सकती है, ठीक है, कोर्ट इसलिए तुम्हें रोक रही है। लाइक मान लीजिए, समझो बात को, कि मेरा घर है, मेरा घर है और मेरे चाचा जो है मेरे घर को डिस्पोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्पोज। डिस्पोज मतलब खत्म कर रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं घर को। तो मैं कोर्ट गया, मैं कहा कोर्ट 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 मेरा घर कोर्ट, मेरा घर अबॉलिश हो जाएगा कोर्ट, मेरे चाचा अबॉलिश कर रहे हैं कोर्ट मेरे घर को। कोर्ट ने क्या लगाया? चाचा पे इंजंक्शन। कोर्ट कभी भी किसी व्यक्ति को रिस्ट्रेन क्यों करेगी? बोलो ना। क्योंकि कोई चीज क्या हो सकती है? वेस्ट, अबॉलिश, डैमेज, सेल हो सकती है ना जी, उसके बाद में डैमेज हो सकती है, वेस्ट हो सकती है। इसलिए कोर्ट क्या करती है? किसी पे क्या लगाती है? इंजंक्शन। बोलो क्या लगाती है कोर्ट बेटा? इंजंक्शन। ठीक है बेटा, यह आया ना? यस, वेरी गुड। प्लेंटिफ की कोई चीज जो है वेस्ट हो सकती है, डिस्पोज हो सकती है, एलिनेट हो सकती है, खराब हो सकती है, इसलिए कोर्ट किसी पे इंजंक्शन लगाती है। ठीक है, तो क्यों लगाती है जल्दी बताओ? तीन बातें याद रखो, या तो क्या हो सकती है कोई चीज वेस्ट, डैमेज, एलिनेट। बोलो हाँ या ना? हाँ ना बेटा। ठीक है, या तो फिर डिफेंडेंट जो है वो थ्रेटन, डरा रहा है, डिफेंडेंट डरा रहा है, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, डिफेंडेंट डरा रहा है कि वो प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? डिस्पोज कर देगा, रिमूव कर देगा। या फिर डिफेंडेंट डिस्पोज रिमूव कर सकता है कोई प्रॉपर्टी क्रेडिटर को चूना लगाने के लिए। किसको चूना लगाने के लिए? क्रेडिटर। तो कोर्ट क्या लगा सकता है? इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब उसको करने से रोक सकता है। रोक सकता है कि नहीं? हाँ। अच्छा, डिफेंडेंट डरा रहा है कि प्लेंटिफ को वो इंजरी पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा प्लेंटिफ को? इंजरी। तो भी क्या लग सकता है ऐसे केसेस में? क्या लगेगा बेटा? इंजंक्शन। क्या लगेगा इसमें? इंजंक्शन। फिर से बोलिए, क्या लगेगा इसमें बेटा? इंजंक्शन। ये इंजंक्शन कब लगाएंगे? जब प्लेंटिफ को कोई सब्सटेंशियल और इररिपेरेबल हार्म हो सकता है। क्या हो सकता है प्लेंटिफ को? सब्सटेंशियल और इररिपेरेबल हार्म। ऐसा हार्म हो सकता है जो बहुत बाद में रिपेयर नहीं किया जा सकता, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट लेवल का हार्म हो सकता है, गजब लेवल का हार्म हो सकता है उसको। ठीक है ना, बहुत गलत हो सकता है प्लेंटिफ के साथ। तो डिफेंडेंट पे क्या लगाएंगे बेटा? इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब रोक लगाएंगे। मैंने बताया आपको टेम्पररी इंजंक्शन और परपेचुअल में क्या फर्क है। आज इंजंक्शन लगाया, अगली हेयरिंग तक तो टेम्पररी, और एट द एंड ऑफ द केस इंजंक्शन लगा तो परपेचुअल। इजी है। आज इंजंक्शन लगाया, अगली हेयरिंग तक तो टेम्पररी। आज इंजंक्शन लगाया, जो आज एंड ऑफ द केस है तो परपेचुअल। ठीक है बेटा, इंजंक्शन कब लगाते हैं बताओ? जब कोई प्रॉपर्टी वेस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, एलिनेट हो सकती है, डिस्पोज हो सकती है। बोलो हाँ या ना? या प्लेंटिफ को क्या पहुंच सकती है? इंजरी। क्या पहुंच सकती है प्लेंटिफ को? इंजरी। तो कोई प्रॉपर्टी वेस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, एलिनेट हो सकती है। डिफेंडेंट प्रॉपर्टी को वेस्ट करेगा, डैमेज करेगा, क्योंकि क्रेडिटर को डिफ्रॉड करना चाहता है। ठीक है जी। या फिर डिफेंडेंट डरा रहा है कि प्लेंटिफ को क्या पहुंचाएगा? इंजरी। प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचाएगा डिफेंडेंट, ऐसा डरा रहा है। क्या डरा रहा है? कि प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचाएगा। तो हम क्या लगा देते हैं डिफेंडेंट पे? इंजंक्शन। क्या लगा देते हैं बड़ी? इंजंक्शन। कब लगाते हैं? जब हार्म जो है प्लेंटिफ को कैसा हो सकता है बेटा? सब्सटेंशियल और इररिपेरेबल। कैसा हार्म हो सकता है बेटा? सब्सटेंशियल और इररिपेरेबल। बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? वंडरफुल। छोटा सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, बनेगा सबको? ठीक है, इजी है। देखो, दो तीन पॉइंट बोल रहा हूं, उतने याद रख लेना, काम खत्म। इंजंक्शन मीन्स टू रिस्ट्रेन, इंजंक्शन मीन्स टू रिस्ट्रेन, एंड टेम्पररी इंजंक्शन मीन्स कोर्ट रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट अप टू नेक्स्ट हेयरिंग, अप टू नेक्स्ट हेयरिंग। ठीक है, व्हाई कोर्ट रिस्ट्रेन? बिकॉज एनी प्रॉपर्टी इज लाइकली टू बी डैमेज, लाइकली टू बी सेल, लाइकली टू बी एलिनेट, लाइकली टू बी वेस्ट, है ना जी। इसलिए कोर्ट रिस्ट्रेन करती है डिफेंडेंट को। या फिर डिफेंडेंट इज थ्रेटनिंग और इंटेंट दैट ही विल रिमूव और वेस्ट एनी प्रॉपर्टी टू डिफ्रॉड क्रेडिटर, और डिफेंडेंट इज थ्रेटनिंग प्लेंटिफ दैट ही विल इंजर हिम, then in such a cases court put a injunction to defendant, है ना। and defendant पे injunction लगाया जाता है किस purpose के लिए? because plaintiff might get substantial and irreparable harm। कैसा harm हो सकता है plaintiff को? substantial और irreparable। इतना याद रखना, that's it, राधे राधे। next से बड़ी मुझे बताइए, क्या final hearing के पहले court कोई order दे सकता है? फाइनल हेयरिंग के पहले कोर्ट कोई ऑर्डर दे सकता है? हाँ, उसे कहते हैं इंट्रीम ऑर्डर। क्या कहते हैं उसे? इंट्रीम ऑर्डर। क्या कहते हैं बड़ी? इंट्रीम ऑर्डर या इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्या कहते हैं उसे? इंट्रीम ऑर्डर या इंटरलोकेटरी ऑर्डर।
ये दे सकते हैं, हाँ इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इतना याद रखना, दे सकते हैं। कुछ बेचने बोल सकते हैं अगर चीज खराब हो रही है, मतलब खराब हो जाएगी तो जल्दी कुछ बेचने बोल सकते हैं, हेयरिंग के बीच में ऑर्डर दे सकते हैं, फाइनल हेयरिंग के पहले ऑर्डर दे सकते हैं, इसे कहते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्या कहते हैं बड़ी से? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। वंस मोर, क्या कहते हैं बच्चा? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही पढ़ना। यस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन। क्या है बड़ी? डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन। वंस मोर, क्या है बड़ी? डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन। अब ये क्या कहता है, ध्यान देना सारे, डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, इजी है। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, प्लेंटिफ कह रहा है डिफेंडेंट के पास ना एक ऐसा जहरीला केमिकल है, डिफेंडेंट कह रहा है प्लेंटिफ के पास जहरीला केमिकल है, तो क्या दोनों की एप्लीकेशन से कोर्ट क्या चेक कर सकता है? चेक कर सकता है, चेक कर सकता है, यस। तो कोर्ट जो है किसी की भी चीज को डिटेन मतलब रख सकता है, प्रिजर्व मतलब भी रख सकता है, इंस्पेक्शन मतलब तहकीकात कर सकता है। क्या कर सकता है? तहकीकात, तहकीकात कर सकता है। इसके लिए वो किसी भी व्यक्ति को ऑथोराइज कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति प्लेंटिफ किया डिफेंडेंट के लैंड में जा सकता है, बिल्डिंग में जा सकता है, और सर्च कर सकता है। क्या कर सकता है बड़ी? सर्च। तो ये कोर्ट किसी व्यक्ति को इसके लिए क्या कर सकता है? ऑथोराइज। कोर्ट क्या कर सकता है किसी व्यक्ति को? बड़ी ऑथोराइज। सिंपल एकदम, कि कोर्ट प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की कोई भी व्यक्ति को डिटेन प्रिजर्व इंस्पेक्ट कराने बोल सकता है। इस पर्पस के लिए वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? ऑथोराइज। कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की जमीन में जा सकता है, बिल्डिंग में जा सकता है, हाँ या ना? तहकीकात कर सकता है। क्या कर सकता है बड़ी? तहकीकात, ठीक है। क्या कर सकता है बड़ी, जल्दी बताओ? तहकीकात कर सकता है। वंस मोर, क्या कर सकता है स्वीडार्ट? तहकीकात। बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए यस और नो, इजी है, बोलो यस और नो। अच्छा अब ध्यान देना, क्या कोर्ट सैंपल लेने बोल सकता है? यस yes. क्या कोर्ट सैंपल लेने बोल सकता है? यस और नो? यस, कोर्ट सैंपल लेने भी बोल सकता है। कोर्ट क्या लेने बोल सकता है? सैंपल। देखो एकदम आसान है, डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन, एकदम सिंपल है। कोर्ट डिफेंडेंट या प्लेंटिफ, डिफेंडेंट या प्लेंटिफ की कोई भी वस्तु को क्या कर सकता है? डिटेन प्रिजर्व इंस्पेक्ट। क्या कर सकता है? डिटेन प्रिजर्व इंस्पेक्ट। वंस मोर, क्या कर सकता है? डिटेन प्रिजर्व इंस्पेक्ट। क्या इस पर्पस के लिए किसी व्यक्ति को ऑथोराइज कर सकता है कि जाओ इसकी जमीन में सर्च करो, जाओ इसके बिल्डिंग में सर्च करो? कर सकता है, यस yes. क्या वो सैंपल्स ले सकता है? यस yes. सैंपल भी ले सकता है क्या बड़ी? यस yes. लेकिन एप्लीकेशन प्लेंटिफ देगा केस करने के बाद कभी भी, या तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन देगा अपियर होने के बाद कभी भी, ठीक है। या तो प्लेंटिफ एप्लीकेशन देगा कि डिफेंडेंट क्या सर्च करो, या तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन देगा प्लेंटिफ क्या सर्च करो। प्लेंटिफ मतलब जो केस करता है, डिफेंडेंट मतलब जिस पे केस होता है। तो प्लेंटिफ या तो एप्लीकेशन देगा कि डिफेंडेंट क्या सर्च करो, या तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन देगा कि प्लेंटिफ क्या सर्च करो। प्लेंटिफ केस करने के बाद कभी भी एप्लीकेशन दे सकता है, और डिफेंडेंट अपियर होने के बाद कभी भी एप्लीकेशन दे सकता है। प्लेंटिफ केस करने के बाद कभी भी एप्लीकेशन दे सकता है, और डिफेंडेंट अपियर होने के बाद कभी भी एप्लीकेशन दे सकता है। बोलो यस और नो? अरे बोलिए यस और नो। आसान है, इजी है, सभी के भेजे में जा रहा है, बढ़िया तरीके से भेजे में जा रहा है, एकदम आसान है। चलिए नाउ ध्यान देना, ओके। कोर्ट लेकिन जब भी डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन करेगा अपोजिट पार्टी को नोटिस देगा। तालियां बजनी चाहिए बेटा, तालियां। बस 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 बस, अरे बस भाई, टाइम वेस्ट करने के जुर्म में गायत्री तोतलानी तेरे को खिड़की से बाहर फेंका जाएगा। अभी ध्यान देना, आ जाइए। अच्छा तोतलानी नहीं है, तोलानी है क्या? सो सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। अभी ध्यान देना पीपल, नाउ ध्यान देना बड़ी, ध्यान देंगे। मतलब कोर्ट क्या कह रही है कि प्लेंटिफ क्या सर्च करना है कि जहरीला केमिकल है क्या, तो उसको नोटिस दे के जाएंगे। मतलब नोटिस देके जब तुम जाओगे तो छुपा नहीं लेगा क्या? क्या ये लॉ है यार, ये वाला मजा ही नहीं आई मेरे को। मतलब कोर्ट कहता है कि जब भी जाएंगे उसके यहां पे तो क्या देके जाएंगे उसको? नोटिस। के भाई सतर्क हो जा, हम तेरे यहां आ रहे हैं, तूने जो कांड किया है सब ठीक कर लेना। ये तो ऐसी बात हो गई ना भाई, अरे हाँ या ना? ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई मतलब नॉक करके जब लोग रूम में आते हैं, ऐसी बात हो गई है। तब तक तो सब ठीक हो जाता है ना, अरे डायरेक्ट घुसो हो हाँ, तब पता चलेगा सामने वाला क्या कर रहा था, नॉक कर में तो क्या फिर। चलिए ध्यान देना पीपल, सो ये याद रहेगा कि यस और नो। अरे बोली हाँ या ना? हर्ष तोशनीवाल कहता ये क्या था,
जो भी था अच्छा था। चलिए ध्यान देना पीपल, सो यस नाउ ध्यान देंगे। डिटेंशन प्रिजर्वेशन इंस्पेक्शन, क्या कोर्ट कराने बोल सकता है? यस। इसके लिए किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है? यस। कि जाओ किसी की लैंड में घुस जाओ, जाओ किसी की बिल्डिंग में घुस जाओ। इसमें क्यों हंसे तुम लोग? तो लैंड और फर्क होता है। अभी ध्यान देना पीपल, जाओ सैंपल लेके आओ। कौन बोल सकता है ये? कौन बोल सकता है ये? कोर्ट बोल सकता है, ठीक है। प्लेंटिव एप्लीकेशन दे सकता है डिफेंडेंट, क्या सर्च करो केस करने के बाद, या डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे सकता है अपियर होने के बाद कि प्लेंटिव क्या सर्च करो। लेकिन कोर्ट जब भी सर्च या इस सब करेगी क्या देगी? नोटिस देगी। वाह एक नंबर। अच्छा कोर्ट क्या पैसा जमा कराने कोर्ट में बोल सकता है? क्या बोल सकता है पैसा जमा कराओ, हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो। यस यू कैन समरुद्र, जल्दी बताइए। क्या कोर्ट पैसा जमा कराने बोल सकता है? यस और नो? यस। कोर्ट क्या बोल सकता है? पैसा जमा कराने बोल सकता है। किसमें बोल सकता है बेटा? पैसा जमा कराने बोल सकता है कोर्ट। किधर? कोर्ट में जमा कराओ, ऐसा कोर्ट बोल सकता है ना यार? बोल सकता है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इतना ही है। इसको ऐसी चाहिए, फालतू का टॉपिक है, कुछ नहीं। हाँ यहां से आ जाओ, शुरू करेंगे बाबू। मिस जॉइंटर बाद में पढ़ेंगे, यहां से अब करते हैं केस कैसे होगा। आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग का ध्यान मेरी तरफ, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ, हम दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ। लेट्स बिगिन। चलिए केस कैसे होगा, कैसे करें केस, कैसे शुरू करें, शुरू कैसे करें? तो प्लेंटिव सबसे पहले कोर्ट जाएगा एक कागज लेके, जिसको हिंदी में कहते हैं शिकायत, इंग्लिश में कहते हैं प्लेंट। क्या कहते हैं? प्ले। कंप्लेंट हो जाता है क्रिमिनल में, क्रिमिनल में क्या कहते हैं? कंप्लेंट। सिविल में क्या कहते हैं? प्लेंट। तो प्लेंटिव जाएगा कोर्ट, क्या बोलेगा? कोर्ट ये लीजिए मेरा प्लेट, मुझे केस करना है इस व्यक्ति पे, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया है, मुझे ये आपसे चाहिए। प्लेंट क्या फाइल करेगा बेटा? प्लेंट। फिर कोर्ट क्या करेगी? डिफेंडेंट को समन देगी। क्या देगी? समन। सुमन नहीं है वो, क्या है वो? समन। कोर्ट क्या देगी डिफेंडेंट को? समन, कि तू ये तारीख को आ जाना रे, तेरे पे इल्जाम लगा है, ये तारीख को आ जाना रे, तेरे पे क्या लगा है? इल्जाम लगा है बेटा, आके अपना दे देना गवाही। तो डिफेंडेंट फिर रिटर्न स्टेटमेंट देगा, अपनी गवाही देगा, गवाही कहता हूं अपनी, क्या बोलते हैं उसको, सफाई देगा अपनी। क्या देगा? सफाई। अपनी सफाई देगा कि देखो मैं तो बोला आदमी, मैं तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, मैं तो प्लेंटिव को जानता भी नहीं, साले को भदवे को, ठीक है, ये जो है मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो डिफेंडेंट आके क्या देगा? अपनी गवाही। डिफेंडेंट अपनी गवाही देगा रिटर्न स्टेटमेंट में। काय में देगा बाड़ी? रिटर्न स्टेटमेंट। काय में देगा स्वीडार? रिटर्न स्टेटमेंट में। फिर कोर्ट जो है वो दोनों पार्टी को, ध्यान से सुनना, क्रॉस एग्जामिन करेगी। क्या करेगी? दोनों पार्टी को क्रॉस एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिन मतलब चेक करेगी, दोनों के सबूत देखेगी, चेक करेगी दोनों के सबूत देखेगी, दोनों के एविडेंस देखेगी, रिटर्न स्टेटमेंट देखेगी, सब देखेगी, और अपना डिक्री जजमेंट सुनाएगी। क्या सुनाएगी? अपना डिक्री जजमेंट। कितना आसान है, ठीक है, काटो घोलो लगा लो, उससे भी आसान है। अरे हाँ या ना? इजी है कि नहीं है? अरे यस और नो बेटा, आसान है ना? मतलब ये कह रहा हूं, देखो क्या है भैया, कि सबसे पहले क्या फाइल करेंगे? प्लेंट। सबसे पहला क्या है? प्लेंट। प्लेंट फाइल करेंगे, कोर्ट क्या इशू करेगा डिफेंडेंट को? समन। डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट देगा, कोर्ट दोनों को क्रॉस एग्जामिन करेगा, सबके एविडेंस देखे जाएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट देखा जाएगा, और कोर्ट क्या देगा? अपनी डिक्री और जजमेंट। क्या देगा कोर्ट? डिक्री और जजमेंट। अरे बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? चलिए अब ध्यान देना, अब थोड़ी विस्तार प्रोसेस देखते हैं। कैसी प्रोसेस देखते हैं? विस्तार। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की प्रोसेस, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, मजा आएगा, क्योंकि मजा अंदर आता है। बाहर आता है क्या? नहीं। मजा कहाँ आता है बेटा? तू किधर देख रहा है मैं? हाँ हाथ हिला, हाँ रब कर रहे हैं, अश्लील हो गए हो तुम लोग, अश्लील। चलिए ओके एनीवे, ओ हेलो स्वीट हार्ट, ध्यान देंगे गाइस। केस करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना सब लोग, केस करने के लिए क्या करना है? तो डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन में देना ये बताओ, डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन में देना है? 30 डेज। वंस मोर, कितने दिन में देना बड़ी? प्लीज बताइए कितने दिन? 30 डेज में डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट देना है। अगर डिफेंडेंट 30 डेज में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे पाया तो 90 डेज मिल सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने दिन मिल सकते हैं? 90 डेज, जब से समन फाइल हुआ। वैसे जब से समन फाइल हुआ कितने दिन में देना है? 30 डेज। नहीं कर पाया तो 90 डेज मिल सकते हैं। लेकिन क्यों मिलेंगे 90 डेज? कोई ना कोई क्या होना चाहिए? सफिशियंट कॉज।
कोई कारण होना चाहिए, बीबी बीमार थी, पापा बीमार थे, मम्मी बीमार थी, प्रेग्नेंट थी बीबी, बच्चा हो रहा था, शादी हो रही थी, कुछ भी होना रीजन जरूरी है, सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कॉज। नींद आ रही थी, ये सफिशिएंट कॉज है क्या? नींद आ रही थी माय लॉर्ड, इसलिए आ नहीं पाया, सॉरी, चलिए आ जाओ। बाथरूम में फिसल गए थे, सफिशिएंट कॉज हो सकता है? बहुत सारे सफिशिएंट कॉज हम लिमिटेशन एक्ट में देखते हैं वैसे, बट ठीक है। 30 डेज में जाना है, 30 डेज में नहीं जा पाए, 90 डेज में जा सकते हो, बट यू शुड हैव सफिशिएंट कॉज। नेक्स्ट है, खुद भी जा सकते हो, प्लीडर के थ्रू भी जा सकते हो। हु इज प्लीडर? योर रिप्रेजेंटेटिव लॉयर, ठीक है, वो भी उसके थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। बट यस और नो, अच्छा समन साइन कौन करेगा? समन जज साइन करेगा या कोई ऑथोराइज ऑफिसर? जज साइन करेगा या तो कोई ऑथोराइज ऑफिसर, बोलो क्या? जज साइन करेगा या तो फिर ऑथोराइज ऑफिसर। अनीश कहता है बेवकूफ लोगों, जिसको वीडियो डाउनलोड करना है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, लूप होल बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा बेटा सीएस बनेगा तू, हैं, क्लाइंट को अच्छी सलाह देगा ये, ठीक है। बोले साला क्या डाउनलोड कर रहे थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताता हूँ तेरे को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया ना तू, बताता हूँ तेरे को, चलिए ओके आ जाओ। अबे जो करना करो, बस तुमने पता चला है अगर, बता एक दो बंदे क्या कर रहे थे, लेक्चर बेच रहे थे यूनिक अकेडमी के, वो क्या कर रहे थे ना, उन्होंने क्या किया, लेक्चर बेचने लग गए थे, पता चल जाता है ना फिर, वो तो कहीं ना कहीं से फिर वो क्या है, दिक्कत हो जाती है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के लिए जो करो, ये सब गलत हरकतें में ना गड़बड़ हो जाती है फिर। आ जाओ भाई, नेक्स्ट है, आ जाइए नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, क्या कोर्ट डिफेंडेंट या प्लेंटिव को बोल सकता है, बे तू लॉयर के थ्रू नहीं, तू खुद चल के आ, चल मेरे पास, बोल सकता है कोर्ट? बोल सकता है कि ये लॉयर के थ्रू नहीं, तू खुद चल के आ, कोर्ट बोल सकता है ऐसा? डेफिनेटली। कैसा? डेफिनेटली, वंडरफुल, डेफिनेटली बोल सकता है, डेफिनेटली बोल सकता है, वेरी गुड। ध्यान देखो, यहां तक क्या पढ़ा आपने, कि कोर्ट जो है भाई समन इशू करेगा डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट को 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट देना है, अपनी सफाई देनी है, 30 दिन में नहीं दे पाया, 90 दिन वहीं से जहां से समन इशू हुआ था, अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो खुद भी जा सकता है, लॉयर के थ्रू भी जा सकता है। अरे हाँ, वंडरफुल, चलिए नेक्स्ट है। उसके बाद समन कौन साइन करेंगे? या तो बड़ी जज साइन करेंगे, या तो फिर ऑथोराइज ऑफिसर, या तो जज साइन करेंगे या तो फिर ऑथोराइज ऑफिसर। वंस मोर, या तो जज या तो ऑथोराइज ऑफिसर, इजी, पक्का, एवरीवन, सफिशिएंटली समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट है, कोर्ट क्या पर्सनली बुला सकता है? पर्सनली किसी को बुला सकता है, यस yes। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर समन इशू नहीं हो पाया तो क्या समन में प्लेंट की कॉपी होगी? पहले बताओ, समन में क्या प्लेंट की कॉपी होती है? यस yes। अच्छा मुझे बताना, अगर से हमने डिफेंडेंट को कोई डेट ही नहीं बताई थी कब आना है, तो क्या हम केस को डिसमिस कर सकते हैं? नहीं। हम क्या, देखो ये वाला पॉइंट क्या कहता है, कि समन जो है उसमें प्लेंट की कॉपी होनी चाहिए। किसकी कॉपी होनी चाहिए बेटा? प्लेंट की। अगर आपने कोई तारीख नहीं बताई थी डिफेंडेंट को आने की, तो आप केस को डिसमिस नहीं कर सकते, केस को डिसमिस नहीं कर सकते। अच्छा समन में क्या ये लिखा रह सकता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं? यस, समन में ये लिखा रह सकता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ये लिखा रह सकता है। क्या लिखा रह सकता है? कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। क्या लिखा रह सकता है? कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो, एवरीवन, गॉट इट और नॉट? पक्की बात है, एकदम इजीली समझ में आ रहा है, यस और नो? चलो अब सुनना बात, अगर से समन देना है तो किसको देंगे? डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को? डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को, है ना जी। अगर वो नहीं है घर पे तो? अगर घर पे नहीं है तो उसकी फैमिली को, फैमिली मेंबर को दे देंगे, मेल या फीमेल? मेल या फीमेल। क्रिमिनल में मेल को ही देते हैं, याद रखना। क्राइम के केस में जब समन जाता है, अगर डिफेंडेंट घर पे नहीं है तो घर पे जो मेल अडल्ट है उसी को जाता है, लेकिन सिविल केस में मेल को भी दे सकते हैं, फीमेल को भी दे सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर होना चाहिए। अच्छा नौकर फैमिली मेंबर में आएगा? नहीं, नौकर इज नॉट अ फैमिली मेंबर। ये केस हो चुका है कि नौकर को समन दिए थे, क्या वो समन वैलिड है? नो, नौकर इज नॉट अ फैमिली मेंबर, नौकर फैमिली मेंबर में नहीं आता। और जिसको भी देते हैं उसकी साइन ले लेंगे एज अ एक्नॉलेजमेंट। क्या ले लेंगे? उसकी साइन एज अ एक्नॉलेजमेंट। इजी, कंफर्टेबल? मेरे को बताओ, पक्का इजी है? सभी को समझ आ गया? अरे यस और नो, इजी है बाड़ी? यस बाड़ी, वेरी गुड बाड़ी, क्या बात है बाड़ी, एक नंबर। सो एक बार पूरा देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से, डिफेंडेंट को कितने दिन में समन देना है? 30 दिन। 30 दिन में नहीं दिया तो?
90 डेज में समन देना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भिड़ू? अच्छा, डिफेंडेंट खुद जाएगा या तो एडवोकेट के थ्रू जाएगा, या तो खुद जाएगा या तो एडवोकेट के थ्रू जाएगा। यस और नो? अच्छा मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, या तो खुद जाएगा या तो एडवोकेट के थ्रू जाएगा। इजी है, पक्का इजी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जज उसको पर्सनली बुला सकता है? यस। अच्छा मुझे बताइए, क्या समन जज साइन करेगा? यस। या तो फिर कोई ऑथोराइज ऑफिसर साइन करेगा। क्या जज बोल सकता है तू पर्सनली चाहता? वो मैंने बताया, यस। समन में क्या प्लेन की कॉपी होगी? यस। समन में अगर डेट नहीं लिखी हुई है तो क्या हम केस को डिसमिस कर सकते हैं? नहीं। अगर तारीख नहीं लिखी है तो केस को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। क्या समन में लिखा रहेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं? यस, वेरी गुड पीपल। समन अगर डिफेंडेंट को देंगे या तो उसके एजेंट को देंगे, कोई घर पे नहीं, मतलब वो घर पे नहीं है तो उसके मेल या फीमेल अडल्ट मेंबर को दे देंगे, और जिससे जिसको दिए उसकी क्या ले लेंगे? साइन। इजी। आ जाओ नेक्स्ट है। अगर प्लेंटिफ आया चिनित तो, प्लेंटिफ आया चिनित तो केस डिसमिस, डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी, डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी, एक्स पार्टी, डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स पार्टी? एक्स के साथ पार्टी करना इज एक्स पार्टी। हाँ, एक्स पार्टीज किसी एक पार्टी को सुनकर डिसीजन दे देना। एक्स पार्टीज एक पार्टी को सुनकर डिसीजन दे देना। अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो प्लेंटिव को सुनकर डिसीजन आ जाता है, दिस इज नोन एज एक्स पार्टी। अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो प्लेंटिव को सुन के कोर्ट डिसीजन दे देगा, इसे कहते हैं एक्स पार्टी। सो अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी, प्लेंटिव नहीं आया तो डिसमिस, दोनों नहीं आए तो भी डिसमिस, दोनों नहीं आए तो भी डिसमिस। कंफर्टेबल है क्या? अरे सभी लोग कंफर्टेबल है क्या? बर्ड्यू बताओ, प्लेंटिव नहीं आया तो डिसमिस, डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी, दोनों नहीं आए तो भी डिसमिस, दोनों नहीं आए तो भी डिसमिस। इजी है? चलिए आते ना सब आए, कैसा कर रही बेटा तू, सब आएगा ना बेटा आगे? चलिए आ जाओ, ध्यान देना। अगर से कोई रीजन है आपके पास सफिशिएंट, तो बाद में आप कोर्ट को सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकते हो। काहे के लिए बेटा? सेट असाइड। व्हाट डू यू मीन बाय सेट असाइड? कि भैया ये जो तुमने डिसीजन दिया हो इसको फाड़ के फेंक दो, इसे कहते हैं सेट असाइड। सेट असाइड मतलब ये डिसीजन को कैंसिल करो, इसे क्या कहते हैं? सेट असाइड। डिफेंडेंट या प्लेंटिफ जाएंगे और बोलेंगे, ए भाई जो तूने अपना डिसीजन दिया है, प्लेंटिव बोलेगा जो तूने डिसमिस किया है उसको सेट असाइड कर, प्लेंटिव बोलेगा। डिफेंडेंट जाएगा बोलेगा जो तूने एक्स पार्टी डिसीजन दिया उसको सेट असाइड कर। ये कब जाएंगे? जब आपके पास क्या हो? सफिशिएंट कॉज। क्या होगा बेटा? अगर सफिशिएंट कॉज, बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो, सेट असाइड के लिए जा सकते हैं? यस। सेट असाइड मतलब जो तुमने प्लेंटिव बोलेगा डिसमिस किया उसको कैंसिल कर, जो तुमने सेट असाइड किया उसको कैंसिल कर। ये लेकिन कब जाएंगे? अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो जाएंगे। यस और नो? अच्छा अगर मान लो डिफेंडेंट को समन इशू नहीं हुई तो सेकंड समन इशू करेंगे। क्या करेंगे? सेकंड समन इशू करेंगे। अच्छा मान लो समन इशू हुई थी बट टाइम नहीं मिला था सफिशिएंट डिफेंडेंट को आने का, तो हेयरिंग को पोस्टपोन करेंगे। क्या करेंगे? हेयरिंग को पोस्टपोन करेंगे। अगर डिफेंडेंट को समन इशू नहीं हुआ तो सेकंड समन इशू करेंगे। अगर समन इशू हुआ था बट डिफेंडेंट को आने का टाइम नहीं मिला तो पोस्टपोन करेंगे हेयरिंग को। क्या करेंगे? पोस्टपोन। क्या करेंगे हेयरिंग को? बड़ी पोस्टपोन। यस और नो? अच्छा अगर समन इशू नहीं हो पाया डिफेंडेंट को प्लेंटिव के कारण, तो प्लेंटिव विल बेयर द कॉस्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट। प्लेंटिव विल बेयर द कॉस्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट। इजी है क्या? सभी को समझ में आएगा यहां तक? बोलो हाँ या ना। चलो पूरा सुनते हैं, पूरा समझते हैं। प्लेंटिफ नहीं आया डिसमिस, डिफेंडेंट नहीं आया एक्स पार्टी, लेकिन सेट असाइड के लिए जा सकते हैं। हाँ कि ये जो तुमने डिसीजन दिया है इसको खत्म करो, अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो उसके लिए जा सकते हैं। अच्छा अगर डिफेंडेंट को समन इशू नहीं हुआ तो सेकंड समन, समन इशू हुआ था बट टाइम नहीं मिला था आने का तो पोस्टपोन द हेयरिंग। समन इशू नहीं हो पाया प्लेंटिफ के कारण, तो प्लेंटिफ विल बेयर द कॉस्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट। Plaintiff will bear the cost of adjournment. फिर से बोलो, what? Plaintiff will bear the cost of adjournment. Easy है? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, very good. सर अगर defendant की जगह वकील जा सकता है क्या? Yes, जा सकता है भावेश। Dismiss मतलब खत्म करना केस को। चलिए okay, wonderful. अच्छा मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा अगर defendant, ये question exam में पूछा हुआ है, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना ये exam में आया हुआ है दो बारी, कि defendant के against अगर एक्स पार्टी डिसीजन आता है, क्या आता है बड़ी? एक्स पार्टी डिसीजन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स पार्टी डिसीजन?
कि प्लेंटिफ को ओनली सुन के डिसीजन आ गया, डिफेंडेंट पहुंच नहीं पाया था, मत कर, डिफेंडेंट पहुंच नहीं पाया था तो प्लेंटिफ को सुन के क्या आ गया, डिसीजन आ गया, इसे क्या कहते हैं, एक्स पार्टी। ठीक है बड़ी, अगर एक्स पार्टी डिसीजन आ जाता है, अगर एक्स पार्टी डिसीजन आ जाता है तो डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी है, तो पहली रेमेडी वो अपील कर सकता है, क्या कर सकता है बड़ी, अपील। दूसरी रेमेडी वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है, रिव्यू मतलब उसी कोर्ट को बोलेगा अपना डिसीजन फिर से चेक करो, अपना डिसीजन फिर से चेक करो। या तो वो सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकता है, सेट असाइड मतलब कि जो तुमने डिसीजन दिया है उसको कैंसल करो, क्या करो, कैंसल। क्या क्या कर सकता है, अगर मान लो आपके अगेंस्ट केस हुआ आप जा नहीं पाए तो एक्स पार्टी डिक्री आ गई, प्लेंटिफ को सुनकर डिसीजन आ गया, तो तुम्हारे पास क्या रेमेडी है, अपील कर सकते हो, रिव्यू मतलब उसी कोर्ट को बोलना फिर से अपना डिसीजन चेक करो, तीसरा जो तुमने एक्स पार्टी डिसीजन दिया है उसको सेट असाइड करो, सेट असाइड मतलब उसको कैंसिल करो, फाड़ के फेंको अपने डिसीजन को, हाँ या ना। और या तो फिर तुम नया केस कर सकते हो, या तो तुम नया केस कर सकते हो प्लेंटिफ पे, अगर उसने एक्स पार्टी डिक्री फ्रॉड से लिया है, अगर उसने एक्स पार्टी डिक्री फ्रॉड से लिया है, अगर प्लेंटिफ ने एक्स पार्टी डिक्री फ्रॉड से लिया है, तुमको कमरे में बंद कर दिया था, आने ही नहीं दिया कोर्ट, ठीक है, कुछ भी फ्रॉड कर दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी करप्शन से कैसे भी फ्रॉड से एक्स पार्टी डिक्री लिया है, तो क्या कर सकते हो प्लेंटिफ में नया केस। अच्छा मैं बताऊं, तुम्हें समन इशू नहीं हो पाया था, इसके लिए केस कर सकते हो, नहीं, इसके लिए तुम ऊपर की तीन रेमेडी चुन सकते हो। अगर तुम्हें समन नहीं मिल पाया था, इसके लिए तुम ऊपर की तीन रेमेडी चुन सकते हो, केस करना सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब प्लेंटिफ ने फ्रॉड से एक्स पार्टी डिक्री अपने फेवर में ले लिया था। तो मैं बताऊं, डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर एक्स पार्टी डिक्री पास होती है तो चार डिफेंडेंट के पास रेमेडी है, कौन सी चार, अपील कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, सेट असाइड के लिए अप्लाई कर सकता है, और सूट कर सकता है अगर प्लेंटिफ ने एक्स पार्टी डिक्री फ्रॉड से ले लिया था। कैसे ले लिया था बड़ी, फ्रॉड से। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ में आ गया, बोलिए यस और नो, अरे बोलो यस और नो, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल बड़ी, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग सही जा रहे हैं, आई होप सो, सभी को आज होप सो ऑसम समझ में आ रहा है। घर पे एक ही काम करना होगा बस जाने के बाद, क्या, पूरा का पूरा आज ही कर लेने का, जल्दी हो जाएगा, बिलीव मी, जल्दी हो जाएगा, बिलीव मी और नॉट, जितना रोज कराऊंगा उतना पढ़ लो, बस मैं बोल रहा हूं, तुम लोग फोड़ोगे। उसके बाद जब पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, फिर जब थोड़े दिन बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, लेकिन उसके लिए घर पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है भाई, थोड़ा नहीं बहुत, ओके, नहीं तो थोड़ा में पढ़ लिए 5 मिनट बोले हो गया। आ जाओ नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना, नेक्स्ट है डिस्कवरी, इंट्रोगेटरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। चलो नेक्स्ट कौन सा बड़ी, डिस्कवरी, इंट्रोगेटरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो यार, अगर कोई टॉपिक बच भी जाते हैं टारगेट का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा रश नहीं करना है एकदम कि पढ़ खत्म करने के लिए करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, ठीक है, ठीक है जी। 1.5 का 2.25 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा कभी कभार, ठीक है, 2 भी बच जाए तो हर्ज की बात नहीं है कोई, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आ जाओ ध्यान देना, नाउ ध्यान देंगे डिस्कवरी, इंट्रोगेटरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। आ जाओ, तुम बोलोगे सर भूखे बिठाओगे क्या, आ जाओ नाउ ध्यान देंगे, क्या डिस्कवरी मतलब क्या होता है, खोज, डिस्कवरी मतलब खोज, डिस्कवरी मतलब क्या होता है बताइए, खोज, डिस्कवरी मतलब होता है खोज, खोज, डिस्कवरी मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, खोज, ठीक है, कोई चैप्टर स्किप नहीं होगा, मैं सारे कराऊंगा, ठीक है, आप सुनो मेरी बात, डिस्कवरी मतलब क्या होता है, खोजना, क्या करना, खोजना, कभी खोजे हो कोई चीज, क्या खोजे हो, हाँ, पेन, बहुत चीजें गुम जाती है, ऐसा ऐसा, चलिए ध्यान देना गाइस, कोर्ट जो है, हेलो पीपल, कोर्ट जो है मटेरियल फैक्ट्स को फाइंड आउट करता है, डॉक्यूमेंट्स को फाइंड आउट करता है डिस्प्यूट से, उसे कहते हैं डिस्कवरी, क्या कहते हैं उसे, डिस्कवरी। मैं कह रहा हूं मैंने आशीष सर को पैसे दे दिए, आशीष सर कह रहे हैं मुझे मिले ही नहीं है, मैं कह रहा हूं दे दिए, आशीष सर कह रहे मुझे मिले ही नहीं है, मैं कह रहा हूं दे दिए, आशीष सर कह रहे मुझे मिले ही नहीं है, एक विटनेस मिल गया जिसने ये बताया कि हाँ मैंने देखा था मोदी सर ने आशीष सर को पैसे दिए थे, सो व्हाट, डिस्कवरी, कोई कागज मिल जाना डिस्कवरी है, कोई फैक्ट्स का पता चल जाना डिस्कवरी है, डिस्प्यूट से जब भी कोई कागज मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, कोई फैक्ट्स पता चल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, डिस्कवरी। मेरे को बताओ डिस्कवरी से मेरे को बताओ पॉइंट्स नैरो होंगे कि वाइडर होंगे, नैरो होंगे, चीजें सिमटेगी, चीजें खत्म होएगी, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे नहीं, डिस्प्यूट्स खत्म होएंगे, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, नैरो, आप अपने केस को सपोर्ट कर सकते हो, हाँ या ना,
अगर आपने केस किया या आप पे केस हुआ, आप अपने केस को सपोर्ट कर सकते हो किस चीज से? डिस्कवरी. इट्स नथिंग मीन जस्ट एविडेंस. क्या ये एविडेंस नाम यहाँ पे हमने उसको डिस्कवरी दिया. इससे कुछ डॉक्यूमेंट पता चल रहे हैं, फैक्ट्स पता चल रहे हैं, डिस्प्यूट से, एडवर्सरी से, इससे पॉइंट्स नैरो होंगे. डिस्कवरी कहां से मिलेगी? तो पूछताछ से. डिस्कवरी कहां से होगी? पूछताछ से. उसे कहते हैं इंट्रोगेटरी. क्या कहते हैं बड़ी? इंट्रोगेटरी. तो इंट्रोगेटरी से क्या डिस्कवरी होगी? नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पढ़ लीजिए. पर सो इंट्रोगेटरी से डिस्कवरी होगी, यस. और दूसरा डॉक्यूमेंट से डिस्कवरी होगी. लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट में कभी देना अलाउड ही नहीं है. कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट में कभी देना अलाउड ही नहीं है. ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके अगेंस्ट हो, आप कभी नहीं दोगे. वो दोगे? और वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि यू आर नॉट टू स्टेट एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट यू. अब ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आप अपने आप को बचाने के लिए बनती कोशिश कर सकते हो. तो जो एविडेंस आपके अगेंस्ट है आप बिल्कुल ना दो, चलेगा. अपने आप को बचाने के लिए बनती कोशिश कर सकते हो. मेरे को बताओ मेरे और लॉयर की क्या बात हुई है? कभी देंगे कोर्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसी कोई चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है, देंगे कभी कोर्ट में? नहीं. जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक डेंजरस केमिकल है, मैं कोर्ट लेके आ गया और जज साहब पे छिड़क दिया. देखो जज साहब, जज साहब देखो, देखो जज साहब, डेंजरस केमिकल ये है क्या? डेंजरस आप बताओ. जज साहब वहीं लुढ़क गए. ऐसी ऐसी चीजें कभी कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं होगी. कोई भी ऐसे दस्तावेज, कोई भी चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जो आपकी और लॉयर की एडवाइस है, ठीक है, और आपका खुद का एविडेंस है, ठीक है, या फिर कोई चीज आपके पास है ही नहीं, तो कहां से डिस्क्लोज करोगे? जो आपके पास है ही नहीं वो डिस्क्लोज कर सकते हो क्या? अबे जो है ही नहीं वो कहां से लाओगे? हाँ, यस और नो, समझ लो. जो है वही दिखा सकते हो ना, जो नहीं है वो कैसे दिखा सकते हो? तो चार चीजें कभी नहीं दिखा सकते, मतलब कभी दिखाएंगे नहीं कोर्ट में. क्या? एक तो जो आपके अगेंस्ट जाती हो, दूसरा आपके और लॉयर की बातें, तीसरा जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है, और चौथा जो आपकी पोजेशन में नहीं है. जो आपकी पोजेशन में नहीं है, बोलो, जो आपकी पोजेशन में नहीं है. अरे बोलो हाँ या ना. अरे यस सर नो. इजी है क्या? अरे बोलो यस सर नो. बड़ी चार चीजें कभी नहीं दिखाएंगे. बोलो कौन करती? एक तो पार्टी का खुद का एविडेंस, दूसरा जो जो बेसिकली प्रोफेशनल प्रिविलेज के अगेंस्ट है, आपकी जो लॉयर की बात हुई है, तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, चौथा जिसका पोजीशन आपके पास है ही नहीं. इजी. अच्छा, नेक्स्ट होता है एडमिशन. एडमिशन मतलब कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना. जब आप कोई चीज एक्सेप्ट कर लेते हो उसे कहते हैं एडमिशन. मेरे से पूछा क्या तुम चोर हो? मैंने कहा हाँ मैं चोर हूं. इसे क्या कहते हैं? एडमिशन. क्या तुमने उसे डिफेम किया था? मैंने कहा हाँ मैंने किया था. इसे क्या कहते हैं? एडमिशन. क्या तुम्हारे पास पैसे थे उस रात को? मैंने कहा हाँ थे. इसे क्या कहते हैं? एडमिशन. एडमिशन मीन्स नथिंग बट टू एक्सेप्ट. एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई मैं ही छू कल्प्रिट, मैं ही हूं चोर. इसे कहते हैं एडमिशन. ये आप कैसे भी कर सकते हो, पूछताछ मतलब इंट्रोगेटरी से कर सकते हो, अग्रीमेंट से कर सकते हो, नोटिस देके कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो. आसान है? चलो, इजी, वंडरफुल, क्वाइट इजी. आ जाओ, आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इश्यूज. ये सब थोड़े रेसिडुअल टॉपिक्स हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं चल रहे हैं अभी, फ्रेंकली स्पीकिंग. चलो इश्यूज पे बाद में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं अभी. इश्यूज, एफिडेविट, जजमेंट, ये बाद में करेंगे. अभी करते हैं अपील. क्या करते हैं अभी? अपील. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं, फिर ये रेसिडुअल टॉपिक्स को लास्ट में करा दूंगा. अब करते हैं अपील. क्या करना है बड़ी? अपील, वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है अपील इस बार पक्का आएगा भाई. दो अटेम्प्ट से नहीं आया है. मेरे को बहुत गट फीलिंग थी पुराने दो अटेम्प्ट में आएगा, नहीं आया. आपके अटेम्प्ट में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आए, उछल रहा है आने के लिए. टॉपिक उछल रहा है, ये ईगरनेस बढ़ गई है इसकी आने के लिए, ठीक है. और ये ऐसा टॉपिक है 8 नंबर के लिए भी आ सकता है. टाइप्स ऑफ अपील, यस, ध्यान देना बड़ी. टाइप्स ऑफ अपील, अपील जो है बड़ी, ध्यान देना. इसमें सबसे पहला आता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री. क्या होता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री? ध्यान से सुनना सारे. व्हाट डू यू मीन बाय अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री? पहली अपील करना इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री. मैं पहले गया था स्मॉल कॉस कोर्ट, वहां हार गया, तो मैं किधर गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट. इसे कहते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री. पहली बार जाना अपील करने में, मम्मी ने पार्टी के लिए मना कर दी तो पापा के पास गया. अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री. क्या ये अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री? ये तभी पॉसिबल है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो. क्या हो बेटा? क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानून की बात हो, कि कानून क्लियर नहीं है, कानून क्या है पता नहीं है, कानून में दिक्कत है, या इस पे कोई ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे कानून ही नहीं है, ठीक है. सो ऐसे टॉपिक जाते हैं जनरली अपील पे. ऐसे कहते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री हमेशा सुपीरियर कोर्ट में जाएगा. किस पे जाएगा बेटा? सुपीरियर कोर्ट. अच्छा, कोई भी डिसीजन अगर दोनों पार्टी की कंसेंट से आया था, इस पे अपील पॉसिबल ही नहीं है. अगर कोई निर्णय दोनों पार्टी की मर्जी से आया था तो इस पे अपील नहीं हो सकती. तो इस पे अपील हो सकती है क्या? नहीं.
इस पे अपील ही नहीं हो सकती, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। इजी है क्या बॉडी? अरे बोलो यस और नो बॉडी। चलो गुड। सो ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री क्या होती है? द फर्स्ट टाइम यू अपील फ्रॉम द डिसीजन इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, है ना जी। आप क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट से कहां गए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कब होता है? जब क्या इन्वॉल्व हो? क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर कोई डिसीजन दोनों पार्टी की मर्जी से आया था, क्या अपील हो सकती है? नो। अगर कोई डिसीजन दोनों पार्टी की मर्जी से आया था तो अपील हो ही नहीं सकती। इजी है, आसान है। अच्छा, सेकंड अपील ऑलवेज लाई टू हाई कोर्ट। सेकंड अपील ऑलवेज लाई टू हाई कोर्ट वेयर देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, वेयर देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब सुनना, मैं स्मॉल कॉस्ट कोर्ट में गया, हार गया, तो मैं कहां गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये क्या थी? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। यहां भी हार गया तो गया हाई कोर्ट। ये क्या है? सेकंड अपील। ये क्या है? सेकंड अपील। समझ रहे? स्मॉल कॉस्ट कोर्ट में गया, हार गया, तो मैं किधर गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये क्या है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इधर भी हार गया तो गया हाई कोर्ट, तो ये क्या है? सेकंड अपील। इजी। अब सुनना, इजी, अब सुनना। मैं डायरेक्टली गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस करने, मैं डायरेक्टली गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस करने और हार गया, अब जा रहा हूं हाई कोर्ट, तो इट्स अ अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री और इट्स अ सेकंड अपील। समझो बात को। मैंने कहा था, मैंने क्या किया, मैं कहां गया? डायरेक्टली किधर गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहां हार गया, और मैं अब जा रहा हूं हाई कोर्ट, तो ये अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री होगी सेकंड अपील। तो यहां पे अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री और सेकंड अपील एक हो जाएगी। यहां पे क्या होगा? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री और सेकंड अपील एक ही हो जाएगी। कोई भी नाम ले सकते हो आप, बात समझ रहे हो। जनरली सेकंड अपील हाई कोर्ट में ही जाती है, हाई कोर्ट के ऊपर वो सेकंड अपील होता है ही नहीं, उसको सीधा बोलते हैं अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सेकंड अपील ऑलवेज लाई टू हाई कोर्ट, सेकंड अपील ऑलवेज लाई टू हाई कोर्ट। बात समझ रही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। एक बार फिर से समझाता हूं, मैं स्मॉल कॉस्ट कोर्ट में गया, हार गया तो किधर गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसे क्या कहते हैं? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इधर भी हार गया तो किधर गया? हाई कोर्ट। इसे क्या कहते हैं? सेकंड अपील। बात समझ रही है? अरे हाँ या ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था केस करने, वहां हार गया और हाई कोर्ट जा रहा हूं, तो दो डिक्री एक हो गई, सेकंड मतलब कि दो अपील एक हो गई। कौन सी? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री और सेकंड अपील। सभी को भेजे में गई क्या ये बात? सभी को भेजे में गई क्या ये बात? यस और नो? वंडरफुल। नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट ऑर्डर। ऑर्डर अपीलेबल? थतना है ही नहीं अपीलेबल। ऑर्डर कभी भी अपीलेबल है ही नहीं जब तक अलाउ ना किया जाए, जब तक अलाउ ना किया जाए। ऑर्डर आर नॉट अपीलेबल जब तक अलाउ ना किया जाए। ऑर्डर अपीलेबल है ही नहीं जब तक अलाउ ना किया जाए। लेकिन चार केसेस में ऑर्डर अपीलेबल है, सिर्फ और सिर्फ चार केसेस में ऑर्डर अपीलेबल है। ओनली एंड ओनली कितने केसेस में ऑर्डर अपीलेबल है? चार। पहला, ऐसा ऑर्डर जो तुम्हें केस करने से रोकता हो, ऐसे ऑर्डर में अपील हो सकती है। ऑर्डर विच रिफ्यूज टू इंस्टीट्यूट अ सूट, ऐसा ऑर्डर जो आपको केस करने से रोकता हो उसमें अपील हो सकती है। ऐसा ऑर्डर जो आप पे इंजंक्शन लगाता हो, इंजंक्शन मतलब रोक लगाता है इनसफिशियंट ग्राउंड्स पे, मतलब सॉरी, ऐसा ऑर्डर जो आप पे कॉम्पनसेशन लगाता है, आप मांगने गए थे इंजंक्शन कोर्ट के पास और कोर्ट ने क्या लगा दिया आप पे? कॉम्पनसेशन, वो भी इनसफिशियंट ग्राउंड पे। ऐसे ऑर्डर अपीलेबल, ऐसे ऑर्डर अपीलेबल है। जैसे मान लो मैं कोर्ट क्यों गया था कि कोर्ट इसको इंजंक्शन लगाओ, कोर्ट ने बोला अबे तेरे तू ही कॉम्पनसेशन भर, इनसफिशियंट ग्राउंड पे कोर्ट मेरे से ही कॉम्पनसेशन मांग रहा है, तो क्या ऐसे ऑर्डर अपीलेबल है? यस। ऐसे ऑर्डर जो आप पे फाइन लगाते हैं, आप पे अरेस्ट लगाते हैं, मतलब आपको जेल हो रही है जिस ऑर्डर से, जिससे ऑर्डर से आपको फाइन लग रहा है, क्या ऐसे ऑर्डर भी अपीलेबल है? यस। और ऐसे ऑर्डर जो ऑर्डर 43 रूल 1 में है, कहां पे है? ऑर्डर 43 रूल 1, ऐसे ऑर्डर अपीलेबल है। इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, भगवान का शुक्र मानो कि वो लिस्ट आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। सो चार केसेस में ऑर्डर अपीलेबल है। कौन से केस में ऑर्डर अपीलेबल है? चार। कौन से चार? ऐसे ऑर्डर जो आपको केस करने से रोकते हैं, ऐसे ऑर्डर जो आप पे कॉम्पनसेशन लगाते हैं इनसफिशियंट ग्राउंड पे, ऐसे ऑर्डर जिसमें आपको फाइन लग रही है या अरेस्ट हो रहे हो, और सारे ऑर्डर जो ऑर्डर 43 रूल 1 में है, ऐसे सारे के सारे ऑर्डर के अपीलेबल है। आंसर इज यस, सारे के सारे ऑर्डर अपीलेबल है। वैसे तो ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, लेकिन चार केसेस में ऑर्डर अपीलेबल है। कौन से केस में ऑर्डर अपीलेबल है? ऐसे ऑर्डर जो केस करने से रोकते हैं, उसके बाद में ऐसे ऑर्डर जो आप पे क्या लगाते हैं? कॉम्पनसेशन इनसफिशियंट ग्राउंड पे। उसके बाद ऐसे ऑर्डर जो आप पे फाइन या अरेस्ट लगाते हैं,
और ऐसे ऑर्डर जो ऑर्डर 43 रूल 1 में, एक बार फिर से बोल दो, ऐसे ऑर्डर जो आपको केस करने से रोकते हैं, ऐसे ऑर्डर जो आप पे कॉम्पनसेशन लगाते हैं इनसफिशिएंट ग्राउंड, ऑर्डर जिससे आपको फाइन या अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर इम्पोजिंग फाइन और डिटेंशन और अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और ऑर्डर सेट आउट इन ऑर्डर 43 रूल 1. कंफर्टेबल सभी लोग, बोलो हाँ या ना. चलिए ओके पीपल, ये कौन आया बे, बेस्ट कैम्स डॉट फन हॉट गर्ल्स एंड बॉयज वीडियो चैट. बेटा रात में आना तू. चलिए ओके, आ जाइए ना, ध्यान देंगे पीपल. नेक्स्ट है अपील टू सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्या, अपील टू सुप्रीम कोर्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, कि डायरेक्टली कहां जाएंगे, डायरेक्टली नहीं, अपील करने कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट. तो अपील सुप्रीम कोर्ट करने कब जा सकते हैं, मान लो मैंने केस किया था सिविल कोर्ट में, कब कहां केस किया था, सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट बोल रहा है ए मुन्ना ए बबुआ तेरा तो मैटर क्या मैटर है बेटा, ऐसा मैटर तू मेरे पास लेके आया, ए मैं इस लायक तूने मेरे को समझा यही बहुत है, ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल परमिशन लेके सीधा मामले को कहां भेज दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सीधा मामले को कहां भेज दिया जाएगा बड़ी, सुप्रीम कोर्ट. हमारे वन एंड ओनली का कॉल आ रहा है, कौन हो सकते हैं, आशीष सर, हाँ जी सर, हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ चलेगा, ठीक है ना, चलिए भाई ओके ना, ध्यान देना बड़ी ओके. हेलो हेलो, अरे सुनो तो ढोंडू, सुनो तो ढोंडू, आओ तो ढोंडू, चलिए ना ध्यान देना. चलिए सो यस, सुप्रीम कोर्ट में कब अपील कर सकते हैं बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कब अपील कर सकते हैं बताओ ना, बता नहीं रहे हो तुम लोग, जब सिविल कोर्ट में गए थे लेकिन सिविल कोर्ट ने बोला कि भाई तूने गलत जगह आ गया तू, ये मैटर तो कहां जाना चाहिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट. सो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट ना जाके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान है, अगर सुप्रीम कोर्ट की क्या ले ली जाए, स्पेशल लीव, क्या ले ली जाए, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव, मतलब छलांग लगाओगे तुम, मतलब सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं जाओगे, सीधा कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को स्किप कर दोगे, हाई कोर्ट को क्या कर दोगे, स्किप. लेकिन इसके लिए किसकी परमिशन लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव, मतलब उसकी परमिशन लेना पड़ेगा. अच्छा, हाई कोर्ट ने कोई ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दिया था, क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यस. हाई कोर्ट ने क्या दिया था, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर, काय में दिया था बेटा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. व्हाट डू मीन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, व्हाट डू मीन बाय ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अरे बोलो हाँ या ना. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि उसके पास डायरेक्टली मैटर आया था और उसने कोई डिसीजन दिया था और तुम उससे खुश नहीं हो तो कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, हाई कोर्ट ने कोई एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दिया था, व्हाट डू मीन बाय एपीलेट, हाई कोर्ट के पास अपील हुई थी, तुम वहां भी खुश नहीं हो तो कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट. मतलब सुप्रीम कोर्ट तीन केसेस में जा सकते हैं, देखो भाई सिंपल है. हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दिया, नहीं हम खुश, सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट ने एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दिया, नहीं हम खुश, सुप्रीम कोर्ट. सर ये समझ नहीं आ रहा, हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट कैसे, समझ नहीं आ रहा. देखो सिंपल है, तीन केस हैं, कितने केस हैं, तीन केस हैं. पहला केस कौन सा है, सिविल कोर्ट से डायरेक्ट कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की खुद की परमिशन लेके. हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ, दो केस में, एक तो हाई कोर्ट ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दिया और एक हाई कोर्ट ने एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दिया. दोनों में फर्क क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर दिया मतलब डायरेक्टली कोई मामला लिया था और ऑर्डर दिया, ठीक है, तो अपील करने कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, हाई कोर्ट के पास खुद अपील आई थी तो वो क्या एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, और उसने ऑर्डर दिया था, वहां भी खुश नहीं है तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट. इजी है क्या, अरे यस और नो, बहुत बढ़िया, ओके बड़ी वंडरफुल बेबी. चलिए ओके, चलो आ जाओ. ये नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स आपको बेटा मिल जाएंगे, एक टेलीग्राम के दो ग्रुप होंगे इसमें, वो दोनों ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, डिस्क्रिप्शन में, अभी नहीं बाद में हुए तो भी चलेगा. टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक होगी, टेलीग्राम में ऐड हो ही जाना, एक एफएम की होगी और एक होगी नॉर्मल इसकी. आशीष सर भी 20 तारीख से चालू करने वाले हैं एफएम का रिवीजन, ठीक है, इसके लिए एफएम वाले ग्रुप में भी हो जाना है और बाकी का एक नॉर्मल ग्रुप है वहां हो जाना है. वहां आपको नोट्स, समरी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब मिलेंगे, तो उसकी आप लोग को टेंशन लेने का नको. अब ध्यान से सुनना पीपल, आ जाओ सुनिए सभी लोग, अब सुप्रीम कोर्ट कब कब जाना है आपने देख लिया, अब ध्यान देना बड़ी, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात बड़ी, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात. क्या जब हम अपील करने जाते हैं तो एक्स्ट्रा एडिशनल एविडेंस लेके जा सकते हैं,
क्या जब हम अपील करने जाते हैं तो एडिशनल एविडेंस लेके जा सकते हैं? बोलो हाँ या ना। अरे लेके जा सकते हैं क्या सर? लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज नॉट प्रोवाइडेड। नहीं है क्या लिंक? मैं देखता हूँ, चलो दिलवाता हूँ मैं। मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए, बट नहीं है तो मैं देखता हूँ। सर गूगल पर भी नोट्स है ना सर? आई डोंट नो यार, आई हैव टू चेक। अभी डिस्कस करते हैं लेक्चर के एंड में, वी हैव टू डू इट राइट नाउ दिस थिंग। नाउ ध्यान देंगे, क्या अपील करते समय हम एडिशनल एविडेंस लेके जा सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। क्या हम अपील करते समय एडिशनल एविडेंस लेके जा सकते हैं? तो आंसर इज नो। यस यस यस, आंसर इज नो। आंसर इज व्हाट? नो। अपील करते समय एडिशनल एविडेंस नहीं लेके जा सकते, सिर्फ तीन केसेस में लेके जा सकते हैं बस। जब आप अपील करते हैं तो एडिशनल एविडेंस लेके जा सकते हैं? आंसर इज नो। सिर्फ तीन केसेस में लेके जा सकते हैं, सिर्फ तीन केसेस में। वैसे तो आप जब अपील करते हैं तो एडिशनल एविडेंस नहीं ले जा सकते, जनरली इट्स आंसर इज नो, बट इसके एक्सेप्शंस हैं कब ले जा सकते हैं। पहला, वेयर लोअर कोर्ट रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड। लोअर कोर्ट ने ऐसे एविडेंस लेने से मना कर दिया जो लिया जाना चाहिए था। लोअर कोर्ट ने ऐसे एविडेंस लेने से मना कर दिया जो लिया जाना चाहिए था। यार क्वेश्चन ये था कि मैंने आशीष सर को पैसे दिए कि नहीं दिए। मैं कोर्ट बोल रहा था देखो मेरा बैंक ट्रांसफर, देखो मेरी स्टेटमेंट देखो। लोअर कोर्ट बोला नहीं देखता और डिसीजन मेरे खिलाफ दे दिया। ये लिया जाना चाहिए था एविडेंस। हाँ, तो ये एविडेंस मैं क्या अपील में ले जा सकता हूं? यस, विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड। दूसरा, जो एपिलेट कोर्ट बोल दे कि मेरे को देखना है, वो तो ले जाएंगे ही। एपिलेट कोर्ट बोल दे कि मेरे को ये दे, एपिलेट कोर्ट बोल दे विटनेस को बुलाओ, एपिलेट कोर्ट बोल दे वो कागज लेके आओ, उसको जजमेंट देने के लिए देखना है, तो भैया वो तो लेके ही जाएंगे। और जो भी अगर सब्सटेंशियल कॉज हो, कोई रीजन हो, तो आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। वैसे तो जब आप अपील करोगे तो एक्स्ट्रा एविडेंस लेके जा सकते हो क्या? नहीं। जब आप अपील करोगे तो एक्स्ट्रा एविडेंस लेके नहीं जा सकते, सिर्फ तीन केसेस में एक्स्ट्रा एविडेंस लेके जा सकते हैं। वो कौन से तीन केस हैं? जब लोअर कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट लेने से मना कर दिया जो लिया जाना चाहिए था। लोअर कोर्ट हैज रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड। विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड, विच बॉडी? Ought to have been admitted. ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। देखो एकदम सिंपल है, लोअर कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेकन वन एविडेंस विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड, दैट कैन बी टेकन इन अ एपिलेट कोर्ट। सेकेंड, विच एपिलेट कोर्ट हिमसेल्फ आस्क, दैट यू कैन ऑब्वियसली प्रोवाइड। विच एपिलेट कोर्ट हिमसेल्फ आस्क एनी फॉर एनी डॉक्यूमेंट फॉर एनी विटनेस टू प्रोनाउंस जजमेंट, ऑब्वियसली वो तो देना ही पड़ेगा ना। और लास्ट है, कोई सब्सटेंशियल रीजन है, सब्सटेंशियल कॉज है। तो कंफर्टेबल एवरीवन? इजी छे सभी को? ओके बाड़ी। जब एपिलेट जजमेंट आएगा तो उसमें चार चीजें होती है। जब एपिलेट जजमेंट आएगा तो उसमें कितनी चीजें होती है बड़ी? चार। ठीक है, एपिलेट जजमेंट जब आएगा तो उसमें चार चीजें होती है। देखो आज ₹100 किसी ने चैट रिवेन्यू में भेजे, क्या बात है भाई, धन्य होगा भाई हम ₹100 से। मतलब मेरे को इतनी बड़ी रकम का मैं कहां रखूं सोच रहा हूं मैं, इतनी बड़ी रकम बकवास करा लो तुम्हारे से बस। अभी ध्यान दो इधर, पानी पूरी खाएगी तू? हाँ क्या? चलिए अभी ध्यान देना पीपल। ओके, ये क्या करती है मालूम क्या? ऐसी रास्ते में भैया के पास जाती है, एक सूखी दो ना, ऐसी ऐसे ही ऐसी तो है ये। रास्ते में कहीं भी जाते हुए सूखी सूखी मांगते मांगते नहीं देते, और जिसमें भी बोल रहे नहीं देते। छी क्या परीक्षा यार तू भी। अभी ध्यान देंगे पीपल, आ जाइए ना। एपिलेट जजमेंट जो है, जब आप अपील करोगे तो उसमें चार चीजें लिखी रहेगी। जब अपील में जजमेंट आएगा तो उसमें चार चीजें लिखी रहेगी। बताओ कितनी चीज लिखी रहेगी? चार। चार चीजें लिखी रहेगी। वंस मोर, कितनी चीज लिखी रहेगी बड़ी? चार। कौन सी चार चीज लिखी रहेगी? ध्यान देना, एक तो पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। बोलो क्या लिखी रहेगा? पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन? कि पार्टीज क्या कह रही है, पार्टीज क्या कह रही है। दूसरा, डिसीजन क्या आया। दूसरा क्या? डिसीजन क्या आया। तीसरा, डिसीजन का रीजन क्या है, डिसीजन का रीजन क्या है। और एपिलेट कोर्ट ने क्या चेंज किया पुराने डिसीजन में, पुराने डिसीजन से क्या चीजें चेंज हुई। चार चीजें रहेगी किसमें बेटा? एपिलेट जजमेंट में। किस एपिलेट जजमेंट में कितनी चीज रहेगी? चार। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन पार्टी का कह रही है, डिसीजन क्या है, डिसीजन का रीजन क्या है, और क्या, और क्या बेटा, क्या चेंज आया पुराने डिसीजन से, क्या चेंज आया? वही है, चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, कैंसल हुआ, क्या हुआ। तो चार चीज रहेगी, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन, रीजन फॉर डिसीजन, एंड व्हाट डिक्री हैज बीन रिवाइज और इट हैज बीन वेराइड, व्हाट रिलीफ हैज बीन गिवन, इट विल बी रिटन इन एपिलेट जजमेंट। क्या रहेगा? पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन,
रीजन फॉर डिसीजन एंड व्हाट हैज बीन चेंज्ड, दैट्स इट। चलिए लास्ट नहीं है ये, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। इस बार ये भी आएगा, इस बार ये भी देख लो आएगा, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन आएगा पक्का। तुम्हें पता है हमारी सलवार सूट की शॉप है, तुम्हें पता है हम मेरी सलवार सूट की शॉप है मेरे पापा की, है ना जी। तो क्या हुआ, एक बार एक आंटी आई दुकान में, तो आंटी कहती है मेरे को कि भैया लाल वाला दिखाओ, बोला देखिए लाल वाला देखिए, बोले इसका बैक दिखाओ, तो बैक दिखाया, भैया इसी में अलग कलर पहन के दिखाओ, नहीं बोली थी। अब फिर उसके बाद में कि इसी का कोई दूसरा डिज़ाइन दिखाओ, दूसरा डिज़ाइन दिखा, इसी डिज़ाइन में दूसरा कलर वो दिखाया। फिर बोलती है नहीं वो वाला लेफ्ट से साइड में जो राइट है उसका डिज़ाइन का अलग पार्ट, उसके नीचे जो कुर्ती है कुर्ती के नीचे डिज़ाइन वाला जो उसका वाला जो वर्क है एम्ब्रॉयडरी इसमें ऐसी होनी चाहिए, वो दिखाओ वो दिखाया, नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो उसके साइड का कलर ग्रे कलर, इसमें ब्लू कलर, इसमें सब दिखा दिया। लेकिन वो आंटी संभल ही नहीं रही थी मेरे से, तो मैंने बोला पापा, मैंने बोला पापा ये मेरे से संभल रही नहीं है, इस आंटी को कौन संभालो, आप संभालो पापा। तो मैंने पापा को क्या कर दिया, मामला रेफर कर दिया। क्या कर दिया, मामला रेफर। इसे कहते हैं रेफरेंस। क्या कहते हैं इसे, रेफरेंस। जब कोई मामला लोअर कोर्ट से नहीं संभलता तो लोअर कोर्ट क्या कर देता है, मामले को हायर कोर्ट को रेफरेंस के लिए देता है। काय के लिए देता है बेटा, रेफरेंस। फिर से लो, काय के लिए देता है, रेफरेंस। नाउ व्हाट इज रेफरेंस, ध्यान देना, रेफरेंस इज वेरी सिंपल, कि जब कोई मामला लोअर कोर्ट से नहीं संभलता, किससे नहीं संभलता बॉडी, लोअर कोर्ट। जब कोई मामला लोअर कोर्ट से नहीं संभलता तो लोअर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट क्या करता है बॉडी, हाँ लोअर कोर्ट क्या करता है, हायर कोर्ट को वो मामला रेफरेंस के लिए दे देता है। इसे कहते हैं बेटा रेफरेंस। क्या होता है सुनिएगा, कि यार क्या होता है ना, रेफरेंस है 113। क्या बेटा, 113 इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस टू हाई कोर्ट मींस व्हाइल गिविंग एनी जजमेंट और बिफोर जजमेंट इफ एनी कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट ही शुड टेक एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से ओपिनियन मांग लिया जाता है कि हाई कोर्ट आप क्या करोगे बताओ, आप क्या कहना चाहोगे, और हाई कोर्ट जो कहता है जो उसको ठीक लगता है हाई कोर्ट फिर अपना अपनी बात सामने रखता है। तो मामले को रेफर कर दिया जाता है फॉर ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट, इसे कहते हैं रेफरेंस, सेक्शन 113। बोलो क्या, सेक्शन 113। वंस मोर, सेक्शन कौन सा है, 113। क्या कहता है, एकदम सिंपल है, कि बिफोर गिविंग जजमेंट एनी मैटर कैन बी टेकन अप फॉर ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल हिव हिज ऑर्डर और डिसीजन एज ही थिंग्स फिट, कि जैसा वो देना चाहे वो देगा। तो रेफरेंस मतलब हो क्या रहा है, आपको कोई चीज नहीं समझ रही है तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर वाले से सहायता मांग रहे हो, है ना। आपको कोई चीज नहीं समझ रही तो क्या कर रहे हो, आप ऊपर वाले से सहायता मांग रहे हो कि आप अपना ओपिनियन दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं समझ रही कोई चीज तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रहा है, हाईकोर्ट को क्या कह रहा है, कि क्या कह रहा है बेटा, कि तुम एडवाइस दीजिए इसमें। ऋषि का कहती है डॉक्टर ऑल्सो प्रोवाइड रेफरेंसेस, हाँ वही कि रेफर कर देते हैं मामला, डॉक्टर करते ही हैं आजकल बहुत सारे, जब सीरियस मैटर होता है तो इधर से उधर रेफर, उधर से उधर रेफर। अरे हाँ या ना, अरे यस और नो, जैसे कई सारे टीचर जेआईजेएल एसबीसी के स्टूडेंट मेरे पास रेफर कर देते हैं उस प्रकार से। अभी ध्यान देंगे एवरीवन, ओके नाउ ध्यान देना, रेफरेंस मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस, व्हाट इज मीन बाय रेफरेंस बताओ, मतलब समझ रहे, रेफरेंस मतलब कि यार एकदम सिंपल है, लोअर कोर्ट से कोई मामला नहीं समझ रहा या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं क्या करना है, सो दे टेक अप हाई कोर्ट्स ओपिनियन एंड हाई कोर्ट विल देन गिव अ डिसीजन एज दे थिंक फिट। व्हाट सेक्शन कौन सा है, 113, वंडरफुल। नेक्स्ट है 114 रिव्यू। नेक्स्ट कौन सा है, 114 रिव्यू। रिव्यू मतलब अपना फिर से देखो, रिव्यू मतलब अपना फिर से देखो डिसीजन। रिव्यू मतलब क्या होता है बताइए, अपना फिर से देखो व्हाट, अरे बोलो ना, डिसीजन। अपना फिर से देखो क्या बेटा, डिसीजन, अपना फिर से देखिए डिसीजन। इसे कहते हैं रिव्यू। क्या कहते हैं बड़ी इसे, रिव्यू। अपना फिर से क्या देख रहा है, डिसीजन देखना है, तू क्या बोल रही थी, डिसीजन देखना है। जनरली रिव्यू वही कोर्ट में जाता है और वही जज के पास जाता है जिस जज ने जजमेंट दिया, लेकिन किसी कारण से वो जज नहीं है, जैसे वो मर गया है या रिटायर हो गया, तो फिर किसी और जज के पास जाता है। अदरवाइज रिव्यू हमेशा उसी जज के पास जाता है, उसी कोर्ट में जाता है। रिव्यू के लिए कब कोई व्यक्ति कब जाएगा, जब कोई ऐसा एविडेंस सामने आ गया जो उस समय नहीं था, कोई ऐसा एविडेंस सामने आ गया जो उस समय नहीं था, ऐसा एविडेंस सामने आ गया जो उस समय बेटा नहीं था। जैसे कि मान लीजिए मेरी दिशा पटानी के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, क्या था मेरा दिशा पटानी के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैं कोर्ट गया, मैंने कहा देखो मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, छोड़ के जा रही है वो माय लॉर्ड, छोड़ के जा रही है माय लॉर्ड दिशा पटानी, मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है।
ऋषभ अडानी ने आके प्रूव कर दिया ऐसा कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। लेकिन बाद में एडिशनल एविडेंस सामने आ गए हमारी स्क्रीनशॉट्स। क्या सामने आ गए? हमारे स्क्रीनशॉट्स, ईमेल में बातें, वो एडिशनल एविडेंस आ गया। क्या आ गया? एडिशनल एविडेंस लेके जाऊंगा और कोर्ट को बोलूंगा, कोर्ट अपना फिर से देखो क्या डिसीजन, अपना फिर से देखो डिसीजन। इसे कहते हैं रिव्यू। ये कब होगा? जब एडिशनल एविडेंस सामने आएंगे। क्या आएंगे बेटा? एडिशनल एविडेंस, या कोर्ट की कोई मिस्टेक समझ आ जाएगी। क्या समझ आएगी? कोर्ट की कोई मिस्टेक, या फिर कोई रीजन है, या फिर कोर्ट क्या है? रीजन। तीन केसेस में क्या होगा बताइए? रिव्यू के लिए आप जाएंगे, या तो फिर एडिशनल एविडेंस आ गए, या तो फिर कोई मिस्टेक है, एरर है, या तो कोई मिस्टेक है, एरर है, या तो फिर कोई रीजन है, कोई ना कोई रीजन है। रिव्यू इज रिव्यू मतलब इन केस ऑफ अ रिव्यू यू अप्लाई टू सेम कोर्ट दैट ही शुड रिव्यू हिज डिसीजन, दैट ही शुड रिव्यू हिज डिसीजन, हिज जजमेंट, है ना। और ये हमेशा हम कब जाएंगे? व्हेन देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ एडिशनल फैक्ट्स, है ना। और या फिर कब जाएंगे? वेयर देयर इज अ सम मिस्टेक, एरर, अपेरेंट, सामने सामने दिख रहा है। या फिर कब जाएंगे? देयर इज अ सफिशिएंट रीजन। ये क्या है? सफिशिएंट कोई रीजन। अरे बोलो हाँ या ना। हर्ष कहता है जज टाइगर होगा, हो गया उनका ब्रेकअप। चलिए ठीक है, जजमेंट ऑब्वियसली जजमेंट के बाद रिव्यू के लिए जाएंगे। जजमेंट क्या? हाँ वही कह रहा था ना। चलिए ओके, नेक्स्ट है रिविजन। नेक्स्ट क्या बड़ी? रिविजन। नाउ व्हाट इज रिविजन? सर जो हम कर रहे हैं वो रिवीजन है? ऐसा नहीं है। रिवीजन क्या होता है? जब अपील नहीं हो सकती तो रिवीजन होता है, जब अपील नहीं हो सकती तो रिवीजन होता है। सर मतलब मान लो किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं थी। ले जजमेंट तो दे दिया, जुरिसडिक्शन थी नहीं। मैंने ऐसी बात हो गई तो मैंने टैक्स पढ़ा दिया, आता था नहीं, ठीक है। मतलब आता है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, ही क्या, बहुत ईजी है। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी ध्यान देना बड़ी। ओके, प्रैक्टिकल में अपने थोड़े से ना हाथ टाइट है, अभी ध्यान देना पीपल। एनीवे नाउ ध्यान देना बड़ी, रिवीजन क्या है? व्हाट इज रिवीजन? समझिएगा, ठीक है। रिवीजन क्या है बड़ी? ध्यान से सुनना सारे, कि यार ठीक है, किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया बट उसकी जुरिसडिक्शन थी क्या? ना, उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं थी। जजमेंट तो दे दिया उसने बट उसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं थी। या फिर उसने इलीगली काम किया, इरेगुलरिटी के साथ काम किया और अपील हो ही नहीं सकती, अपील हो ही नहीं सकती। ऐसी डिक्री है जिसमें अपील अलाउड नहीं है, या फिर ऐसा ऑर्डर है जो अलाउएबल में आता नहीं है, तो मतलब अपील नहीं हो सकती। और ऐसा कोई डिसीजन है जिसमें कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं थी, डिसीजन दे दिया, या इलीगल है, एरर है, ऐसे केस में होता है रिविजन। ऐसे केस में क्या होता है जल्दी बताओ? रिविजन। क्या होता है बड़ी जल्दी बताओ? रिविजन। समझ में आ रहा है सभी को? रिविजन क्या बोल रहा है? जब अपील नहीं हो सकती और कोर्ट ने कैसा जजमेंट दिया है? विदाउट जुरिसडिक्शन, या जुरिसडिक्शन थी फॉलो नहीं किया, ठीक है, या फिर इरेगुलरिटी के साथ काम किया है, इलीगली काम किया है, तो हम काय के लिए जाते हैं? रिवीजन। रिवीजन हमेशा हाई कोर्ट लेता है। कौन लेता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या तो पार्टी की एप्लीकेशन से लेता है, या तो खुद ही मामले को बुला लेता है अपने पास। या तो क्या करता है बेटा? या तो क्या करता है जल्दी बताओ? या तो खुद मामला ले लेता है, या तो फिर पार्टीज को बुला लेता है। कि मतलब कि या तो खुद मामला लेता है, या पार्टीज की एप्लीकेशन से मामले को लेता है हाई कोर्ट। हाँ या ना? रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, देखिए तीनों को मैं बताता हूं। रेफरेंस में क्या होता है? यू रेफर द मैटर फॉर द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट मे गिव ऑर्डर व्हिच एवर हाई कोर्ट थिंक्स फिट। दैट्स 113 रेफरेंस। रिव्यू इज टू द सेम कोर्ट। रिव्यू के लिए कब जाते हैं? व्हेन एडिशनल एविडेंस हैज बीन रिवील्ड, कोई एडिशनल एविडेंस आ गए, या फिर एनी मिस्टेक और एरर है वो सामने आ गई है, अपेरेंट है, या फिर कोई रीजन है। अच्छा रिवीजन के लिए कब जाएंगे? रिवीजन के लिए जाएंगे जब अपील नहीं हो सकती, ठीक है, जब अपील नहीं हो सकती और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया विदाउट जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन फॉलो नहीं किया, इरेगुलरिटी के साथ काम किया, इलीगली काम किया है, तो हाई कोर्ट खुद ऑन इज ओन या फिर ऑन पार्टीज एप्लीकेशन मैटर को अपने पास लेगा, उसे क्या कहते हैं? रिवीजन। क्या कहते हैं बड़ी उसको? रिवीजन। बोलो हाँ या ना? क्या कहते हैं उसको? रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग बात कर रहे हैं, प्लीज यार पढ़ाई करने आए हो आप लोग, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, आपस में ना करें यार, ऐसे ना करो प्लीज यार। मैं बहुत समझो, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब रिवीजन कराता हूँ ना तो एक माइंड में प्लानिंग लेके आता हूँ हर टॉपिक के लिए, कि इसको मेरे को इतना बताना है, इसको इतनी बार रिवाइज कराना है, और मैं बहुत मेहनत करूंगा आप लोग के लिए, बट आप लोग ऐसे बात करोगे ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। एवरीवन जो भी लोग बात करें, आई थिंक आकांक्षा, आप लोग किस, आकांक्षा है कौन, किससे बात करें, आई डोंट नो, बट प्लीज ध्यान दीजिए,
चलिए सर रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 113 114 115 वन सो कौन सा है 113 114 115 एकदम सिंपल है 113 क्या था रेफरेंस क्या कहता है कि भैया लोअर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट को रेफर कर सकता है एडवाइस ले सकता है यस और नो ले सकता है कि नहीं बिल्कुल ले सकता है यस और नो बड़ी यस बिल्कुल ले सकता है और जो हाई कोर्ट एडवाइस देगा डिसीजन देगा वो फिट रहेगा। अच्छा रिव्यू के मतलब किस पे जाना उसी कोर्ट के पास जाना उसी जज के पास जाना। ये कब जाते हैं कि अपना मैटर चेक करो कब जाते हैं जब एडिशनल एविडेंस आ गया या फिर मिस्टेक एरर सामने आ गई या फिर कोई रीजन है या फिर क्या है बड़ी रीजन बोलो हाँ या ना। पार्व कहता है हम कोविड पॉजिटिव बट स्टिल वॉचिंग लेक्चर नाउ अभी हालात है कोविड के अच्छा ध्यान दो भाई। चलिए अभी तो कुछ गंदा वाला भी एक आध वायरस आया ना। चलिए नेक्स्ट रिवीजन ध्यान देंगे बड़ी रिवीजन क्या कहता है रिवीजन क्या कहता है जब अपील नहीं हो सकती तो रिवीजन होता है। कब होता है ये जब किसी कोर्ट ने विदाउट जुरिसडिक्शन कोई मैटर ले लिया जुरिसडिक्शन फॉलो नहीं किया ठीक है कोई इलीगली इररेगुलरिटी के साथ काम किया तो हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन और पार्टीज एप्लीकेशन विल टेक अप द मैटर दिस इज नोन एज रिवीजन रेफरेंस रिवीजन प्लीज टेल मी क्लियर है 113 114 115 पक्का क्लियर है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन रेफरेंस रिव्यू रिवीजन कंफर्टेबल। अरे यस और नो सृष्टि कहती आपकी टेक्स की क्लासेस की टाइमिंग क्या है रात को 25 बजे। चलिए नेक्स्ट है 25 बजते ही नहीं है गधा। चलिए ओके नाउ ध्यान देना ओके ओके बड़ी ओके ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है गाइस 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 यू आर डूइंग सो वेल इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 30 minutes दैट्स इट ठीक है जस्ट अ मैटर ऑफ 30 minutes एंड वी आर डन विद ऑलमोस्ट 98% ऑफ सीपीसी हार्डली कुछ 2% का बचेगा वो कल हम लोग कल लेक्चर है कल का लेक्चर का टाइमिंग होगा दोपहर को और दोपहर को कहता हूँ कल लेक्चर होगा आपका 11:15 कब होगा कल 11:15 मेरा एक 10 से 11 का सेमिनार है तो मैं 11:15 को लेक्चर शुरू करूंगा कब करूंगा 11:15 सवा 11 बजे कल लेक्चर थोड़ा कम होगा 11:15 से हम मिलेंगे 12:15 1:15 2 बजे तक कितने बजे था 2 कम क्या उतना ही ठीक हो गया पर ठीक है चलेगा कल कितने बजेंगे 11:15 से 2 11:15 to 2 कल हम लोग मिलेंगे कल संडे तो भी लेक्चर है 11:15 इज द टाइमिंग व्हाट इज द टाइमिंग 11:15 कल हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या पढ़ने वाले डूड कॉन्स्टिट्यूशन आ जाओ चलिए अच्छा नेक्स्ट है सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन बोली क्या बेटा सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन मैं बताऊ क्या कंपनी पे केस कर सकते हैं क्या कंपनी में भी केस हो सकता है क्या कंपनी में केस कर सकते हैं और कंपनी में भी केस हो सकता है सर एग्जाम पोस्टपोन होगी क्या बिकॉज ऑफ वायरस वाह बेटा मौज कर दी बेटा क्या बात है बेटा हैं एग्जाम पोस्टपोन किस लिए होगी भाई कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाली है कुछ नहीं होने वाला गजब के सपने मत लेके चलो दिमाग में अब कुछ आ जाओ ना ध्यान देना ओए हेलो ध्यान देंगे क्या कंपनी में केस हो सकता है हाँ अच्छा मेरे को बताओ जो ये हम प्लेंट फाइल करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है डिफेंडेंट इसे कहते हैं प्लीडिंग्स क्या कहते हैं इसे प्लीडिंग इसे कहते हैं प्लीडिंग्स क्या कहते हैं बड़ी इसे प्लीडिंग व्हेन प्लेंटिफ फाइल द प्लेंट डिफेंडेंट फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट इसे प्लीडिंग्स कहते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं प्लीडिंग। अच्छा कंपनी के केस में प्लीडिंग कौन बनाएगा सीएस कौन बनाएगा सीएस या फिर डायरेक्टर या तो कोई प्रिंसिपल ऑफिसर जिसको भी फैक्ट्स के बारे में पता हो है ना वन हु इज अवेयर ऑफ फैक्ट्स तो प्लीडिंग्स कौन बनाएगा या तो सीएस या तो डायरेक्टर या तो कोई प्रिंसिपल ऑफिसर लाइक सीईओ सीएफओ डब्ल्यूटीओ एमडी मैनेजर इनको प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं ठीक है कि एमपी बोल सकते हो सो यस कौन कौन बनाएंगे प्लीडिंग्स कौन बनाएगा सीएस डायरेक्टर या तो कोई प्रिंसिपल ऑफिसर। अच्छा कंपनी को समन देना तो किसको देंगे कंपनी तो चल के आ नहीं सकती खुद तो या तो सीएस को या तो डायरेक्टर को या तो प्रिंसिपल ऑफिसर को किसको देंगे या तो सीएस को या तो डायरेक्टर को या तो प्रिंसिपल ऑफिसर को किसको देंगे बड़ी सीएस को या तो डायरेक्टर को या तो प्रिंसिपल ऑफिसर को। अच्छा कहां देंगे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में देंगे यस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में देंगे अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो जहां ऑर्डिनरली बिजनेस होता है वहां देंगे जहां ऑर्डिनरली क्या होता है बिजनेस वहां पे दे देंगे क्या देंगे समन बोलो हाँ या ना
क्या कोर्ट कभी भी सेक्रेटरी डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर को पर्सनली अपियर होने बोल सकती है? यस, बोल सकती है कि तुम खुद आओ, स्वयं आओ, तुम स्वयं कोर्ट ऐसा बोल सकती है, यस और नो? यस, ऐसा कोर्ट बोल सकती है। इजी छे, चलो वंडरफुल, ठीक है। तो क्या है बताइए, प्लीडिंग्स एकदम आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एकदम इजी है। प्लीडिंग्स कौन बनाएगा? सीएस डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर, यस और नो? अच्छा, समन किसको देंगे? देंगे भी किसको? सीएस को, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर को। देने कहां जाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो? रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो जहां पे कंपनी का बिजनेस चलता है वहां देंगे। अच्छा, क्या कोर्ट किसी को पर्सनली बुला सकती है कि तुम स्वयं आओ? किसको बोल सकती है? सीएस को, डायरेक्टर को या प्रिंसिपल ऑफिसर को? इजी छे एवरीवन, चलो वंडरफुल 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 वंडरफुल। चलिए ओके बेबी, सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हो गया है, हम सबका अच्छे से आईपीसी लीजिए। अच्छा देखते हैं वो, उसपे अभी जाओ। नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना। हेलो, नेक्स्ट है सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। नेक्स्ट कौन सा बेटा? सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। फिर से बोलो, कौन सा है? सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। नाउ व्हाट यू मीन बाय दैट, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर, सुनिएगा। आठ नंबर के लिए आया था बाबू साहब। कितने नंबर के लिए आया था? आठ नंबर। माय गॉड, आठ नंबर के लिए आया था, ठीक है। हर सवाल पूछते नहीं ऐसे। अभी आ जाओ, नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना। कौन से ईयर में आया था ये ध्यान नहीं है, सॉरी, बट आया था आठ नंबर के लिए। नया ध्यान देना, माइनर कौन है? जो 18 के नीचे है, ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति पेट में है वो माइनर है? जो बच्चा पेट में है, पेट में, वो माइनर है क्या कि नहीं है? जो व्यक्ति पेट में है वो माइनर है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस और नो? हाँ, जो बच्चा पेट में वो माइनर है। अच्छा, कई सारे लॉज में उसको माइनर माना गया है, यहां पे नहीं है वैसे, लेकिन कई सारे लॉज में उसको भी माइनर माना गया, लेकिन जो प्रोसेस में वो माइनर नहीं है। जो प्रोसेस में वो माइनर नहीं है। नाउ सर, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस में? छोड़ो, ध्यान देना। नहीं, सीरियसली, देयर वाज अ केस, एक केस हुआ था कि हस्बैंड एंड वाइफ वर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, सो एनीथिंग, कुछ तो हैपन हुआ, कुछ उसके साथ घटना घटी होगी, तो दे साइड कि हम अपने बच्चे के भी हाथ में केस करना चाहते हैं। बट इज इट इन एग्जिस्टेंस, जज साहब ने कहा, तो इट्स नॉट इन एग्जिस्टेंस, पेट में भी नहीं था वो, लेकिन बोले प्रोसेस के दौरान घटना कुछ ऐसी हुई थी, तो हम बचने के बिहाफ में, तो जो एग्जिस्ट नहीं हुआ अभी तक उसके बिहाफ में केस हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन जो पेट में है अंडर सर्टेन लॉज, उसको उसके बिहाफ में केस करना अलाउ किया गया है अंडर सर्टेन लॉज। बट ओके, यहां पे माइनर कौन है? जो 18 के नीचे है, और अगर कोई अनाथ है तो? अगर कोई अनाथ है तो 21 साल तक वो माइनर है। कितने साल तक बेटा? 21 साल तक। बोलो कितने साल तक बड़ी? 21 साल। 21 साल तक उसको माइनर माना गया। कितने साल तक बड़ी? 21 साल, ठीक है। सर, एग्जीक्यूटिव में नया सिलेबस ऐड हुआ है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी पढ़ाई करो चुपचाप। चलिए ओके, सो बताइए माइनर कौन है 18 साल तक, और जो अनाथ है वो 21। कितने साल बेटा? 21 साल तक वो माइनर माना गया है। अच्छा सुनिएगा, माइनर को केस करना है तो कैसे करेगा? अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू। कैसे करेगा बेटा? नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू। नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू माइनर केस करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड कोई भी हो सकता है, उसका लॉयर को भी वो नेक्स्ट फ्रेंड बना सकता है, गार्जियन को भी बना सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू केस करेगा, एक बंदे के थ्रू जिसको बोलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड साउंड और मेजर होना जरूरी है। नेक्स्ट फ्रेंड कौन होना चाहिए? साउंड और मेजर, ठीक है, साउंड और मेजर होना जरूरी है। अच्छा, माइनर ने अगर विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड केस किया तो डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर डिसमिसल ऑफ सूट। डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर डिसमिसल ऑफ सूट। देखो क्या पॉइंट्स लर्न करना है कि डिफेंडेंट, सॉरी, माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेंड एज ऑफ 18 एंड हु इज विथ कोर्ट ऑफ वॉट, सो माइनर इज टिल ही अटेन्स 21, राइट। माइनर को केस करना तो कैसे करेगा? थ्रू अ पर्सन हु विल बी कॉल्ड एज अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर। नेक्स्ट फ्रेंड शुड बी साउंड एज वेल एज मेजर, ठीक है। अच्छा, माइनर पे केस होता है तो कोर्ट विल अपॉइंट वन गार्जियन। कोर्ट विल अपॉइंट वन गार्जियन। इफ केस इज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द माइनर, देन कोर्ट विल अपॉइंट वन गार्जियन। कंफर्टेबल? फिर से देख लीजिए, सबसे पहले माइनर पे केस करना है तो माइनर पे केस करना है तो कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करेगा। यस, माइनर केस कर रहा है तो नेक्स्ट फ्रेंड
के थ्रू होगा और नेक्स्ट फ्रेंड मेजर और साउंड माइंड होना जरूरी है। अच्छा मान लो माइनर ने मेजर, माइनर ने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू केस किया था, अब माइनर मेजर हो गया, तो माइनर हैव टू चॉइसेस, ईदर टू डिसमिस द सूट और ईदर टू कंटिन्यू द सूट। इफ यू डिसमिस द सूट ही मे हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ cost which is applied for dismissal, and if he continues the suit he will discharge the next friend and he will continue the case on his own। अरे बोलो हाँ या ना, क्या लिखा है? जब minor major बनता है तो उसको दो choice मिलती है, या तो वो या तो abandon मतलब खत्म करे या तो चलता रहे। अगर वो सोचता है कि चलता रहे तो next friend को क्या कर देगा? discharge। next friend को क्या कर देगा? discharge, और खुद के नाम से कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा और title उसके नाम से हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर वो बोलता है अबंडन करना है, केस खत्म करना है, तो क्या होगा? तो कुछ उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है बड़ी? कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। क्या कर चलिए ओके सो नाउ ध्यान देंगे। सो यस, अगर माइनर, हेलो पीपल, अगर माइनर मेजर बनता है तो दो चॉइस है क्या? या तो कंटिन्यू करना है या तो खत्म करना है। कंटिन्यू करेगा तो क्या करेगा? नेक्स्ट फ्रेंड को डिस्चार्ज करेगा, खुद के नाम से केस आगे बढ़ाएगा और टाइटल को करेक्ट कर लिया जाएगा। अगर वो बोलता है अबंडन करना है तो, खत्म करना है तो फिर माइनर को थोड़ी बहुत कॉस्ट लग सकती है, थोड़ी बहुत कॉस्ट उसको लग सकती है। तो माइनर का टॉपिक एक बार देखते हैं, खत्म करते हैं जल्दी से। कम ऑन, माइनर कौन है? जिसकी 18 साल तक एज है और जो कोड अवार्ड में 21 साल तक। माइनर किसी के थ्रू केस करेगा उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर। क्या कहते हैं बड़ी? नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर। अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए यस और नो। अगर आपने नेक्स्ट फ्रेंड के बिना केस किया तो डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर डिसमिसल ऑफ सूट। डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर डिसमिसल, डिफेंडेंट बोल सकता है कि केस को खत्म करो। अच्छा डिफेंडेंट पे केस हुआ तो कोर्ट कैन अपॉइंट वन गार्जियन। व्हेन माइनर अटेन द मेजोरिटी हैव टू चॉइस, इधर टू continue the suit or either to abandon, dismiss it. If he elects to continue the suit, then he will discharge the next friend. He will continue case on his own and title will be corrected. And if he decide to abandon the suit, then he might have to pay some cost for the dismissal. He might have to pay some cost for the dismissal. Comfortable everyone? अरे बोलो हाँ या ना। सारे कह रहे हैं आज ही complete कराओ। बेटा आज ही complete होगा, आज ही complete होगा। तुम्हें क्या लग रहा है? थोड़ा सा ही बचा हुआ है, just hardly it's a matter of 15 minutes, that's it. Hardly it's a matter of 15 minutes. आपको नहीं करना है? हाँ आपको क्या बोल रहे थे? एनी एक्सक्यूज? यू मे गो आउट? नहीं बोल रही थी ना खाना कुछ, अभी बोल रही थी कुछ। नहीं नहीं, यू आई हर्ड समथिंग। अच्छा अब नहीं बोल रही है, ठीक है ओके। नाउ ध्यान देना बड़ी, समरी प्रोसीजर, ठीक है? ये डर मुझे अच्छा लगा। अभी ध्यान देंगे एवरीवन, समरी प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज समरी प्रोसीजर, ध्यान देना। देखो यार कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट जाते तो क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऑर्डर आता ही नहीं है, ऑर्डर आता ही नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑर्डर जल्दी आए, इसलिए देयर इज वन थिंग व्हिच इज नोन एज समरी प्रोसीजर, जिसे कहते हैं ऑर्डर 37। क्या कहते हैं बड़ी? ऑर्डर 37, याद रखना ये। समरी प्रोसीजर इज ऑर्डर 37। समरी प्रोसीजर इज व्हाट? ऑर्डर 37। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीएस है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीएस है। यस ऑर्डर, सिविल प्रोसीजर कोर्ट का वेटेज अच्छा है, 8 से 12 नंबर का वेटेज है, कई बार 16-16 नंबर का भी आया हुआ है। इसलिए आज का लेक्चर जिन्होंने अच्छे से अटेंड किया और घर जाके अच्छा पढ़ोगे, आपने आज कम से कम अपने 8 से 12 नंबर सिक्योर कर लिए। इनफैक्ट इट कैन बी मोर देन दैट, बट आई एम सेइंग मिनिमम साइड, मिनिमम साइड यू हैव सिक्योर 8 to 12। अब ध्यान देना समरी प्रोसीजर क्या कहता है, कि कुछ मामले समरी प्रोसीजर में जाएंगे जहां पे एक ही हेयरिंग में सब खत्म कर देंगे, एक ही हेयरिंग में सब खत्म कर देंगे। अच्छा कई बार तो डिफेंडेंट आएगा भी नहीं और मैटर खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, आगे देखते हैं कैसे होता है। कौन से मामले पहले समरी प्रोसीजर में जाएंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक और रिकवरी ऑफ डेट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे और रिकवरी ऑफ डेट। बोलो कौन से मामले समरी प्रोसीजर में जा सकते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट और रिकवरी ऑफ डेट विथ और विदाउट इंटरेस्ट, रिकवरी ऑफ डेट विथ और विदाउट इंटरेस्ट, ये मामले समरी प्रोसीजर में जा सकते हैं। ठीक है, या तो आपको किससे पैसा लेना था कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठीक है, या तो फिर किसी इनैक्टमेंट यानी लॉ के तहत, या तो गारंटी के तहत आपको किसी से पैसा लेना था, तीन केसेस पे, या तो किसी
कॉन्ट्रैक्ट के तहत, या तो किसी लॉ के तहत, या इनएक्टमेंट यानी लॉ के तहत, या तो गारंटी के तहत, या तो गारंटी के तहत लास्ट में। क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान देना एवरीवन। सो समरी प्रोसीजर जो है, सभी लोग ध्यान देंगे, समरी प्रोसीजर जो है बड़ी, कौन से मामले इसमें आते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, ये सब मामले आते हैं, और रिकवरी ऑफ डेट विद और विदाउट इंटरेस्ट। या तो पैसा लेना था कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इनएक्टमेंट यानी लॉ के तहत, या तो गारंटी के तहत। पैसा कैसे लेना था? कॉन्ट्रैक्ट के तहत, या तो किसी इनएक्टमेंट यानी लॉ के तहत, या तो गारंटी के तहत। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। अरे बोलिए यस और नो बड़ी। इजी है? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए ओके, चलो वंडरफुल, ओके बड़ी। ध्यान देना, ये मामले समरी प्रोसीजर कौन लेता है? तो हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और स्मॉल कोर्ट। ये मामले कौन लेता है? हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। वंस मोर, कौन लेता है? हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। कौन लेता बेटा? हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। और हाई कोर्ट किसी को मना भी कर सकता है मामले लेने से। ठीक है, हाई कोर्ट मना भी कर सकता है, यस। अगर डिफेंडेंट समरी प्रोसीजर का मामला लड़ना चाहता है, अगर डिफेंडेंट समरी प्रोसीजर का मामला लड़ना चाहता है, 14 दिन के अंदर उसको, 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर बेटा? 10 दिन के अंदर उसको अपियर होना पड़ेगा जब से समन इशू हुआ। कितने दिन के अंदर अपियर होना पड़ेगा? 10 दिन के अंदर अपियर होना पड़ेगा जब से समन इशू हुआ। कितने दिन? 10 दिन। लिमिटेशन पीरियड कितना है? 10 दिन। कि भैया 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 कि याद रखना कि जब से समन इशू हुआ कितने दिन में अपियर होना बेटा? 10 दिन, 10 दिन में अपियर होना है। अच्छा, उसमें भी उसको मौका नहीं मिलेगा, उसमें भी उसको मौका नहीं मिलेगा कोई डिफेंस का, अगर उसके पास कोई सब्सटेंशियल डिफेंस नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? कोई सब्सटेंशियल डिफेंस। कोर्ट को लग रहा है इसके पास कोई सब्सटेंशियल डिफेंस नहीं है तो उसको लड़ने का मौका देंगे ही नहीं, या फिर उसने पैसा जमा नहीं कराया कोर्ट में, या तो फिर उसने क्या नहीं कराया? पैसा जमा नहीं कराया। ही हैज नॉट डिपॉजिटेड मनी ईदर, और ही डज नॉट हैव सफिशिएंट कॉज एज पर कोर्ट, सो ही विल नॉट बी गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। In other cases, he have opportunity if he appears within 10 days of giving summon. Yes or no? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। फिर से सुनो, summary procedure कौन कौन से मामले आते हैं? Bill of exchange, promissory note, recovery of debt with or without interest. ठीक है, या तो contract के तहत पैसा लेना था, या तो enactment यानी law के तहत, या तो guarantee के तहत। कौन से कोर्ट ले सकते हैं मामले? हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। अच्छा, डिफेंडेंट को कितने दिन में अपियर होना पड़ता है समन से? 10 डेज। उसमें भी दो केसेस में तो उसको आने का मौका ही नहीं है, अगर उसके पास कोई सफिशिएंट डिफेंस नहीं है, या फिर कोई पैसा उसने जमा नहीं कराया जो कोर्ट ने कहा था। If he has not deposited money or either he don't have sufficient defense, he is not allowed to defend his case. In other cases, he can defend if he appear within 10 days of filing summon. है ना, समझ में आ रहा सभी को? अच्छा, कितने साल में समरी सूट के लिए केस करना है? एक साल। कितने साल? एक साल। अगर आपको समरी प्रोसीजर में कोई मामला लेके जाना है, एक साल का टाइम है। कितने साल का टाइम है बेटा? एक साल। एक साल में केस करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैटर है तो 3 साल में केस करना पड़ेगा। नॉर्मली मैटर है तो 1 साल में केस करना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मामला है तो 3 साल में केस करना पड़ेगा। नॉर्मल मामला है तो 1 साल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो 3 साल। नॉर्मल मामला है तो 1 साल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो 3 साल। समरी प्रोसीजर रिवाइज करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा 5 मिनट के टॉपिक बचे हैं, बस खत्म है फिर। 5 मिनट के हार्डली छोटे से बचे हैं, आ जाओ। वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, समरी प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से करो। कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 37। फिर से, ऑर्डर कौन सा है? 37। कौन से मामले जाते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, रिकवरी ऑफ डेट विद और विदाउट इंटरेस्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत, या तो लॉ के तहत, या तो गारंटी के तहत। कौन से कोर्ट ले सकते हैं? हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कोर्ट। हाई कोर्ट किसी को मना भी कर सकता है, यस। किसी डिफेंडेंट को अपियर होना है, कितने दिन में जाना है? 10 दिन। दो केसेस में तो उसको मना ही कर देंगे, आई बात भाई तू। कौन से दो केस? अगर उसके पास सफिशिएंट डिफेंस नहीं है, या फिर उसने अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया, ही हैज नॉट डिपॉजिटेड द अमाउंट व्हिच ही वाज आस्क्ड टू, है ना। अच्छा, कितने साल में समरी प्रोसीजर का केस करना है? 1 साल। कितने? 1 साल। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 साल। सभी को समझ आ गया? अरे बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आया? पक्का सबको समझ आया? रेसिडुअल टॉपिक्स बचे कर ले। बताओ, सीपीसी
जहन में उतर रहे कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। अरे यस सर नो बॉडी। ये जैसा टॉपिक आपने किया ना, ये तो इतना बड़ा टॉपिक आपने 3 घंटे में किया है। छोटे छोटे बड़े बड़े सारे टॉपिक 10 दिन दे दो बस मेरे को। तुम कितने दिन देना है? 10 दिन पूरा ऐसा पढ़ेंगे अपन। उसके बाद बस घर पे एक बार पढ़ लो तुम लोग, और उसके बाद एक रिवीजन बाद में। मैं बोल रहा हूँ कोई रोक के दिखाएगा तुम्हारे को। बस घर पे पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, दैट्स इट। यू गाइज विल रॉक, मैं गारंटी देता हूं। चलिए थोड़ा सा जो हमारा बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कर लेते हैं। आ जाइए, बस छोटे छोटे से एकदम इश्यूज। इश्यू मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूं तू चोर है, तू कह रहा है मैं चोर नहीं हूं, ये इश्यू है ना। मैं कह रहा हूं अब्बर सर ने मेरी शर्ट चुराई है, अब्बर सर कह रहे मैंने नहीं चुराई, इश्यू। मैं कह रहा हूं ये घर मेरा है, तुम कह रहे हो मेरा है, इश्यू। इश्यू मीन्स एनीथिंग विच इज अफर्म बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अनदर पार्टी। इश्यू मीन्स वन थिंग अफर्म बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अनदर पार्टी। एक पार्टी कह रही है ऐसा है, दूसरी पार्टी कह रही है ऐसा नहीं है। एक पार्टी कह रही है ऐसा है, दूसरी पार्टी कह रही है ऐसा नहीं है। फिर चलो, एक पार्टी क्या कह रही है? ऐसा है। दूसरी पार्टी क्या कह रही है? ऐसा नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो। अच्छा, जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर के एंड में हाफ एन आवर ये लेक्चर रहेगा, कमेंट जरूर करना, ठीक है। दिस कमेंट इज नॉट, दिस कमेंट इज फॉर कि कोई आपको कैसा लगा लेक्चर पहले तो ये बताना, और मेरे को पता चलेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट करना है अगर मुझे रिवीजन में। सो आई विल, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। सो हाफ एन आवर में आप लोग प्लीज सारे कमेंट्स पढ़ना, और अगर 500 कमेंट हो गए तो ये लेक्चर पब्लिक रहेगा। कितने लेक्चर हो गए? 500 कमेंट अगर हो गए तो ये लेक्चर पब्लिक रहेगा, ठीक है भाई। अगर 500 कमेंट हो जाते हैं तो ये लेक्चर पब्लिक रहेगा, बट देखते हैं, लेट्स सी। बाकी के लेक्चर नहीं होंगे, बाकी के लेक्चर प्राइवेट ही होंगे। दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ये लेक्चर में 500 कमेंट हो जाते हैं, दिस लेक्चर विल बी पब्लिक। ओके, नाउ ध्यान देंगे ना। हाँ जी हाँ जी, नाउ ध्यान देंगे। इश्यूज कौन कौन से मैटर इश्यूज होते हैं? एक पार्टी क्या कर रही है? अफर्म। और दूसरी पार्टी क्या कर रही है? डिनाय। एक पार्टी क्या कर रही है? अफर्म। दूसरी पार्टी क्या कर रही है? डिनाय। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बड़ी? सॉरी, इसे इश्यू कहते हैं। पानी देना बड़ी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इसमें है नहीं पानी यार। चलिए नेक्स्ट है बड़ी, ये इश्यूज कहां से अराइज होंगे? तो प्लेंट और एलिगेशन से। कहां से अराइज होंगे? प्लेंट या एलिगेशन से, या फिर पार्टीज कुछ एलिगेशन मतलब इल्जाम लगाएगी, या तो पूछताछ में कोई इल्जाम लगेंगे, या तो डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट्स होंगे वहां से एलिगेशन होंगे, या तो कोई पार्टी स्टेटमेंट देगी, या तो विटनेस को जब एग्जामिन करेंगे। इश्यू मतलब विवाद कहां से आ सकते हैं, तो विवाद कहां से आ सकते हैं? या तो पार्टी ने प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट में इल्जाम लगाए थे, या तो फिर उनके लीडर्स ने इल्जाम लगाए थे, या तो इंट्रोगेटरी पूछताछ में इल्जाम लगाए थे, या तो डॉक्यूमेंट के कुछ कंटेंट से इश्यू अराइज हो सकते हैं, या फिर पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दी थी, बोलो हाँ या ना, या तो फिर विटनेस को हमने क्या किया था? एग्जामिन। यहां सबसे क्या अराइज हो सकते हैं? इश्यू। कब कब अराइज होंगे इश्यू? जब रिटर्न स्टेटमेंट या प्लेंट में इल्जाम लगाए थे, या फिर पार्टीज ने उनकी लॉयर ने इल्जाम लगाए थे, या फिर इंट्रोगेटिव पूछताछ में इल्जाम एलिगेशन लगाए गए थे, डॉक्यूमेंट के कंटेंट में, या फिर पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दी थी जब उनसे पूछा जा रहा था, या फिर विटनेस ने कुछ, विटनेस को जब एग्जामिन किए तो वहां से इश्यू अराइज हो सकते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट, कर लोगे ये? ओके, नेक्स्ट है हेयरिंग ऑफ सूट। हेयरिंग ऑफ सूट, व्हाट इज हेयरिंग? हेयरिंग मतलब होता है सुनवाई। हेयरिंग मतलब क्या होता है? सुनवाई। हमेशा प्लेंटिव हमेशा स्टार्ट करता है, हेयरिंग हमेशा कौन स्टार्ट करता है? प्लेंटिव। कौन पहले जज साहब के सामने बोलेगा? प्लेंटिव। दो केसेस में डिफेंडेंट बोलेगा, एक जब वो या तो एलिगेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो बोलेगा, या फिर वो उसके पास कोई ऐसे सबूत हैं जिससे प्लेंटिव के सारे इल्जाम खारिज हो जाते हैं। दो केसेस में डिफेंडेंट स्टार्ट करेगा, सिर्फ दो केस में। वैसे तो कौन स्टार्ट करेगा? प्लेंटिव। दो केसेस में डिफेंडेंट स्टार्ट करेगा, इधर ही अफर्म्स, या तो वो एक्सेप्ट करता है, या तो फिर उसके पास ऐसे पॉइंट ऑफ लॉ है, ऐसे फैक्ट है जिससे प्लेंटिव को कोई रिलीफ नहीं मिलता, प्लेंटिव को कोई रिलीफ नहीं मिलता। ऑलवेज एंड ऑलवेज प्लेंटिव विल स्टार्ट द हेयरिंग। ओनली टू केसेस डिफेंडेंट विल स्टार्ट, इधर इफ ही अफर्म्स, और इफ इधर ही हैज ऑन पॉइंट ऑफ लॉ और सम फैक्ट्स फ्रॉम विच प्लेंटिव इज नॉट गोइंग टू गेट एनी रिलीफ, देन ओनली डिफेंडेंट विल स्टार्ट, अदरवाइज डिफेंडेंट स्टार्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, ये इंपॉर्टेंट एफिडेविट, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एफिडेविट। क्या एफिडेविट देख लो, ये आ सकता है एग्जाम में। मेरे को बताओ क्या कोर्ट में झूठ बोलना अलाउड है? क्या कोर्ट में झूठ बोलना अलाउड है? तो आंसर इज यस,
कोर्ट में आप झूठ बोल सकते हैं? क्या कोर्ट में झूठ बोल सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। क्या कोर्ट में झूठ बोल सकते हैं? तो आंसर इज कोर्ट में झूठ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज का एफिडेविट दे दिया और वो झूठा निकला तो सजा है। झूठ बोलने की सजा नहीं है, लेकिन झूठ बोला और एफिडेविट दिया था झूठा, तो एफिडेविट की सजा, इसलिए एफिडेविट लिया जाता है। लाइक मैंने, मेरे से पूछा रात को कहां थे, मैंने कहा घर में था, तो और मैं नहीं था घर पे, तो इसकी सजा नहीं है, लेकिन मैंने एफिडेविट पे लिख के दिया उस रात में घर पे था और पता चल गया मैं उस रात घर पे नहीं था, तो एफिडेविट झूठा देने की सजा है। इसलिए कोर्ट बोलती है कि एविडेंस को एफिडेविट से प्रूफ करो, किसी फैक्ट को एफिडेविट से प्रूफ करो, विटनेस को बोलती है विटनेस की स्टेटमेंट एफिडेविट से रीड करो। एफिडेविट मतलब कि ये सच है, और अगर एफिडेविट झूठा निकला तो सजा है, इसलिए एफिडेविट लिए जाते हैं। वैसे कोर्ट झूठ बोलने की सजा नहीं है, लेकिन एफिडेविट झूठा निकला तो सजा है। तो एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिपोनेंट, डिपोनेंट मतलब जो एफिडेविट देता है, डिपोनेंट मतलब जो एफिडेविट देता है, तो इट्स अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिपोनेंट ऑन ओथ। ओथ मतलब शपथ खा के वो बोलता है, शपथ खा के बोलता है, या तो कोर्ट के सामने, या तो मैजिस्ट्रेट के सामने, या ओथ कमिश्नर के सामने, या नोटरी पब्लिक के सामने, ठीक है। तो एफिडेविट क्या है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ होम डिपोनेंट ऑन ओथ मतलब शपथ खा के वो बोलता है, किसके सामने, या तो कोर्ट के सामने, या तो मैजिस्ट्रेट के सामने, या ओथ कमिश्नर के सामने, या नोटरी पब्लिक के सामने, या तो किसके सामने, नोटरी पब्लिक के सामने, किसके सामने बड़ी, या तो कोर्ट के सामने, या तो मैजिस्ट्रेट के सामने, या तो ओथ कमिश्नर के सामने, या तो नोटरी पब्लिक के सामने। कौन देता है ये? डिपोनेंट, डिपोनेंट मतलब जो एफिडेविट दे रहा है, ओथ, ऑन ओथ मतलब शपथ खा के। कोर्ट क्या किसी फैक्ट को एफिडेविट से प्रूफ करने बोल सकती है? यस, कोर्ट किसी भी फैक्ट को एफिडेविट से प्रूफ करने बोल सकती है। क्या किसी विटनेस को बोल सकती है एफिडेविट से रीड करो? यस। क्या किसी एविडेंस के लिए भी एफिडेविट मांग सकती है? यस। तीन चीज के लिए कोर्ट एफिडेविट मांग सकती है, फैक्ट, विटनेस, एविडेंस। किसी सच को एफिडेविट से प्रूफ करो, किसी विटनेस को एफिडेविट से रीड करो, किसी एविडेंस के लिए एफिडेविट दो। इजी। सो एफिडेविट इज नथिंग बट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑन ओथ विच ही अफर्म्स बिफोर कोर्ट, बिफोर मैजिस्ट्रेट, बिफोर ओथ कमिश्नर, है ना, या फिर नोटरी पब्लिक। एफिडेविट कोर्ट कब मांग सकती है? किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, यस। yes. किसी एविडेंस के लिए, यस। yes. किसी विटनेस को रीड करने के लिए, यस। फैक्ट, विटनेस, एविडेंस, तीन चीज के लिए एफिडेविट लिया जा सकता है। फिर से बोलो, कौन कौन सी? फैक्ट, विटनेस, एविडेंस। एविडेंस के लिए कि ये वीडियो सच है कि नहीं एफिडेविट दो, ये ऑडियो सच है कि नहीं एफिडेविट दो। एविडेंस के लिए, किसी विटनेस के लिए, गवाह के लिए, और किसी फैक्ट। मैं कह रहा हूं मैंने चोरी नहीं की, एफिडेविट पे लिख के दो। अरे हाँ या ना, यस और नो बड़ी। वंडरफुल। लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है जजमेंट, और इसके बाद छोटा सा एक बचा मिसजॉइंटर, खत्म। जजमेंट, 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 जजमेंट कब आएगी? तो जब हेयरिंग खत्म होगी उसके 30 दिन के अंदर। जजमेंट कब आएगी? जब हेयरिंग खत्म होगी उसके 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर बड़ी? 30 दिन के अंदर, जब से हेयरिंग खत्म हुई। मैक्सिमम एक्सटेंशन 60 दिन का मिल सकता है, और एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? 60 दिन। बस इतना याद रखना है इसमें। जजमेंट कब आएगी? जब हेयरिंग खत्म हुई उसके 30 दिन के अंदर। मैक्सिमम एक्सटेंशन 60 दिन का मिल सकता है। हेयरिंग कब आएगी, और सॉरी जजमेंट कब आएगी? 30 दिन के अंदर। कब से? जब से हेयरिंग खत्म हुई। मैक्सिमम एक्सटेंशन 60 दिन का मिल सकता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? 60 दिन। कितना मिल सकता है बड़ी? अच्छा, कोई जजमेंट 3 साल बाद आई थी, क्या वो वैलिड है? नहीं। अरे यार, कितने दिन, कब आनी चाहिए? जब से हेयरिंग खत्म हुई वहां से 30 डेज। तुम बोलोगे सर सलमान खान का केस तो 8 साल से चल रहा है, लेकिन हेयरिंग खत्म नहीं हुई है ना, हेयरिंग पोस्टपोन होते जा रही है। जब हेयरिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद जजमेंट कितने दिन में आ जाएगी? 30 दिन। ठीक है, कितने दिन बेटा? 30 दिन। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना? 60 दिन। इजी, राइट? वी आर डन स्वीटहार्ट्स, वी आर डन स्वीटहार्ट्स। आई एम सो सो हैप्पी कि आप लोगों का सीपीसी पूरा रिवीजन 3.5 घंटे में हो गया। मिस ज्वाइंटर, बस वही करा रहा हूं, मिस ज्वाइंटर ही करा रहा हूं। आ जाओ, मिस ज्वाइंटर एक बचा है, देन वी आर डन। मिस ज्वाइंटर क्या होता है? सुनो, इजी है, एकदम पंचेट है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। कौन सा पेज पे है? 87 पे। क्या? ओके बाड़ी, ये क्या? ओके, व्हाट इज मिस ज्वाइंटर? ध्यान देना, मेरे को बताओ। मैंने, सोमिल सर ने, अब्बर सर ने, आशीष सर ने आपके साथ फ्रॉड किया, तो क्या तुम, हम सब पे एक साथ केस कर सकते हो? यस, अगर मैटर एक ही है तो। हम सबका मैटर फ्रॉड का है तो चारों पे एक साथ केस हो सकता है? यस। लेकिन अगर मान लो मैंने तुम्हारे साथ चोरी किया हूं, सोमिल सर ने,
तुम्हारे को डिफेम किया है, अब्बर सर ने तुम्हारे को चिमटी मारे हैं, आशीष सर ने तुम्हें धक्का दिया है, अब सब पे एक साथ केस हो सकता है? नो. अगर अब भी सब पे एक साथ केस करोगे इट इज नोन एज मिस जॉइंडर. देखो जॉइंडर इज अलाउड, मिस जॉइंडर इज नॉट अलाउड. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जॉइंडर इज अलाउड, मिस जॉइंडर इज नॉट अलाउड. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इफ देर आर मोर देन वन प्लेंटिफ और देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट. इफ देर आर मोर देन वन प्लेंटिफ एंड देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट एंड देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, है ना, देयर इज अ सेम कॉज ऑफ एक्शन, देन ओनली इट इज नोन एज जॉइंडर. If there is no common question of law of fact, there is no common cause of action, then it is known as misjoined. समझो, समझो. तुम मेरे पे केस कर रहे हो चोरी का, अब्बर सर पे केस कर रहे हो डिफेमेशन का, सोमिल सर पे चिमटी का, आशीष सर पे धक्के का, और एक साथ कर रहे हो एक ही प्लेंट से, तो ये हो जाएगा misjoined. क्या हो जाएगा? misjoined. ये अलाउड नहीं है. लेकिन चारों पे केस कर रहे हो फ्रॉड का कि ये हमारा पैसा लेके भाग गए हैं, तो ये क्या है? joinder. क्या अलाउड है? joinder. क्या अलाउड नहीं है? misjoinder. क्या अलाउड है? joinder. क्या अलाउड नहीं है? मिस ज्वाइंड. पुष्कर इसीलिए तो उसको गलत माना गया था ना, ठीक है. क्या अलाउड है बेटा? ज्वाइंडर. क्या अलाउड नहीं है? मिस ज्वाइंडर. ज्वाइंडर इज अलाउड, मिस ज्वाइंडर इज नॉट अलाउड. वंस मोर, व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड? ज्वाइंडर इज अलाउड, मिस ज्वाइंडर इज नॉट. सो इफ देर आर मोर देन वन प्लेंटिफ, मोर देन वन डिफेंडेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? देर शुड बी अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ. क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ होना जरूरी है. तो वो क्या होगा? ज्वाइंडर. कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो क्या बन जाएगा? मिस ज्वाइंडर. अच्छा आप मुझे बताना, ये ज्वाइंडर है कि मिस ज्वाइंडर? मैं तुम सब पे केस कर रहा हूं, सब पे केस कर रहा हूं, और सबके मामले मेरे अलग अलग है. दिस इज व्हाट? मिस ज्वाइंड. क्योंकि देर इज नो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, नो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड नो कॉमन कॉज ऑफ एक्शन. तो ये क्या हो जाएगा? मिस ज्वाइंड. अच्छा मैं तुम सब पे केस कर रहा हूं कि तुम सब मुझे क्लास में बहुत परेशान करते हो. ज्वाइंड. किस पे आएगा ये? ज्वाइंड. एंड ज्वाइंडर इज अलाउड, ज्वाइंडर इज अलाउड, मिस ज्वाइंडर इज नॉट. इजी, कंफर्टेबल. सो मिस ज्वाइंडर आया तो बस इतना लिखना है कि इफ देर आर मोर देन वन प्लेंटिफ, मोर देन वन डिफेंडेंट, देर इज नो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, नो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, देर इज नो कॉमन कॉज ऑफ एक्शन, दिस इज नोन एज मिस ज्वाइंडर एंड दिस इज नॉट अलाउड. टू अवॉइड मिस ज्वाइंडर देर शुड बी अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सेम कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है? इजी एवरीवन? कंफर्टेबल. सो आपका सीपीसी हो गया पूरा का पूरा खत्म. चलो मैं ऑफलाइन, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको क्लास तो दिखा दें, आप लोग शक्लें तो दिखा दें आप लोग. ये देखो ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं. हेलो एवरीवन, हाय तो कर दो भाई. ओके चलिए बड़ी. सो यस ओके, तो बहुत ही शानदार रिविजन किया. सुनिएगा, टेलीग्राम की लिंक्स हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में. मतलब ये वीडियो जैसे एंड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम की जरूर ऐड होइए. ठीक है, सभी लोग ऐड हो जाइएगा. एंड कमेंट करके सबको बताना है हाउ यू फेल्ट, कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताना है. जितने ऑफलाइन वाले आप लोग भी कमेंट करोगे लेक्चर एंड होने के बाद. एक मिनट, हेलो. एंड आशीष सर सीएमए का रिविजन चालू करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं कब? 20 तारीख से चालू करेंगे. तो उसकी भी लिंक है एफएम की, जरूर ऐड करो. आशीष सर धमाल मचाएंगे भाई साहब. ऐसा एफएम पढ़ाते हैं सर, ऐसा एफएम पढ़ाते हैं, मतलब जो एफएम पढ़ा रहे हैं वो भी उनसे पढ़ते हैं. तो प्लीज यार जबरदस्त तरीके से आप लोग उसमें भी रिस्पांस देना जैसे इसमें दिया है. एंड अब्बर सर भी 20 से चालू करेंगे, सोमिल सर का भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगा. यहां पे कमेंट नहीं करना है, लेक्चर के एंड में जरूर कमेंट करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच. चलो एक गाना सुनाता हूँ फिर डन करते हैं. ठीक है, एक दो छोटा सा गाना सुनाता हूँ फिर डन करते हैं. आ जाओ, छोटू सा. कौन सा गाना सुनोगे? छोटू सा. चलो एक सुनाता हूँ, प्यारा वाला सुनाता हूँ. चलो प्यारा तेरे लिए. नहीं नहीं सुनो. ओ दरिया मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा. ओ दरिया जरा रोकण दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा. तैर के आया नदिया वे, पल पल जैसे सदिया वे, इश्क बड़ा है इंतहाम तेरा. छान ली तेरी गलियां वे, दिल मेरा ना मिले आवे, मुझको बना ले निगबान तेरा. ओ दरिया है तुझ सा ही दिलदार, ओ रांझा मेरा,
ओ रांझा मेरा। चलिए भाई, ओके, थैंक यू सो मच भाई, एवरीवन टेक केयर, मिलते हैं फिर कल। कल का टाइमिंग क्या है? 11:15, ठीक है, कल का टाइमिंग है 11:15, 11:15 का टाइम है। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय। यस सर, आ रहा हूं। 11:15 मतलब 11:15 है कल का टाइमिंग, 11:15, ठीक है भाई, 11:15 का टाइमिंग है कल, बाय, टेक केयर, कमेंट जरूर करिएगा, बाय।